मैं मुकेश जोशी, आपके आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहेगा, बहुत ही चीजें सीखने को मिलेगी। परफॉर्मर ये लोग फील्ड में जाने वाले लोग हैं, और एक बात मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं शुरू होने से पहले कि दे आर नॉट अ स्पीकर, राइट? ये स्पीकर नहीं है, ये लोग परफॉर्मर है। सो ये लोग क्या है मालूम है, ये लोग बैटिंग करने वाले लोग है। तो आज अच्छी चीजें वो आप लोग के बीच में बताएंगे, वो कैसे बैटिंग करते हैं। यहाँ पर कोई आपको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताएगा, कोई बड़े क्लाइंट के साथ कैसे वो लोग काम करते हैं वो बताएंगे, कोई रेगुलर बिजनेस कैसे करते हैं वो बताएंगे, और हम लोग जो ग्रुप तैयार करते हैं 20 परफॉर्मर्स, ये तीसरी सीजन है। इसका मतलब इसके पहले 20 स्पीकर हो चुके, उसके बाद 20 स्पीकर हो चुके, अभी वापिस ये 20 स्पीकर, तो टोटल ये 60 परफॉर्मर्स आप लोगों के बीच में ये तीन सीजन को लेके हम लोग आ रहे हैं, और ये सीजन चलती रहेगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगली सीजन के लिए भी 20 लोगों का लिस्ट अभी हमारे पास में तैयार है। राइट, सो एमटीबीटी मीट द टॉप बी द टॉप सीजन 4 के भी लिस्ट हमारे पास तैयार है, क्योंकि लॉट ऑफ परफॉर्मर्स आर देयर। आईओई ने आज इतने सालों के अंदर में अनगिनत रत्न इंश्योरेंस इंडस्ट्री को दिए हुए हैं। सो ये सीरीज तो चलती रहेगी जब तक आपका साथ रहेगा, आपका प्यार रहेगा, और आपको इस चीज की जरूरत होगी। राइट, सो दोस्तों विधिवत शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 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 जो हमारे परफॉर्मर है तो वो आपको 10 मिनट के अंदर में दो या तीन पावरफुल सेलिंग आइडियाज देंगे आपको, और प्रैक्टिकल शेयरिंग बताएंगे कि वो उनके क्लाइंट के पास जाके उन्होंने क्या बात किया कि उनको पॉलिसी मिल गया। राइट, कोई जैसे बोलते हैं ना सीधी बात, नो बकवास, कोई बकवास नहीं, सीधी सीधी बात कि पार्टी के पास जाके उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले स्लॉट के अंदर में हम लोग जितने भी हमारे 10 परफॉर्मर है वो पहले आपको दो दो आइडियाज देंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, वो रहेंगे हमारे अल्पेश भाई। सो अल्पेश भाई मुंबई से बिलोंग करते हैं, 2006 से उनकी एजेंसी है, 2016 में वो आईओई में जुड़े और 2017 से वो एमडीआरटी कर रहे हैं। और मुंबई के अंदर में हमारा जो एडवांस कोर्स होता है, सो लाइव एडवांस कोर्स में वो एज अ हेड कोच करके हैं, और बहुत ही एंथुजियास्टिक एंड मैं ये कह सकता हूं कि सेलिंग कॉन्सेप्ट मास्टर है। उनके कई आइडियाज दीपक सर को भी प्रेरित करते हैं, मुझे भी प्रेरित करते हैं। वो हमारे कमिटमेंट कोर्स की जान है, वो कमिटमेंट कोर्स में जो भी कोई नई शेयरिंग लाते हैं कुछ डिफरेंट आइडिया के साथ आते हैं। सो ऐसे हमारे अल्पेश भाई से मैं निवेदन करूंगा कि अल्पेश भाई आपकी बातें हमारे दोस्तों के सामने रखें। अल्पेश भाई शाह फ्रॉम मुंबई। एक्सलेंट मॉर्निंग सर, थैंक यू। मैं सबसे पहले मैं आईओई को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दिया आप लोगों के साथ मुझे शेयरिंग करने का, और आज मैं जो कुछ भी हूँ बिकॉज ऑफ आईओई हूँ। मेरा जो विजन चेंज किया है वो आईओई ने चेंज किया है। जब से मैंने आईओई के सब कोर्स किए हैं, और जब से मैंने आईओई का कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया ना, तब से मेरा हर साल एमडीआरटी होना स्टार्ट हो गया है। ये सब मैं आईओई को, दीपक सर को, मुकेश सर को और आईओई के सभी लीडर को थैंक यू बोलता हूँ। मेरे बात की शुरुआत दो लाइन से करूंगा। ईश्वर ने ना हमें उन तक पहुंचने के लिए दो रास्ते दिए हैं, एक भक्ति और ध्यान का, और दूसरा एक कर्म और ज्ञान का। तो मैं दूसरे रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ, मैं कर्म को अपना धर्म और ज्ञान को अपना ईश्वर मानता हूँ। तो इसी के साथ मैं मेरे शेयरिंग की शुरुआत करता हूँ। जनरली मेरा जो भी सेल होता है ना, वो मैं एडवांस कोर्स का जो मेरा प्रोजेक्ट है, रिटायरमेंट प्रोजेक्ट, मेरा सभी सेल मोस्टली उसी पे होता है। मैं कस्टमर को जाके वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद जब जब कस्टमर के कोई ऑब्जेक्शन आते हैं ना, तो मैं उसको हैंडल करता हूँ। अभी मैं आपको छोटे छोटे जो एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे मैं सेल क्लोज करता हूँ। अभी एक बार एक कस्टमर को मैं रिटायरमेंट फोल्डर समझाने गया, उनको समझाया, मतलब रिटायरमेंट का प्लान समझाने गया, उनको सब समझाया, फिर वो कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया। एक बार है ना, एक भिक्षुक है ना, किसी के घर पे खाना, दोपहर का टाइम था तो उनको भूख लगी थी, तो वो खाना खाने गए, मतलब खाना मांगने गए। तो उन्होंने घर पे जाके बेल बजाया, फिर वहां से घर की बहू आई, उन्होंने बोला
बहन जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दो। पर आजकल आपने देखा रहेगा अच्छे अच्छे लोग भी मांगने को निकलते हैं। तो वो उनकी बहू ने, मतलब जो लेडीज थी, उन्होंने बोला कि टमाटर खा, मतलब टमाटर खाओ। तो वो जो भिक्षुक थे उन्होंने बोला कि मैडम मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने वो लेडी ने फिर से बोला कि टमाटर खाओ। तो वो बोले कि मुझे है ना टमाटर, तो टमाटर टमाटर दे दो चलेगा। तो वो बोलती है, फिर से वो लेडी ने बोला कि टमाटर खाओ। तो तभी तक उसकी ना जो सास है ना वो आ गई वहां पे। उसने बोला कि भिक्षुक को बोला कि ये ना हमारी बहू को थोड़ा बोलने का प्रॉब्लम है, वो आपको ये बोल रही है कि कमा कर खाओ। मतलब क्या है कि अगर आज हम लोग अगर अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करेंगे और ओल्ड एज में 60 के बाद अगर हमारे पास पेंशन नहीं होगा ना, तो हमको टमाटर खाना पड़ेगा, मतलब कमा कर खाना पड़ेगा। इसीलिए अपने को पेंशन का, रिटायरमेंट का प्रोविजन करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बातें करके बहुत ही अच्छे अच्छे सेल होते हैं मेरे। और एक मैं सेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जनरली ना मैं कस्टमर के पास जाता हूँ तो कुछ ना कुछ नया नया आइडिया। इसका मतलब अल्पेश भाई हम सभी लोग टमाटर खा रहे हैं। यस यस सर, हम सभी लोग कमा के ही खा रहे हैं, तो हम सभी लोग टमाटर खा रहे हैं। हाँ, अगर पेंशन नहीं मिलेगा तो टमाटर खाना पड़ेगा। अगर पेंशन टमाटर नहीं खाना है, मतलब कमा कर नहीं खाना है, तो अच्छा पेंशन प्रोविजन होना जरूरी है। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, प्लीज गो अहेड। कस्टमर के पास जाता हूँ ना, तो मैं एक कस्टमर के पास एक दूसरा सेल शेयर करता हूँ कि कस्टमर के पास गया, मैंने उसको जाके बोला सर ये 100 का नोट है, मुझे इसका ना चेंज दो, छुट्टा दे दो। तो कस्टमर ने मुझे ना 100 का नोट का चेंज दे दिया। फिर मैंने बोला कि सर थोड़ा मेरे को और चेंज की जरूरत है, तो है ना मेरे पास और एक नोट है, मैंने दूसरा नोट निकाला, वो ऐसा था, बोला इसका चेंज दे दो। तो बोलते कि अरे ये तो फटा हुआ नोट है, इसका तो कोई पैसा चेंज थोड़ी देता है। बोलते ये नोट नहीं चलेगा। ये बोला ये नोट क्यों नहीं चलेगा? बोलता ये फटा हुआ इसलिए नहीं चलेगा। बोला फटा हुआ नोट का पूरा पैसा कौन देता है? बोलते है वो फटे हुए पूरे नोट का पैसा तो आपको RBI में मिलेगा। मैंने बोला देखो सर आज है ना आप भी पूरे हो, 100 की नोट की तरह पूरे हो, कल अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्लस माइनस हो गया तो आपकी आपकी हालत भी ये फटे हुए नोट की तरह हो जाएगी, मतलब ना आपका कुछ आने वाला है। जैसे फटे हुए नोट का पूरा पैसा RBI देती है, वैसे ही लाइफ में अगर किसी इंसान की लाइफ में प्लस माइनस हो गया, मतलब कि वो फट गया, तो उसका पूरा पैसा दुनिया में एक ही कंपनी देती है और वो है LIC of India, जो आपको आपका पूरा पैसा, पूरी आपकी जो वैल्यू है वो दे सकती है। मजा आ गया अल्पेश भाई, जबरदस्त, बहुत बहुत शानदार बात बताई। यस, आगे बढ़िए। अच्छा, और एक सेल शेयर कर रहा हूँ कि अल्पेश भाई पहले इसी की एक बात कर ले। हाँ बोलो। इस 100 की नोट फटी हुई हाथ में आई थी या फाड़ी थी? सच में बोल देना ईमानदारी से सबके सामने। सर एक एग्जांपल के लिए रखी थी, थोड़ी फटी हुई थी, पूरी फाड़ डाली थी। अच्छा, थोड़ी फटी थी, पूरी फाड़ डाली, राइट। अब ये बताओ ये फटी हुई नोट से कितना कमाया? फटी हुई नोट से तो सर अभी बहुत कमाया है, वो एग्जांपल बहुत काम आया। चलो बढ़िया, तो इसका मतलब एक नोट फाड़ के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, बराबर? ये कंसेप्ट अल्पेश भाई ने दिया, बड़ा शानदार कंसेप्ट। फाड़ने की जरूरत नहीं है सर, हमको कभी ना कभी फटी हुई नोट मिल जाती है। यस यस यस, बहुत बढ़िया। प्लीज गो और एक सेल शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार है ना कस्टमर के पास जाके उसको मैंने, अल्पेश भाई मेरे ख्याल से नोट फटी नहीं है ना, पुरानी नोट का भी कुछ आइडिया निकालो, अभी जो बंद हो गई उसका। हाँ हाँ सर, निकालेंगे सर पक्का। और एक सेल शेयर करना चाहता हूँ। एक बार है ना एक क्लाइंट को मैंने पूरा प्लानिंग दिखाया, मतलब सब कंफर्म हो गया। फिर उसके पिताजी आए, तो उसको मैंने जीवन लाभ पॉलिसी समझाया था। तो उसके फादर ने बोला कि ठीक है सब अच्छा है, लेकिन बोलता मेरे बेटे को ना जीवन आनंद पॉलिसी दे दो। मैंने बोला अभी इसको इतना समझाया, पूरा एक्सप्लेन किया, अभी इसके फादर बोलते हैं कि जीवन आनंद दे दो, तो ये सब मतलब वेस्ट हो गया मेरा समझना। तो मैंने उनको एक स्टोरी बताया, बोला सर आप बैठो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने उनको बताया कि एक बार है ना एक लड़का, छोटा बच्चा, उसकी माँ के साथ शॉपिंग करने गया। दो लोग शॉपिंग मॉल में गए, माँ उसकी शॉपिंग कर रही थी, बच्चा खेल रहा था, वो काउंटर पे जो ओनर था उसके सामने खड़ा था, मतलब खेल रहा था। तो बच्चे ने ओनर को स्माइल दी, ओनर को अच्छा लगा, उसके ना पूरे दिन की थकान मिट गई उसकी स्माइल देख के। तो उसने वो बेटे को बोला कि बच्चा बेटे इधर आओ,
ये ना उसको चॉकलेट का बर्नी दिया, बोलते इसमें से जितना चॉकलेट ये ना उतना ले लो, तो उसने बोला नहीं चाहिए मुझे, वो अपनी माँ के सामने देखने लगा। उन्होंने फिर से बोला कि बेटा ये लो चॉकलेट जितना चाहिए उतना ले लो, बोलता है नहीं चाहिए, वो माँ के सामने देखा फिर उसने लिया नहीं। तीसरी बार उन्होंने क्या किया, खुद चॉकलेट निकाल के उसके हाथ में दे दिए, तो बेटे ने ना दोनों हाथ ऐसे करके सब चॉकलेट ले लिए। फिर वो माँ और बेटा जब घर पे वापस जा रहे थे ना, तो उसकी माँ सब देख रही थी, पूरा ऑब्जर्व कर रही थी कि बेटा पहली बार तुमने ना बोला, दूसरी बार भी तुमने ना बोला, तीसरी बार आपने चॉकलेट क्यों ले लिए। तो बेटे ने ना अपनी माँ को अपने ऐसे हाथ दिखाए, बोलते देखो मेरे हाथ कितने छोटे है, अगर मैं खुद लूंगा ना तो इतना ही चॉकलेट आता था, दो तीन चॉकलेट, लेकिन अंकल ने दिया ना तो बहुत सारा आ गया। तो इसी तरह सर, मैं अगर आपको प्लानिंग दिखाऊंगा और वो लोग तो रिटर्न इतना आएगा, लेकिन अगर आप खुद प्लान करोगे और रिटर्न आएगा ना, तो आपको हो सकता है आपको रिटर्न कम आएगा, तो बाद में मुझे मत बोलना कि हमें रिटर्न कम आया। इस तरह से कन्वेंस करके मैंने उसको जो प्लान देना था वो दे दिया, तो इस तरह से वो मेरा सेल क्लोज हो गया। बहुत बढ़िया अल्पेश भाई, बहुत बढ़िया। आप कॉन्सेप्ट मास्टर हो और अलग आइडिया आपके दिमाग से आप निकालते हो, आईओई से बहुत सारी चीजें सीखते हो, लेकिन साथ में आप अपना दिमाग लगा के आप उस आइडिया को और एक्सटेंड करते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरित करता है मुझे। थैंक यू अल्पेश भाई। एनीथिंग एल्स? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और एक आध आइडिया है तो दे सकते हैं आप। ठीक है, एक और एक सेल बताता हूँ, शेयर करता हूँ। एक कस्टमर के पास है ना, मैं बच्चे का मतलब एक कस्टमर के पास गया था, उनको एक बेटी का जन्म हुआ था, तो मैंने उनके घर पे गया, मैंने उनको बोला कि सर आपकी जो बेटी मतलब आप उसको बेटी हुई थी मुझे पता चला, उनको घर पे मिलने गया, मैंने उनको बोला कि सर आपकी जो शादी हुई उसमें कितना खर्चा हुआ था, तो उसने बोला 30 लाख तक का खर्चा हुआ था। तो मैंने बोला कि देखो सर आपकी शादी में 30 लाख खर्चा हो गया, सब कल आपकी बेटी तभी उसकी एज 25 साल की होगी या 20-25 जो भी शादी की उसकी एज होगी तभी कितना पैसा लगेगा। बोलते अभी 30 लाख लगा तो हो सकता है वो टाइम पे 1 करोड़ रुपया तो लगने ही वाला है। तो मैंने बोला कि देखो सर 1 करोड़ रुपया लगने वाला है तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। बोलते पूरा 1 करोड़ होना चाहिए। तो बोला मेरे पास ना सर ऐसा स्कीम है ना कि आप 30 लाख दो, 70 लाख रुपया मैं दूंगा तो कैसा रहेगा। बोलते है तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने वही जीवन लाभ का कंसेप्ट दिखाया जिसमें हम लोग को 1 करोड़ में 30 लाख प्रीमियम आता है, मतलब 30% मैं दूंगा, 70% LIC देगी, मतलब आपको 30% देना है, 70% LIC देगी, वैसा करके मतलब आपको सिर्फ 30 लाख सेविंग करना है, 70 लाख का प्रोविजन हम लोग करके देंगे। उसको बहुत अच्छा लगा और वो अच्छा सेल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू अल्पेश भाई, थैंक यू सो मच। सी आप, यू शुड बी वेरी गुड लिसनर। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं डेफिनेटली मैं एक अच्छा लिसनर हूँ, इसीलिए मैं अच्छी चीजों को ग्रास्पिंग कर लेता हूँ। सो अगले हमारे जो आज के हम सफर है, मैं ये कह सकता हूँ कि उनके नाम पे एक रिकॉर्ड हो चुका है। रिकॉर्ड ये हो चुका है कि आईओई के पहले TOT बने हो, आईओई संस्था में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उसमें फर्स्ट TOT वो बने। 2010 में उन्होंने TOT क्वालिफाई किया, वो आईओई में आए थे 2007 में, उसके पहले MDRT कर रहे थे ऑलरेडी, लेकिन 2007 में आने के बाद उन्होंने COT किया। कॉर्पोरेट क्लब एजेंट, आप सभी को मालूम है कॉर्पोरेट क्लब एजेंट एक हमारे LIC की सबसे हाईएस्ट क्लब है। तो बस आपने देख लिया, MP जोईसर साहब भी उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। सो 2007 में आईओई में ज्वाइन होने के बाद में COT करना शुरू किया, पिछले 14 साल से कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक, और लास्ट 14 इयर्स कॉर्पोरेट क्लब कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक करने वाले पूरे भारत देश में खाली 20 एजेंट है, और ये 20 एजेंट में से एक एजेंट हमारे सामने यहां पर बैठे हैं, MP जोईसर जी, जिनको मैं बोल सकता हूं वो धोनी है। अब तक उन्होंने 72 MDRTs किए, 72 MDRT अब तक अगर टोटल मारे तो 72 MDRT उन्होंने किए हैं। उनका ये मानना है, ये उन्होंने शब्द लिख के दिए हैं, उनका ये मानना है IOE एंट्री इज माय सेकंड बर्थ, ये मेरा दूसरा, मेरा पुनर्जन्म हुआ है IOE में आने के बाद में। उन्होंने अब तक 9 बार MDRT मीट अटेंड की है US में जाके, और 13 बार कॉर्पोरेट क्लब का जो कन्वेंशन होता है जो LIC आउट ऑफ कंट्री में करती है और हर साल अलग अलग कंट्री में लेके जाती है। सो पिछले 13 साल से कॉर्पोरेट क्लब की जो मीटिंग है वो अलग अलग कंट्री में वो अटेंड करते आ रहे हैं।
और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हर साल 500 पॉलिसी करते हैं और टोटल मिला के 50,000 पॉलिसीज सर्विस करते हैं, वो सर्विस देते हैं, 50,000 पॉलिसियों की सर्विस देते हैं। सो बड़ा ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। एमपी जोशी जी, आप आपके व्यूज सामने रखिए प्लीज। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरे माताजी को, पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुजन, मेरे डेवलपमेंट ऑफिस यतिन भाई आसर और दीपक भाई, मुकेश सर और मेरे मेंटर टीम, फुल टीम ऑफ आईयू लीडर्स एंड टुडे ऑल आवर लिसनर ऑफ वेबिनार, एमपी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मैं एक बात एग्री हूँ, 100% एग्री हूँ कि आज जो मेरी पहचान है आईयू की वजह से है। आईओई की वजह से मेरा एक, मैं जैसे आपने सर बताया कि माय सेकंड बर्थ है मेरे प्रोफेशन का, अनडाउटफुल है वो। एक नॉर्मल एजेंट्स में से एक मैं एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ ड्यू टू आईओई, एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ और आज की तारीख में 25 स्टाफ मेरी की जिम्मेदारी संभाल के मैं ऑफिस चला रहा हूँ। 25 लोगों का स्टाफ है आपके पास? जी सर, जी सर, आपके अंडर काम कर रहे हैं। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरुआत में सर की थी बेजी सर से, बेजी कोर्स अपने सर, अब मुकेश सर के, अभी भी याद है मुझे फर्स्ट मेरा बेजी कोर्स, उससे मेरी पूरी लाइफ को पूरा टर्न हुआ था। उसके बाद में एडवांस कोर्स, उसके बाद में अपना सर डिपर सर का कॉर्पोरेट कोर्स और फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ज्वाइन किया था 2008 में। और मैं अभी सीधा आता हूँ मेरे शेयरिंग पे सर। यस, एक चीज मैं नहीं छोड़ सकता हूँ बोलने को कि जब भी मैं टीओटी हुआ था सर, तो एक ही दिन में मेरे को 650 कॉल आए थे आईओई के मेंबर से। इतना बोल सकता हूँ कि सर जो आईओई में ऐसी संस्था है जहाँ पे लोगों के दूसरों की अचीवमेंट में लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो तो मैं बोलना ही पड़ेगा मेरे को। मैं एकदम शॉर्ट में शेयर पे आता हूँ, मेरे सेल शेयर पे आता हूँ। अभी जो कोरोना चल रहा है और लोग बहुत परेशान है, लेकिन मैं उनको बहुत पॉजिटिवली ले रहा हूँ। कोरोना जो चल रहा है उसमें मैं एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को काम नहीं आ रहा करके, या तो मुझे इंक्वायरी नहीं आ रही है। एक अभी जस्ट मेरा सेल हुआ था मई महीने में, एक फैमिली था वो मुझे बोला कि नहीं से मैं ज्यादा करके मैं वैल्यू एडेड सर्विस बहुत डिपेंड करता हूँ, मतलब उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, वैल्यू एडेड सर्विस में ज्यादा देता हूँ लोगों को, इसी वजह से मेरे बिजनेस आता है। एक फैमिली जा रहा था नेटिव प्लेस पे, बोला अभी 2-3 महीना इधर नहीं रहना है, आई हैव टू गो टू माय नेटिव प्लेस। तो वो मुझे फोन किया, अभी मुझे अर्जेंट में तो लॉकर दिला सकता है बैंक में। मैं, मेरा क्या सिस्टम है कि मैं कभी भी कोई चीज ना नहीं बोलता हूँ, हो जाएगा ऐसा बोल देता हूँ, फिर मेरा हो भी जाता है। तो मैं बोला हो जाएगा, डोंट वरी, मिल जाएगा कल आपको लॉकर मिल जाएगा। मैंने मेरे 2-3 बैंक मैनेजर को फोन किया तो एग्री हुआ, उनको मॉर्निंग में लॉकर मिल गया, तो उसने जो भी कुछ रखना था लॉकर में रख दिया और उनको काम हो गया। तो मैंने जाते जाते उनको बोला कि एक काम करते हैं हम लोग, उसमें से 2.5 लाख रुपया मेरे लॉकर में डालूंगा मैं, गवर्नमेंट लॉकर में, वो आपको मुझे देना पड़ेगा, बाकी जो चीजें आप उसमें डाल दो, लेकिन मुझे बैंक का एक चेक दे दो 2.5 लाख रुपए का, मैं मेरे लॉकर में डालता हूँ, उसके बाद में आप नेटिव बस जाके बाद में आगे बात करेंगे। तो उसने मुझे 2.5 लाख दे दिया और मैंने उनका फॉर्म हम सही करा के एक प्रपोजल बन गया मेरा, ये अपना कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में। इसी समय में एक जून महीने में, जून महीने में सर, सर वैल्यू एडेड सर्विस देने के लोग कभी पूछते नहीं बाद में, एक बार उनका मन दिल जीत लिया सर, उनका काम हो गया ना, तो कभी कोई ना नहीं बोलते हैं। यस यस दोस्तों, ये इतने इतने सालों का जो रिलेशन है, इतने सालों का जो परिश्रम है, राइट, सो आपको लगे रहना है, आपको है ना ये सब चीजों से। देखो, इन लोगों ने बरसों पहले हार मान ली होती तो आज ये लेवल के ऊपर में नहीं पहुंचे होते। यस यस प्लीज सर, एक को पार्टी का फोन आया कि मेरा अकाउंट खोलना है मेरे को, और मेरे पास पैन नंबर नहीं, पैन कार्ड नहीं है, पैन नंबर नहीं है, कैसे अकाउंट खोल सकता हूँ? मैंने अप्लाई तो किया है, 10 दिन हो गया, अभी तक मुझे पैन नंबर नहीं आया, सब सर्वर सब डाउन है पूरा गवर्नमेंट का भी। तो मैं, अकाउंट खोलना है क्या? बड़ी बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। उसको बुला लिया मैंने, अकाउंट खुल गया उसका, रिक्वेस्ट किया मैनेजर को भी, तुम जैसे पैन कार्ड आएगा मेरी जिम्मेदारी, आपको मैं नंबर पहुंचा दूंगा, आप उनको अकाउंट खोल दो, उनको चेकबुक दे दो। पर्सन एकदम खुश हो गया, उसे जितना बहुत सारे चेक जमा थे उनके पास सब जमा किया, एक ही दिन जमा किया, उनको चेकबुक मिल गया, उनका बिजनेस ट्रांजेक्शन चालू हो गया और उसमें उसे भी मेरा एक चेक में ले लिया 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि वो तो मेरा हक बनता है ना, तो वो ले लिया 1.5 लाख रुपए का। और ये मैंने एक
वैल्यू एडेड सर्विस में मैं जोड़ सकता हूँ कि अच्छा सेल हुआ मेरा एक। जो सर भाई वैल्यू एडेड सर्विस में आप क्या क्या चीजें करवाते हो जरा फटाफट कुछ 5-10 चीजें फटाफट गिनती करवाओ सर। सर ऐसे दो बातें बताइए, एक तो बैंक अकाउंट का बात अभी बताया आपने, यस, और फटाफट 10 चीजें बताओ। सर बहुत सारी चीज करता हूँ मैं, किसी को ब्लड डोनेट की जरूरत है तो ब्लड में सप्लाई करा रहा हूँ, किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन दिला देता हूँ सर, हॉस्पिटल एडमिशन, स्कूल कॉलेज तो बंद है उसमें एडमिशन का, उसमें भी कुछ हेल्प करता हूँ। किसी की बेटी का बेटे का कुछ एंगेजमेंट करना है तो मैं उसका जिम्मेदारी मेरे सर पे ले लेता हूँ। क्या बात है, क्लाइंटों में सेटिंग कर देता हूँ उनको, भाई तुम्हारा लड़की उनका लड़का हो गया, वेरी गुड। ऐसा रिलेशन बनने के बाद में कोई आपने कोई चीज का ना नहीं बोल सकता सर। छठी चीज मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं लोगों का हेल्थ चेकअप कराता हूँ, हेल्थ चेकअप कराता हूँ उनको रेगुलरली, जो मेरे बड़े बड़े क्लाइंट है उनको सामने से वो तो फोर्सफुली बुलाता हूँ, विद फैमिली बुलाता हूँ और उसका हेल्थ चेकअप कराता हूँ मेरी ओर से। सातवीं चीज मैं याद दिलाता हूँ, पासपोर्ट, पासपोर्ट सर, पासपोर्ट लाइसेंस ये सब चीज भी होती रहती है, लाइसेंस, यस, वीजा में किसी का टूर कुछ बुक करना है तो उसमें वीजा होता है। मेरे साथ सर बहुत सारे एसोसिएट लोग है, मुझे खाली और अभी दसवां पॉइंट भी मैं बता देता हूँ, सोशल सर्विस। अभी आप क्या सोशल सर्विस कर रहे हो, बहुत सुंदर सोशल सर्विस कर रहे हैं। मेरा हमारे हमारे पास में 300 मोर देन 300 लोग कोरोना पॉजिटिव है, हम लोग उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करते सर, उनको हमने एक कोरोना क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, उसको पूरा मैनेज करता है, मैं उसमें वन ऑफ द मेंबर हूँ, मैनेज करते हैं हम लोग, और हम उनका जो हॉस्पिटल का जो खर्चा है 3-4 लाख नीचे नहीं होता है हॉस्पिटल खर्चा, वो पूरा हम लोग बेयर करते हैं, और बेयर करने जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग पूरा हमारी एक हॉल में उसको सबको मैनेज करते हैं, खाना पीना दवा ये सब उधर ही हो जाता है, पूरा टीम है हमारे पास बनाया हुआ है, तो लोगों की बहुत बड़ी दुआ मिलती है, ये प्रीमियम नहीं मिलता है वहां पे, बड़ी बड़ी दुआ मिलती है सर कोरोना के पीरियड में। हम लोग अभी आज की डेट में 225 जन को कोरोना में से बाहर लेके आए सर, जो अभी नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ जी रहे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। LIC क्रेडिट कार्ड का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो मैं हमेशा बार बार अपने शेयरिंग करता हूँ, LIC जो कार्ड जो होता है सर, उसका कैसा है कि आज के टाइम में मेरा मुझे बहुत कुछ चेक लेने नहीं जाना पड़ता है, मेरा मैं बहुत लोगों को कार्ड दिया है, इसकी वजह से आज मेरा LIC कार्ड से काम होता जाता है, उनका पेमेंट हो जाता है, स्मूथली पेमेंट हो जाता है, सब चीज अभी ऑनलाइन होती जा रही है, डिजिटल होता जा रहा है, तो मेरा पेमेंट उसमें से हो जाता है, उनको भी 2% मिलता है, क्लाइंट को एक्स्ट्रा 2% मिलता है, तो वो भी खुश है, हमारा भी सब काम होता रहता है, हमारा जो पर्सन को भेजना नहीं पड़ता सर। तो क्रेडिट कार्ड भी लेना जरूरी है, LIC का कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है। एक चीज मैं शेयर करूंगा कि डेथ के बारे में, एक मेरा क्लाइंट था आई थिंक मंथ ऑफ नवंबर मुझे बुलाया था, मैंने बहुत टाइम बाद में अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई करता था, अपॉइंटमेंट मिल गया मेरे को, तो बाद में उसने मुझे बुलाया तो मैं उनको मिला, तो वो बोलता देख मेरे को तू डेथ और इंश्योरेंस दो की बात मत करना, इनके सिवा जो तेरे बोलना है वो बात कर तू, मुझे चलेगा। तो मैं बोला सर वो डेथ तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है वो तो मैं थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा आपको, वो ठीक है बात करते हैं। तो बोला डेथ है ना सर दो टाइप के होते हैं, कोई भी पर्सन का दो बार डेथ होता है। बोला वो बोला कैसा, तो मैंने उनको बताया था कि भगवान करे कि आपको और मेरे को 100 साल उम्र मिले, हम एक दूसरे का साथ में रहे, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मृत्यु इंसान की दो बार होती है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं निधन हो गया, निधन हो गया, और निधन होने से जो उम्र पे हुआ तो उनको हम बोलते हैं उसको मुक्ति मिल गया, वो जमेले में से निकल गया, अच्छा हो गया, बोलते भाई उनकी उम्र अच्छा लिया और हो गया। लेकिन दूसरा निधन होता है निधन, वो भी डेथ है, मतलब कि धन के सिवा जो जिंदगी जी रहे हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग निधन, जहां पे पैसा नहीं है और जिंदगी जीनी है, तो वो बहुत भयानक है। ऐसी जिंदगी में क्या होता है कि अपने को बैलेंस लाइफ में बहुत पेनफुल जिंदगी जीनी पड़ती है, लोगों के सामने अपना जीने के लिए एसेंशियल सर्विस के लिए हाथ लंबे करने पड़ते हैं, हमको बच्चों पर डिपेंड होना पड़ता है, और भगवान को रोज प्रार्थना करनी पड़ती है भगवान मुझे जल्दी ऊपर ले ले, जल्दी मुझे ऊपर ले ले, देखो आपका ड्यू डेट नहीं है फिर भी बोलना पड़ता है कि भगवान मुझे ऊपर जल्दी बुला ले, तो वो ये निधन वाली पोजीशन बहुत खतरनाक है। तो मैं उनको क्लाइंट को बोला था कि मैं खाली आपको निधन नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। तो फिर हमने फाइनली फिर एक घंटा और बाद में बात की और हमने 5 लाख प्रीमियम लाया रिटायरमेंट लाइफ के लिए। जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। निधन निधन बहुत सुंदर। शेयरिंग करूंगा रियल एस्टेट के बारे में,
आजकल आप लोग सब लोग मालूम होगा कि कोरोना के बाद में जो हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम होती थी लोगों की रेंटल प्रॉपर्टी उसकी हालत क्या खराब है। लोगों पास लोग बोलते हैं भाई मैं तो तेरा रूम ऑफिस खाली कर रहा हूँ, तो सामने से क्लाइंट बोलता है ओनर भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ खाली मत कर रेंट मत देना बस तू खाली मत कर तू भाई चालू रहे तू। ये सिचुएशन है सर, ये जो हम लोग हम तो उसको दो चार साल पहले बोलते थे क्लाइंट लोगों को भाई रेंट पे पूरा भरोसा मत करो, रेंटल इनकम में भरोसा नहीं करो, आपके एसेट को अलोकेशन करो और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस इनकम जनरेट करो। एक मेरा क्लाइंट था नवंबर की बात है, वो 100% इन्वॉल्व करता था इसमें प्रॉपर्टी में ही पैसा डालता था और उनकी इनकम बेस एक ही था रेंट इनकम। एक बार उनके मेरे से मेरी मुलाकात हुई और वो बोला कि नहीं तेरे पास ऐसी कोई कौन सी चीज है जो तुम मुझे लास्ट टाइम बता रहा था कि मेरे पास एक एसेट है जिससे तू फिक्स तेरे गारंटेड इनकम मिल सकती है और रेंट मिल सकता है। तो मैंने एक हिसाब करके दिया सर आपने ये जो 1 करोड़ का पोजीशन जो चीज लेते हैं तो आपके 1 करोड़ की इनकम आपके एसेट पे आपको कम से कम 10 से 12 लाख का खर्चा होता है जैसे GST है TDS है अपना ब्रोकरेज है स्टैम्प ड्यूटी है रजिस्ट्रेशन है सब मिला के 8-9 लाख हो जाता है आपको 1 करोड़ 9 लाख में चीज गिरती है वो। लेकिन 9 लाख का तो कुछ वैल्यू नहीं होता वैसे निकल जाता है 1 करोड़ का गिना जाता है उसमें आप सर कितना कमाते हो। तो उसने बोला था मेरे को कि मुझे हर महीना 35,000 के आसपास मिलता है मेरे को रेंट और साल भर में 3.5-4 लाख रेंट आता है। तो मैंने उनको बताया था कि आप मेंटेनेंस कितना भरते हो तो वो बोले कि साल भर में 1 लाख रुपया मैं मेंटेनेंस भरता हूँ। तो नेट उनको 25,000 रुपया मतलब उनको 2.5% उनको रिटर्न छूटता था अपनी प्रॉपर्टी पे रेंट पे। मैंने वो टाइम पे बताया था कि मेरा जो प्लान है जीवन शांति जिसमें आपको मैं 7-8% गारंटी दे सकता हूँ मतलब इट मीन्स हर महीना आपको हर साल आपको 7-8 लाख रुपए दे सकता हूँ गारंटेड और आपको भी मिलता रहेगा साथ साथ में आपके जब भी आपके लाइफ पार्टनर है भाभी जी को भी सेम अमाउंट मिलता रहेगा और दोनों के एजिट होने के बाद नॉमिनी को भी सेम अमाउंट सर जो आपने इन्वेस्ट किया था वापिस मिल जाएगा। लेकिन वो टाइम बोला था नहीं नहीं वो सब नहीं तो छोड़ अभी। लेकिन वही सेम बंदा अभी कोरोना में उनको मालूम पड़ा कि उनकी जो प्रॉपर्टी आधी प्रॉपर्टी सब खाली हो गई है रेंटल वाले बाहर निकल गए तो मुझे सामने से बुलाया और ही हैड गिवन मी 60 लाख रुपीस प्रीमियम फॉर जीवन शांति। सर को आप सर को मैं शेयरिंग भी किया था जो के सर को तो वो मुझे इतना दिया मतलब सामने से बुला के दिया और उनका मैं सेटअप किया। मैं इतना बोलता हूँ कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो है जिसको मैं अभी भी 14%, 15%, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हूँ जूनी पॉलिसियों में जूनी मतलब मेरी सिंगल पेमेंट में जहाँ पे कोई RBI का रेपो रेट कोई इफेक्ट नहीं करता है कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी इफेक्ट नहीं करती है TDS नहीं करते हम लोग। तो ये ऐसे इनके जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट अपने पास नहीं है। मैं सब लिसनर को बोलता हूँ कि जिसका जिसका पॉलिसी मैच्योर होता है जिसका जिसका मनी बैग आ रहे हैं कृपया ये 2-3 महीने में आप ट्राई करो कि उसको पैसा कन्वर्ट करके जीवन शांति में डाल सके या जीवन अर्थ से प्लान जो भी आने वाला है उसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया अच्छी चीज लग रही है मेरे को आपको सर शेयरिंग किया सर अभी टाइम है तो थोड़ा बहुत बढ़िया जोशर भाई सेकंड स्लॉट है अपना सेकंड स्लॉट में हम लोग ऑब्जेक्शन कवर करेंगे। बहुत सुंदर बात बताई आपने बहुत अच्छा बात बताया मजा आ गया। नाउ दोस्तों मैं जो अगले स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं ये सूरत से बिलोंग करते हैं मिस्टर भूपेंद्र पटेल। सी भूपेंद्र पटेल जी के बारे में खास कहूंगा 23 ईयर्स का उनका एजेंसी है उनके घर में 2 एजेंसी है उनकी भी एजेंसी है उनके मिसेस के नाम से भी एजेंसी है। भूपेंद्र पटेल जी का टोटल MDRT अगर गिने तो पूरे कैरियर में उनके टोटल 45 MDRT कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले 8 साल से 2013 की साल से भूपेंद्र पटेल जी COT कर रहे हैं और दोस्तों ये साल का रनिंग ईयर का टॉप ऑफ द टेबल TOT उन्होंने प्रपोज कर चुके हैं दोस्तों। सो आने वाले कुछ दिनों में उनकी पॉलिसी पास हो जाएगी नंबरिंग हो जाएगा सो ही विल डिक्लेयर एज अ TOT। दोस्तों ऐसे पावरफुल पर्सन को हम लोग जोरदार ताली से इनवाइट करेंगे। भूपेंद्र पटेल जी आपका हार्दिक स्वागत है। भूपेंद्र भाई yes. आपका स्वागत है आज वेलकम। गुड मॉर्निंग एंड जय अंबे। जय अंबे वेलकम। थैंक यू वेरी मच टू IOI क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म दिया शेयरिंग करने के लिए और भगवान का मैं थैंक्स बोलूंगा क्योंकि ऐसे लोग मेरे आसपास में रखे। एजेंसी 97 से जैसे पारस बैंक 2001 तक मैं चेयरमैन क्लब था लेकिन 2008 तक मैं पॉलिसी एजेंसी बंद होने की तैयारी थी लेकिन कोई सिचुएशन के हिसाब से IOI का मैं कोर्स में चला गया बेसिक में
तो एक ही महीने मैंने 7 लाख का प्रीमियम किया था, जो पूरे साल में 7 लाख का समेसर नहीं किया था। और 2008 से आईओई का सभी कोर्स वन बाय वन करता रहा, बेसिक, एडवांस, कॉर्पोरेट, कमिटमेंट कोर्स। तो मेरा जो अचीवमेंट है, एमडीआरटी कभी मैंने सुना नहीं था, जो 2009 में एमडीआरटी किया, 10 में किया, 11 में 2 किया, 12 में 2 किया। और मैं कोई एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा था, मेरा एनुअल इनकम था 9 लाख रुपया, जो ये सब टीम ने, पारस भाई ने, मुकेश भाई ने, दीपक भाई ने, मेरे घर आके मुझे जॉब छोड़ने का हिम्मत दिया और 9 लाख का सीटीसी 2012 में छोड़ पाया। तब से मेरा सीओटी कंटिन्यू है और 2016 में कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप भी आया और लास्ट ईयर मेरा 5.5 एमडीआरटी हुआ था। ये साल ऑलरेडी 6 एमडीआरटी हो चुके, मतलब सीओटी हो चुका है, ये प्रपोजल पास होगा तो टीओटी डिक्लेयर हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेसिकली मैं जो काम कर रहा हूँ खाली कंसेप्ट है, जो बेसिक से मैंने समझा था देवी लाल वाला कंसेप्ट, तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन मेन जो मैं कंसेप्ट पे काम करता हूँ वो एक ही 3C वाला कंसेप्ट है। 3C क्या है कि सबसे पहला सी है कनेक्ट, कि पार्टी के साथ कनेक्ट होना है। दूसरा सी है कन्वे, अपने को प्रपोजल कन्वे करना है। और तीसरा है कन्विंस, जो पार्टी का काम। अगर कनेक्ट 0% किया और कन्वे 100%, रास्ते चलते लोग चलते लोगों को हम प्लान प्रेजेंट करेंगे, रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि कनेक्शन नहीं। लेकिन कनेक्शन कर लिया, प्रेजेंट नहीं करेंगे तो अल्पेश भाई आपका आवाज म्यूट करिए। अल्पेश भाई आप क्या है? और उसमें मेरे को अभी लास्ट ईयर 20 लाख प्रीमियम आया, जिसमें कोई भी पॉलिसी का मैंने प्रपोजल नहीं दिया, उसने ब्लैंक चेक दिया और 20 लाख का प्रीमियम आया। तो कनेक्शन एक ही चीज से होता है, देवीलाल, जो पारस भाई ने बेसिक में सिखाया है और सिखा भी रहे हैं कि देवीलाल बन के जाना है तो कैसे, मतलब कोई भी पार्टी के लाइफ में, उसके बिजनेस के, उसके लाइफ में कैसे हम कंट्रीब्यूट कर पाए, उतना कर ले तो प्रीमियम तो अपने आप होता है। ये सीओटी टीओटी कैसे हो जाता है मेरे को भी पता नहीं चलता है। ये साल में मेरे ख्याल से पूरे 6 महीने में 1 महीना ही काम किया है, लेकिन फिर भी टीओटी हो चुका है। ये साल का मेरा गोल है 2 टीओटी का, जो मैंने जनवरी में फोटो फ्रेम करके मेरी ऑफिस में सामने रखा है, तो इस सिचुएशन में भी वो हो पाएगा। और अभी जो मेरे को सेल बताना है वो बेसिकली वो है कि एक सेल मैंने किया था जिम में, कहीं पे मैं ज्वाइन हुआ था और वो दिन दूसरे दिन से जिम बंद होने वाला था। तो कोई पार्टी से मिला, बोला आपका पुराना पॉलिसी नंबर दो, मैं आपको रिपोर्ट बना के दूंगा। उसने भेजा, रिपोर्ट बना के दिया, उसमें गैप एनालिसिस किया और उसने रिपोर्ट बहुत अच्छा लगा जो अपने सिस्टम से निकलता है। और वहां पे उसने सिंगल प्रीमियम 30 लाख दिया, उसमें से जो पैसा आता है रेगुलर 2.25 लाख का प्रीमियम दिया। नेक्स्ट ईयर वापिस 60 लाख सिंगल प्रीमियम दिया और रेगुलर 4.5 लाख प्रीमियम दिया। उसने किया सिंपल, मैंने किया क्या है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी का रिपोर्ट बना के दिया है। वहां पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि पार्टी मेरे से कुछ ले, लेकिन अभी तक मैं 7,000 पॉलिसी का सर्विसेज दे रहा हूँ जो मैंने नहीं बेची है, सब मिला के 22,000 पॉलिसी का सर्विस दे रहे हैं। दूसरा एक सेल में, आपको टाइम कम है इसलिए जल्दी जाऊंगा, दूसरा एक सेल हुआ था मॉर्निंग ग्रुप में। 1.5 साल हम मॉर्निंग ग्रुप में थे, किसी ने इंट्रोडक्शन कराया कि भाई ये भूपेंद्र भाई है, LIC का काम करते, तो बोलते LIC तो मैं लेता ही नहीं, मतलब मैं बेचता भी नहीं। 1.5 साल कुछ बात नहीं हुई, फिर कुछ बर्थडे गिफ्ट देने गया तो बोलता है आपका क्या काम क्या है, मतलब पहले आपका काम बताओ, मैं समझता हूँ और कहाँ मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। पूरा काम एक्सप्लेन किया, मतलब आपको कैसे कस्टमर चाहिए, तो बोलता है मेरा कस्टमर तो CA बनता है। तो 2 CA से बात करवाया मैंने और 1 CA से मीटिंग जनरेट करके दूसरे दिन सुबह में उनको मिलने के लिए ले गया। मिलने के लिए ले गया, मिल के निकले तो बोलते भूपेंद्र भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे कोई नहीं करता है, मतलब सब करते हैं, खाली ऐसे लोग अपने आसपास में ढूंढने हैं। फिर बोलता चलो ऑफिस पे जाके बैठते, फिर बोलता आप क्या काम करते हो। फिर मैंने रिस्पेक्टफुल लाइफ पे पूरा समझाया, जो बोल रहा था कि LIC में नहीं मानता हूँ, उसने हाफ ईयरली 6.5 लाख रुपया प्रीमियम दिया दूसरे मीटिंग में। बढ़िया बढ़िया, उसके लाइफ में, उसके बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट किया, उसको हेल्प किया, तो उसने मेरे को चेक दिया। तीसरा एक सेल है, 1 साल से पार्टी मुझे टाइम नहीं दे रही थी, कोई बिजनेस ट्रेनिंग में हम लोग साथ में थे लेकिन LIC का बैनर आता है तो लोग पीछे जाते ही है, तो उसने मेरे को टाइम 1 साल तक नहीं दिया। फिर मेरे को टाइम दिया तो बोलता भूपेंद्र भाई शाम को 7 बजे आइए और 7:05 को आप निकल जाएगा क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं रहेगा। मतलब ठीक है सर, तो मैं गया तो
देवीलाल कंसेप्ट माइंड में वही जाता है कि एप्रिसिएशन और क्या हम दे सकते हैं। तो उनकी डायरी खुली थी, पूरा पेज भरा हुआ था। मतलब आप कुछ ये रिपोर्ट बनाते हैं कि डेली का काम लिखते हैं, क्योंकि हमको ट्रेनिंग में सीखा था डेली का काम लिखना है। बोलता डेली का काम लिखता, मतलब इतने सारे काम, पूरा पेज भर जाता है। तो हाँ, सबको काम देना पड़ता है, ये तो बहुत बड़ा काम है। तो लाओ आपको मोबाइल, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके देता हूँ, जो आपके मोबाइल में डालेंगे आपके स्टाफ के मोबाइल में दिख जाएगा। वो 5-7 मिनट में उसके लिए मैंने काम किया, तो उसको उतना अच्छा लगा। 8 बजे स्टाफ चला गया, फिर भी वो नहीं गया, मेरे साथ में 10 बजे तक बैठा, सभी पॉलिसी का डिटेल दिया और वापिस नेक्स्ट वीक में मिलके रिपोर्ट समझाया, और उसने 6.5 लाख का प्रीमियम दिया। तो ये जस्ट देने से ही इतना काम मिलता है। दूसरा एक मैं शेयर करूंगा, ऐसे एक तीसरा बिजनेस ग्रुप ट्रेनिंग में जाता था, वहां से कोई कंपनी में विजिट था। वो विजिट में गए तो ओनर को मिलते और उसका कंपनी का फैक्ट्री का सब डिटेल जानते हैं। तो वो जान लिया लोग नॉर्मली कितना इनकम है, कितना टर्नओवर है आपका, ये क्या है, वो सब पूछते। तो मैंने एक क्वेश्चन किया, मतलब सर आपका लाइफ का गोल क्या है? तो वो शॉक में आ गया कि ऐसा तो कोई पूछता नहीं। मतलब मैंने पूछा है, मतलब सबके बीच में नहीं बताना है, तो वापस मैं आऊंगा, हम बैठेंगे, आप मुझे गाइड करिएगा आपका गोल क्या है और मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वहां दूसरी मीटिंग मेरी 4 घंटे की हुई। 1 साल के बाद उसका फोन आया कि टर्म प्लान का कोटेशन भेजो। मतलब कहीं बिजी हूं, मैं कल आपको देता हूं। तो दूसरे दिन गया तो बोलता भूपेंद्र भाई मेरा मेडिकल चेकअप हो गया। वो कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी का आके 10 करोड़ का इंश्योरेंस करके गया। मतलब कौन सा किया था कि वो जो डेथ होता है तो आता है। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मरने का प्लानिंग कर लिया, जीने का बाकी है, आपको कब करना है मुझे बताइएगा। मतलब इसमें तो पैसा आने वाला नहीं है, आप तो लंबा जीने वाले हो, आपका फादर अभी भी, आपका दादा भी अभी जी रहे, तो आप मरेंगे कैसे? तो वो कन्विंस हुआ, 2-3 मीटिंग हुई और 23 लाख प्रीमियम आया ईयरली। मैंने कन्वर्ट किया रेगुलर प्लान में। ऐसे मेरा हर एक मतलब कनेक्शन में मेरे को टाइम लगता है, जैसे मैंने बोला कनेक्ट होने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन कन्वे की जरूरत नहीं पड़ती है और कन्विंस अपने आप हो जाता है। तो जैसे ये साल भी मेरा एक लास्ट ईयर प्रीमियम आया था हाफ ईयरली 40 लाख। तो वो पार्टी के 5 साल से मैं टच में हूँ और आगे भी उसने काम मेरे को दिया है मंथली 5 लाख प्रीमियम का, और अभी मंथली 6.5 लाख का प्रीमियम दिया उसने। तो कनेक्शन में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आता है तभी बड़ी अमाउंट आती है। और रेफरल देने वाला आदमी परफेक्ट है तो फिर सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं आता है। ऐसे लास्ट ईयर एक मेरा सेल हुआ है, कोई फ्रेंड ने मिलवाया था। वो जो बोलता है कि मैं इंश्योरेंस में नहीं मानता हूँ, वो मेरा 4 साल से क्लोज फ्रेंड है, पर वो बोलता है इंश्योरेंस की कभी बात नहीं करेंगे। बोला नहीं करेंगे, वो नहीं लेता लेकिन रेफरल देता है। तो वो रेफरल से क्वार्टरली 7 लाख का प्रीमियम आया, 28 लाख प्रीमियम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो ऑलरेडी 10 मिनट का टाइम जो था हो गया अभी। भूपेंद्र भाई, आपने एक बार शेयर किया था 31 दिसंबर के दिन आपने एक मित्र को पॉलिसी बेचा था, कुछ 12 लाख प्रीमियम आए थे। हाँ जी, एक्चुअली बेचा नहीं था उसने, मतलब उसने खरीदी भी नहीं किया था और मैंने बेचा भी नहीं था। वो जस्ट हम लोग मिले कि भाई क्यों इतने टाइम से दिख नहीं रहा है। तो उस टाइम कुछ हॉस्पिटल का भी भागा दौड़ी चल रहा था और मेरे को लास्ट ईयर TOT भी करना था, तो टाइम नहीं बचा। मतलब ये मेरा टारगेट है तो मेरे को कंप्लीट करना है, इसलिए कर रहा था। तब उसने कुछ बात में सुना कि भाई प्रीमियम कम पड़ रहा है, तो अकाउंटेंट को फोन करके बुला लिया कि चेक लेके आ। तो बोलता कितने का चेक लिखना है, लिख लो। बोला प्रीमियम वो समझे कुछ 4 लाख। मतलब 4 लाख नहीं, 12 लाख है। तो ठीक है 12 लाख भर लो। बोला 1 साल नहीं, हर साल भरना पड़ेगा। तो बोलता आपका टारगेट हो रहा है ना। बोला हाँ, तो फिर चिंता मत करो, हर साल मैं 12 लाख भी भरूंगा। तो उसने ऐसा ब्लैंक चेक दिया था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और उनकी ही वजह से लास्ट ईयर TOT होने वाला था, लेकिन कुछ अंडर राइटिंग नहीं हो पाया तो वो रह गया था। लेकिन ऐसे ऐसे सेलिंग आता है कि जहाँ कनेक्शन परफेक्ट है वहां मेरे को मेहनत नहीं लगती है, प्लान कौन सा है वो कभी बताना नहीं पड़ता है। जस्ट मैं रिस्पेक्टफुल लाइफ पे काम करता हूँ कि आदमी का या फैमिली का, की पर्सन का या फैमिली का पूरे लाइफ रिस्पेक्ट के साथ में कैसे जी। अगर जिंदा रह गए 100 साल तो भी, और आज कुछ हुआ तो भी, इनकम का रिप्लेसमेंट का प्लानिंग मैं करता हूँ। तो नॉर्मली प्रपोजल मेरा जाता है 40-50 लाख प्रीमियम का, लेकिन इनिशिएट होता है महीने का 1-1.5 लाख, 50,000 ऐसे इनिशिएट होता है। गुड 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 गुड। अपना भूपेंद्र भाई, आपका USP मैं समझ गया कि आप
कनेक्ट करते हो, बस लोगों को कनेक्ट हो गए तो लोग सामने से भी बोलते हैं कि आपका टारगेट पूरा हो रहा है तो 12 लाख का प्रीमियम एनुअल लेके जाइए। सो कनेक्शन ही आपकी मेन यूएसपी है। और दूसरा यूएसपी है आपका पॉलिसी रिपोर्ट, पॉलिसी इंश्योरेंस चार्ट बनाकर आप देते हो, उसकी वजह से लोग आपसे जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो थैंक यू भूपेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी वैल्यू दी हमारे सभी दोस्तों को। बढ़िया, थैंक यू भद्रेश भाई, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, हमारे साथ ऐसे ही एक परफॉर्मर स्पीकर अहमदाबाद से है धर्मेंद्र भाई, आप है तो प्रकट हो जाइए। डीके पटेल, आप है तो जरा वीडियो, यस हमारे साथ है, उनका इंट्रोडक्शन करूंगा पहले। डीके पटेल एजेंसी है, 1989 की एजेंसी है, लेकिन 2006 में तब तक सीएम तक एमडीआरटी नहीं किया था, सीएम क्लब मेंबर तक थे। 2006 में आईओए के साथ जुड़े, उनके बाद दो एजेंसी है उनकी और वाइफ गार्गीबेन की, और ये दो एजेंसी में मिला के आज तक 27 एमडीआरटी आप सोच सकते हो, और सीओटी किया है वाइफ के एजेंसी में, टीओटी टॉप ऑफ द टेबल किया है, और बताना चाहूंगा उनके पास जो पार्टी है हर साल उनको एमडीआरटी सीओटी टीओटी करवाती है, वर्षों से एक पार्टी साथ में ऐसी 7 से 8 पार्टी लिया है जिससे एमडीआरटी सीओटी टीओटी होता है। दिस ईयर, इस साल की अगर बात करूं मैं फ्रेंड्स, ये साल में भी 2 एमडीआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। और ऐसे हमारे डीके पटेल जयंबे, इनको हम जयंबे बोलते हैं क्योंकि माता जो अंबा माता है उनके भक्त है और अंबा माता ही करवाती है, उनको माड़ी बोलते हैं, उनके शेयरिंग उनके मुंह से सुनेंगे टीओटी एजेंट डीके पटेल। जयंबे जयंबे जयंबे, ऑल आईओई पार्टिसिपेट, ऑल आईओई गुरु, मेरी तरफ माड़ी माड़ी नहीं जय बोला भी दो एक बार, चालू कर दे इसे है ना दी, हां चालू करो चालू करो, सबका चालू करवा दो बस वॉइस। मैं जब बोल मारी अंबे बोलू तो आप लोग को बोलना है जय जय अंबे, क्या बोल मारी अंबे, जय जय अंबे, ओके नाउ स्टार्ट। बोल मारी अंबे, जय जय अंबे, बोल मारी अंबे, जय जय अंबे, बोल मारी अंबे, जय जय अंबे, हे रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे वंश में वृद्धि दे बाकवानी बाकवानी, हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय वरदान दे संभुरानी, ऐ दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दास जानी, सजन सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे रिबेट में जीत दे माँ भवानी जी दे, रिबेट में जीत दे माँ भवानी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जय जय बढ़िया बढ़िया। आज तक मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है माने डीके भाई, तुमने जो इन मजा आया टाइम में पहली बार जो है लागे तुमने बापू, तुम्हें प्रेशर आपी तू तो बड़ा पहली बार जिंदगी में पहरी जे। मैं यही यही चीज मैं करने पूछने वाला था, जिंदगी में पहली बार टाई पहना है आज डीके ने। भले करोड़ों का बीमा बेचते है लेकिन बड़ा शानदार काम करते है डीके भाई, चालू हो जाओ। बस जो भी हूँ आज माँ की कृपा, गुरुजनों की कृपा और इंस्टीट्यूट की कृपा, उसी से चला है मेरा अनएक्सपेक्टेड जो एक प्रीमियम आया था। जब मैं प्रेजेंटेशन देने गया और 1 रुपये की नोट पे 1 करोड़ का प्रीमियम, 1 रुपये की नोट दिखा के 1 करोड़ का प्रीमियम लिया है। जब मैं प्रेजेंटेशन दे के आया पार्टी को 26 लाख का, 2 प्रेजेंटेशन दे के, फिर वो मटोड़ा हमारा कैंप का चल रहा था, वो भंडारा जो अंबाजी सब पगपड़ा यात्रा में जाते हैं, तो मैं देखे फिर वेट कर, मतलब बोले आगे देख के हम आपको फोन करके बुला लेंगे। तो दूसरे दिन मैं चला गया मटोड़ा कैंप, जो 6-7 दिन वहीं रुकते हैं, वो पग यात्रियों के लिए जो भंडारा लगाते हैं, वो नरेंद्र चाचा के साथ में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं नरेंद्र चाचा की। तो वो दरमियान तीसरे दिन फिर पार्टी का फोन आया,
कि अंकल आप कहाँ हो। मैंने बोला अभी तो दिखनी मैं कैंप में हूँ, सेवा के काम में आया हूँ यहाँ मटोड़ा कैंप में। तो क्या था, तो मम्मी ने बोला है कि आप अर्जेंट आ जाओ, फाइनल करना है जो आप प्रेजेंटेशन दे के गए थे वो। मैंने बोला बेटा अभी ऐसा है मेरा दो तीन दिन यहाँ कैंप में आया हूँ सेवा के लिए, तो अगर मैं दो तीन दिन बाद आऊँ चलेगा। तो बोले कोई बात नहीं अंकल, दो तीन दिन बाद आ जाना, लेकिन आ जाना पक्का बोले। मैंने बोला श्योर श्योर श्योर। वो टाइम पे हमारे दूसरे भी आईओई पार्टिसिपेट वाले थे, हम 20-25-60 लोग गुजरात में सारे जो भी है आईओई वाले, वो सारे लगभग 80% वहाँ वो भंडारे में आ गए। तो मैं पवार आरके सोनी वो सब साथ में थे। पवार बोले क्या, बोला क्यों टाल दिया बोले। मैंने बोला बस ये 50 लाख का प्रीमियम 52 लाख का मैं प्रेजेंटेशन दे के आया था, वो अभी मैंने 3 दिन बाद बोला। तो बोला साले मूर्ख है ना तू, पहले वहां चला जाके सुबह जाके शाम को तू आ जाता। मैंने बोला भाई देख अपन जिस जगह पे जाते हैं ना, जो काम के लिए जाते हैं ना, वह लगे रहते हैं, फिर चाहे वो पैसा हो, और ये सेवा के काम है, सेवा के काम पहला, अपना काम बाद में। बोला ये भी नॉट है साली। मैंने बोला जो भी हो, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। भंडारा खत्म करके मैंने फोन किया के भाभी मैं आ जाऊ, तो बोले आ जाओ दिख रहा। तो वो टाइम पे मैं वहां गया, तो बोले मैंने बोला फाइनल किया, बोले हाँ कर दिया आपने, बोले दोनों का और 50-50 का कर दो। अरे मैंने बोला समझा साला 50-50 लाख, 5 करोड़ के प्रीमियम का 50-50 लाख, 51 लाख। बोले नहीं 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 प्रीमियम बोले 51 लाख। तो मेरे तो ऐसे खड़ा हो गया, मैंने साला ये क्या हो गया, मैं 50 लाख इंश्योरेंस समझ रहा हूँ, वो बोलते 51 लाख प्रीमियम। मैंने बोला हो जाएगा ना। मैंने बोला क्यों ऐसा, तो बोले अपने 7-8 साल से कुछ आगे प्लानिंग ही नहीं किया है भाई के एक्सपायर होने के बाद। तो बोला भला सही बात है, वो टाइम पे मैं एकदम अबक खा गया था कि ये साला बात क्या हो रही है, यानी सीधा हो गया 10 करोड़ हो गया तो मेरे मुंह में से निकल गया। मैंने 10 करोड़ का तो अभिषेक बच्चन का भी है। तो बोले अभिषेक बच्चन से मेरी लड़की ज्यादा इमेज वाली। तो बोला 11 करोड़, अभिषेक बच्चन से 1 करोड़ ज्यादा कर दो। मैंने बोला हो जाएगा। तो 11-11 करोड़ यानी 22 करोड़, और 2 भतीजे का 3-3 करोड़। तो वो टाइम पे सीधा 26 करोड़ का, और 1 करोड़ 20 लाख प्रीमियम मेरी लाइफ में वो फर्स्ट टाइम, और शायद इंडिया में भी वो टाइम पे 1 करोड़ 20 लाख प्रीमियम फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा क्लिक हुआ 2012 में। वो टाइम पे भी, वो भी उसके पहले जो मीटिंग करके मैं निकला था ना, वो 1 रुपये की नोट दिखाया था। मैंने बोला जो भी सिक्योर है ना, ये 1 रुपये की नोट है ना भाभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी आप रिजर्व बैंक में रखो पैसा, स्टेट बैंक में रखो, कहीं भी रखो, कहीं भी श्योर सिक्योरिटी नहीं है। बोला ऐसा कैसे, बैंक की अपडेट क्यों नहीं आए, बैंक कभी उठ ही नहीं सकती है। मैंने बोला सॉल्वेंसी क्या है पूछना आप बैंक मैनेजर को, 1 लाख रुपया की है, लेकिन अभी 5 लाख मोदी सरकार ने किया है अभी ये साल में। तो बोले नहीं हो 1 लाख। मैंने बोला आपका 10 करोड़ भी होगा ना, अगर बैंक उठ गई ना तो 1 ही लाख मिलने वाला है, और 1 लाख 10 करोड़ वाले को तो पहले बुलाएंगे ही नहीं। बोले जो पहले 1 लाख वाला है, 1 लाख वाले की सब हो गई खत्म, फिर 1.5 लाख वाले को बुलाएंगे, फिर 2 लाख वाले को बुलाएंगे, अगर 5-6 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ वाले को तो कोई छुएगा ही नहीं। बोले ये लोगों का तो 50 लाख की एफडी किया है, तो आगे भी 500 करोड़ होगा, 200 करोड़ होगा। बोले छोटे छोटे को देगा, लेकिन ये पैसा तो गया आपका। बोला सवाल ही नहीं हो ना, मेरा आप सीए से पूछ लेना, किसी को भी पूछ लेना। और वो फिर प्रेजेंटेशन में दे के गया था, तब बाद में उन्होंने भी सीए को पूछा कि हाँ भाई सोलवंसी तो 1 लाख की है, अगर बैंक उठ गई तो 1 लाख से ज्यादा नहीं आने वाला है। तो वो टाइम पे सोच लिया, उससे तो अच्छा बोले LIC है, साल 8% रिटर्न, बोले 12% अभी मिलता है। तो बोले और ये टैक्स फ्री है, तो 12 में 3% तो टैक्स चला जाता है, तो 3% हो गया, तो खाली 1% ज्यादा के लिए रिस्क का ही क्यों रखने का। तो बोले नहीं सही बात है। तो वो क्लिक हो गया, बोला कब स्टार्ट करें। फिर हमारे PM साहब थे DO, वो साथ में गए, और फिर चेक की बात आई। बोले चेक में बोले 1 करोड़ 20 लाख का साला प्रीमियम था, तो वो भी हाई अथॉरिटी में सब जगह पूछेगा तो सही। बोले हाँ पूछे। तो 2-3 दिन हुआ, तो मैं और PM दोनों टेंशन में, साला क्या होगा, सब फाइनल है, एकदम फाइनल है। बोले कुटुंब में हमारे जो बड़े हैं बुजुर्ग, उनसे सब चर्चा
करके फिर ये करते हैं। फिर उनका भी फोन आया कि इतना बड़ा प्रीमियम हर साल भरने का काहे को दिया बोले। मैंने बोला भाई अगर दूसरे जो भी अपने फैमिली में हर तीन साल में इंश्योरेंस लेते हैं, उनका 12 साल से गैप पड़ा है, 12 साल से कोई इंश्योरेंस ही नहीं लिया है भाई के एक्सपायर होने के बाद। तो बोले नहीं लिया ही नहीं है। मैंने बोला नहीं लिया है। मैं तो अब इकट्ठा कर रहे हैं। बोले हाँ ये बात भी सही है। तो बोला चलो डन फाइनल। वहां से फिर मैं बैठा था, बोले यहाँ से फाइनल हो गया। मैंने बोला आप पक्का आएगा चेक। फिर मैंने सोचा चलो लाओ मणिनगर मेरे गुरुजी है वहाँ दर्शन करके आता हूँ। वह जैसे मैं निकला उनकी ऑफिस रास्ते में बीच में आती है। मैंने बोला दर्शन करके आता हूँ। तो बोला ओके। हमारा डीओ साहब बोले मैं गया और ऑफिस से फोन आया वो चेक रेडी आप ले लो पीएम के पहले चेक ले ले। मैंने बोला चेक पहले नहीं लूंगा मैं पहले मणिनगर गुरुजी को मिलने के जाऊंगा। वहां से रिटर्न में आके अगर ऑफिस बंद हो गया तो कल कलिंग करूंगा, नहीं तो आज ही शाम को लेके आऊंगा। बोले तो मणिनगर दर्शन करके वो भी ये स्पिरिचुअल लेवल में एक इतना है कि डिवाइन एनर्जी आपकी इतनी एग्जाम लेती है ना। को बंदा पहले चेक लेने आता है या गुरु को मिलने का बुलाए तो गुरु के पास जाता है। आप लोग होते तो क्या करते, आप पहले चेक लेने निकल गए होते। लेकिन मैंने बोला नहीं, जो पहले एक बार दिल में ठान लिया है कि भाई पहले यहाँ जाके मिलना है और वहां मिलने का सोचा है तभी यहां से फोन आया है कि भाई चेक ले जा। तो पहले मेरे को वहां जाना है जहां से ऑर्डर हुआ है वहां। तो वहां से दर्शन करके फिर निकला तो ऑफिस बंद हो गया था। तो भी हमारे डीओ भी चिल्लाया यार पहले तू भी पागल है ना। बोला जो भी हो गया यार आपको जो समझना हो वो सब लीडर जानते हैं। बोले एक बार ये रिचुअल के पीछे ठान लिया तो बस उसके ही पीछे जाने वाला है। दूसरे दिन चेक लिया फिर बोला अभी भरवाना भी नहीं है, अब ये बड़ा जिम्मेदारी है तो पहले माता रानी के चरणों में रखेंगे अपने। तो सीधा अम्बा जी मैं और डीओ साथ में अम्बा जी से होके ऊंचा से होके बहुचरा जी होके फिर दूसरे दिन डिपॉजिट करवाए। बाकी कोई होगा तो क्या करेगा, पहले डिपॉजिट पहले बीओसी पढ़ाओ। मैंने बोला नहीं एक ये सब माता जी को देना है, बच्चियों को कुछ नहीं होना चाहिए। बस बढ़िया। फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ डीके जी का कि ज्यादातर यहाँ गुजरात में जो अंबाजी मंदिर प्रसिद्ध है वहाँ रेगुलर बेस पे सेवा देते हैं, रेगुलर बेस पे वो अंबाजी मंदिर की सेवा में ही तल्लीन रहते हैं और वो बोलते हैं कि माता ही मेरा सब काम करवाते हैं। और आज काफी सारा बोल सकते हैं कि उनको जो भी प्रपोजल आती है ना, अभी उनके शेयरिंग में भी आपने सुना होगा ज्यादातर माताजी यानी कि अंबा माता का जिक्र होता है। स्पिरिचुअल वे से वो काम करते हैं और काफी सक्सेस मिलता है। नेक्स्ट स्पीकर को भी मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा और ये नेक्स्ट स्पीकर जो हमारे है दीपक सर के गांव से स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट स्पीकर दीपक सर के गांव के बाजू में गांव है प्रेमपुर और प्रेमपुर जैसे छोटे से इलाके में से भद्रेश भाई पटेल है हमारे साथ और 2008 में LIC का एजेंसी लिया, 2009 से MDRT लगातार कर रहे, 2012 से डबल MDRT कर रहे, गैलेक्सी क्लब मेंबर 2016 से है और दिस ईयर का MDRT उनका कंप्लीट हो चुका है। वैसे भद्रेश भाई पटेल, मैं भद्रेश भाई को बोलूंगा उनके शेयरिंग यहाँ पे आपके बीच में रखे। भद्रेश भाई पटेल नमस्कार। कंटिन्यू। मैं भद्रेश पटेल, यानी कि अभी बात सीधे अपने पॉइंट पे ही जाते हैं कि मेरा सबसे अच्छा सेलिंग यानी कि 2010 में मैं मुकेश सर का एडवांस कोर्स चल रहा था अहमदाबाद में, तो वो एडवांस कोर्स में बैठा था। तो एडवांस कोर्स के अंदर एक कंसेप्ट आता है लोन लायबिलिटी अगेंस्ट इंश्योरेंस का, तो वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में बैठ गया था। कंटिन्यू कंप्लीट एडवांस कोर्स के वो सेशन के 3 दिन बाद एक पार्टी के साथ मेरा मीटिंग्स हुआ, तो वो पार्टी का पूरा डिटेल मेरे पास था। तो पार्टी के बहुत बड़ी लैंड थी उसकी, एग्रीकल्चर लैंड थी, वो फार्मर है, बहुत बड़ा फार्मर है। उसके पास पैन कार्ड भी नहीं था, ITR भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मैं उसके पास बैठा तो बोला उसको कि सर आप इतनी बड़ी लैंड लिया हुआ है तो आप LIC में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट तो कीजिए, आपकी इनकम भी अच्छी है। बोले कि नहीं अभी तो मेरे पर कर्जा है। मैं बोला कि कैसे, कि मैं जो मेरी लैंड जो है वो लैंड उसको डेवलप करने के लिए मैंने बैंक से 3.5 करोड़ रुपया लोन लिया हुआ है।
तो मैं आपको पैसे प्रीमियम कैसे दे सकूं। मैं बोला कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास उसके लिए भी, मैं एडवांस से सीख के आया था नया नया, तो मैं बोला कि सर आप मेरे पास इसके लिए भी सॉल्यूशन है। बोलते कि कैसे, मैं बोला कि देखो सर आपने जो 3.5 करोड़ रुपया लोन लिया हुआ है वो लोन आप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको कुछ हो गया तो लोन का क्या होगा। बोला कि ये तो बहुत बड़ी अच्छी बहुत बड़ी बात है कि बोले कि एक काम कर, मैं तीनों भाइयों के लिए 1-1 करोड़ का मेरे को पॉलिसी चाहिए। मैं बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मिल जाएगा। बाद में पूरा डिटेल पार्टी का मैंने लिया, वो पार्टी कैनवास हो गई, रेडी हो गई इंश्योरेंस लेने के लिए। मैंने पार्टी का मेडिकल करवाया और LIC में पुटअप किया। केस LIC में पुटअप किया तो ये केस LIC से डिवीजन में गया, तो डिवीजन में गया तो डिवीजन ने बोला कि इसके पास तो पैन कार्ड भी नहीं है, और एक भाई का 5,39,000 प्रीमियम था, मैंने बेचा था जीवन अमृत पॉलिसी जो 5 साल का प्रीमियम पे इनकम वाला। तो SDM सबको सर को मिले, हम SDM सर ने बोला कि आगे तो जाने दो, तो वो पॉलिसी गया अपना पास होने के लिए सेंट्रल ऑफिस में। सेंट्रल ऑफिस में गया तो सेंट्रल ऑफिस ने देखा कि इसके पास पैन कार्ड नहीं है, ITR भी नहीं है, तो उसको पॉलिसी कैसे दे। तो सेंट्रल ऑफिस ने उसमें कॉल फॉर कर एग्रीकल्चर इनकम सर्टी आप भेजो। उस टाइम हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम सर्टी के लिए बोला, तो यहाँ जो ऑफिस में बोले अपने एग्रीकल्चर की जो ऑफिस रहती है TDO में, बोले कि हम 3 साल का आपको एग्रीकल्चर इनकम सर्टी नहीं दे सकते। LIC मांग रही थी 3 साल का सर्टिफिकेट चाहिए हमको। बोले कि हम तो करंट ईयर का ही आपको एग्रीकल्चर इनकम सर्टी देंगे, क्योंकि पहले कौन ऑफिसर था उसका डिटेल नहीं है हमारे पास। मैं बोला कि चलो, तो मैंने वो एग्रीकल्चर इनकम सर्टी लिया ही नहीं, और बिना एग्रीकल्चर सर्टी लिए वो केस के लिए हमने फॉलोअप किया, सेंट्रल में पढ़ा था। मैं बोला कि अभी क्या होगा, सेंट्रल से आगे नहीं, वो डिसीजन नहीं ले रहे थे सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि उनको इस केस के लिए इनकम तो चाहिए थी। तो जाके मैंने दीपक सर से बात की, मैं बोला कि सर मेरा ये एक केस अटका हुआ है। तो दीपक सर ने बोला कि अपने IOE में कमिटमेंट पार्टिसिपेंट है अपने कमलेश संघवी करके, उनका ज्यादातर केस सेंट्रल ऑफिस के रहते हैं। तो मैंने संघवी जी से बात की, संघवी जी ने बोला कि चलो मैं देखता हूँ वो केस को। तो सेंट्रल ऑफिस में उन्होंने इस केस की जांच करवाई, तो CO में बोले कि भाई इसके अंदर इनकम सर्टी नहीं है तो उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो वापस संघवी जी ने मेरे को बोला, मैंने वापस दीपक सर को बोला, दीपक सर को बोला कि सर इसके अंदर मेरे को कुछ करना है, आप मेरी मिट के लिए मेरे को कुछ आप रास्ता दीजिए। तो दीपक सर ने बोला कि एक काम कर, तू सैंडबॉक्स साहब को मर। तो मैं CO में, चीफ अंडर राइटर थे सैंडबॉक्स सर, तो दीपक सर के रेफरेंस से मैं CO में गया। तो CO में गया, अपने पास तो इंग्लिश तो है ही थी नहीं, क्योंकि हम तो 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं। CO में गए, सैंडबॉक्स साहब को मिले, सैंडबॉक्स सर ने दीपक सर का रेफरेंस है इसलिए बोले कि चल हम साहब से बात करते हैं। तो उस टाइम चीफ अंडर राइटर थे अपने सैंडबॉक्स सर, और ED थे UNDR के, त्रिपुरा के श्रु कुमार सर थे। तो श्रु कुमार सर के साथ हमारी मीटिंग करवाई सैंडबॉक्स सर ने। तो उस टाइम हम जाके बैठे तो ED सर तो अपने साथ इंग्लिश में चालू हो गए, हम तो फंस गए वहां पे जाके। बोले कि साहब तो इंग्लिश में, पर हमको तो पता ही नहीं चल रहा था। मैं एकदम स्लोली सर को बोले कि बहुत सारे अपने कमिटमेंट पार्टिसिपेंट से पूछे थे कि कोई इंग्लिश में बोले तो क्या बोलने का, उन्होंने हमको सिखाया हुआ था कि कोई इंग्लिश में बोले हमको पता नहीं चल रहा है, तो उसको ये बोलने का कि सर आई डोंट नो इंग्लिश, प्लीज स्पीक टू हिंदी। तो मैं ये बोल दिया सर को, सर हंस पड़े। सर बोले कि क्या बात कर रहा है कि 1 करोड़ की 3 पॉलिसी बेचा है और तेरे को इंग्लिश नहीं आती। मैं बोला कि सर हम रूलर से है, इंग्लिश हमको आती नहीं है, और हम 10वीं कक्षा पढ़े हैं और आपने उसके इस बार हमको एजेंसी दी है। बोले कि मैंने एक्सप्लेन किया, बोले कि क्या चाहिए। मैं बोला कि सर मेरे को पॉलिसी चाहिए। बोले कि यार इसमें कैसे पॉलिसी दे। मैं बोला कि देखो सर, अपने हमको LIC की एजेंसी ली, उस टाइम भी हमने सीखा था कि लोन लायबिलिटी अगेंस्ट इंश्योरेंस होता है, और हमने एक इंस्टीट्यूट में भी सीखा है कि ऐसे LIC बीमा देती है। बोले कि लोन लिया इसका प्रूफ। मैं बोला कि इसके अंदर सैंक्शन लेटर है, LIC को तो बीमा देना है और लोन को बैंक को तो लोन वापस लेना है, और लोन भी दिया हुआ है। मैं बोला कि देखो सर लोन सैंक्शन लेटर है, और पार्टी ने वो लोन कौन कौन सी तारीख को विड्रॉल किया है उसका पूरा स्टेटमेंट है, मैं 20 पन्नों का स्टेटमेंट लेके गया था। तो सर ने वो पूरा केस देखा, बाद में जाके सर ने बोला कि बैठो बाहर 10 मिनट। मैं बाहर 10 मिनट बैठा, मेरे को वापस बुलाया कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर केस इज पास्ड। मैं इतना खुश हो गया कि वो पेपर के अंदर ITR नहीं था, एग्रीकल्चर इनकम नहीं था, पैन कार्ड भी नहीं था, और 1-1 करोड़ का 3 पॉलिसी तीनों भाइयों को
एलआईसी ने दिया, ये मेरा सबसे बढ़िया सेलिंग था। उसके बाद अपना एक हौसला बहुत बढ़ गया कि नहीं होता है कुछ काम यहाँ करने से होता है। यस सर, बढ़िया बढ़िया, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जुड़े रहने से कंटिन्यू सिस्टम में रहते तो देखो आईओई सभी जगह पूरे इंडिया में है, तो कहीं ना कहीं ये भी बेनिफिट हो सकता है। मेंटरिंग में जो अभी बताया वो वही है, कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट ये सब। भद्रेश भाई, दूसरा सेलिंग टूल्स आपका कोई है तो बताइए जरा। पर्टिकुलर ये आपने बीच में एक 20 लाख का प्रीमियम लिया था। भद्रेश भाई को एक बात पूछना चाहूंगा। यस सर। भद्रेश भाई, 2010 में जो एडवांस कोर्स किया था तो एडवांस कोर्स का इन्वेस्टमेंट कितना था और वो 3 करोड़ से कमीशन कितना आया? सर उस टाइम एडवांस कोर्स में तो 15,000 फीस थी पूरे एडवांस कोर्स की, और देखो 2010 में 15,000 फीस थी, और वही एडवांस कोर्स अभी हमने ऑनलाइन में खाली 12,000 में शुरू किया। राइट, आज 2020 हो गया, 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल में आपको आधे रेट में मिल रहा हो गया। अभी वो तो स्टार्ट हो गया, अभी उसमें आप ज्वाइन भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 15,000 का इन्वेस्टमेंट और 3 CR एक ही कॉन्सेप्ट में से, खाली एक ही कॉन्सेप्ट, टोटल तो 30 कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट से आपको 3 करोड़ समय शॉर्ट, तो प्रीमियम कितना हुआ उसका? उसका प्रीमियम करीबन सर तीनों भाइयों का 16,30,000 प्रीमियम था। 16,30,000 प्रीमियम, कमीशन कितना आया था? कमीशन उसके अंदर सर 10% कमीशन था जीवन अमृत में। 1,60,000 यस सर। सो 15,000 के सामने 10 टाइम, राइट, सो 1,60,000। और सर कभी भी ज्यादा पॉलिसी बेचा वो? हाँ वो सब मैं दोस्तों को वही कहना चाहता हूँ कि कभी भी एजुकेशन की कॉस्ट जो है ना वो कभी ज्यादा नहीं होती है, पहले ज्यादा दिखती है हमें एजुकेशन की कॉस्ट, जब भी पे करते हैं क्योंकि तभी नहीं होते हैं। हमें भी, हमारा भी यही हाल था, जब भी हम आए आईओई में तभी पे कर रहे थे, पे कर रहे थे बहुत भारी लग रहा था, लेकिन जब काम करना शुरू किया और बड़े बड़े बीमे आने शुरू हुए तब पता चला कि यार एजुकेशन कॉस्ट तो पिंडर्स के बराबर है। प्लीज गो अहेड भद्रेश भाई। यस भद्रेश भाई कंटिन्यू सर। हाँ हिंदी में बोलना पड़ेगा। यस सर, यस सर, आगे बढ़िए। ओके सर, ओके सर। यानी कि एक मेरा दूसरा सेल है कि एक 2000 करीबन अप्रोक्सीमेट अबाउट 2000 वर्करों का एक कॉर्पोरेट ग्रुप है पूरा। वो कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर मैं एक रेफरेंस से पॉलिसी के लिए बैठा था पार्टी के साथ। तो पार्टी पहले तो यही था कि पार्टी के जो रेफरेंस से गया था वो बहुत बड़ी पार्टी थी, उसके रेफरेंस से उनके साथ बैठा तो बोले कि भद्रेश क्या करें, हमारे पास तो इतना पहले से करीबन 4,000-5,000 करोड़ की पार्टी है वो ऑलरेडी, 2000 वर्कर है। तो बोले कि हमको क्या पॉलिसी क्या करने की। मैं बोला कि सर अभी आप तो ऑफिस में बहुत बिजी है, तो एक काम करें सर कि हमारे जो नेटिव है उसका जो जिला प्लेस है वहां पे ही वो सेट रहते थे, तो मैं बोला कि सर घर पे मिलने के लिए आ सकता हूँ आपको, यहाँ आपको मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता क्योंकि आपको कितने लोग मिलने के लिए बाहर बैठे हुए है। बोले कि ओके नो प्रॉब्लम, तू 8:30 बजे घर पे आ जा। मेरे को पता था कि मैंने पूरा डिटेल लिया हुआ था कि उनका पूरा फैमिली जो है ना वो बहुत बाहर घूमने के लिए बहुत जो शौकीन था वो लोग बाहर आउट ऑफ कंट्री के लिए। तो मैंने जो डिटेल लिया था, मेरे जिसने रेफरेंस दिया था उसने ही मेरे को बोला था कि ये फैमिली को बाहर घूमना बहुत ये बढ़िया लगता है। तो मैं बोला कि चलो, इसलिए मैंने फैमिली मीटिंग्स कंपनी में नहीं की, फैमिली के सामने करना चाहता था मैं। तो जब मैं पार्टी के पास 8:30 बजे बैठा तो उस टाइम मैंने यही बोला कि सर हम एक काम करते हैं, आपका 31 ईयर एज था उसका, तो 31 ईयर एज है तो हम ये ऐसा करते हैं सर कि 45 से हर साल हम बड़ी बड़ी कंट्री में पूरे फैमिली के साथ उसका मिनिमम कॉस्ट 15-20 लाख मिनिमम कॉस्ट आए, ऐसा कंट्री घूमने के लिए जाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। बोले कि ऐसे कैसे होते। मैं बोला कि सर है इसके अंदर कि हम अभी 31 है, 45 के बाद हर साल एक एक साल कंटिन्यू और वो भी 70 ईयर तक हर साल पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। बोले कि वो कैसे होता है। मैं बोला कि है अपने पास प्लान। उसी टाइम वो सेठ का जो मिसिस थे वो बोले कि ऐसा प्लान होता है। मैं बोला बहुत बढ़िया है भाभी जी। बोले कि नहीं वो तो करना ही है। तो जब जाके पार्टी को मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया, मैंने क्या किया था उसका जीवन आनंद का जो रिटायर्ड एंजॉय पॉलिसी जो अमोल सर सिखाते हैं कॉम्बो में, और अभी तो हमारे गुजरात में अंदर हिरेन भाई भी कॉम्बो प्लस प्लान ले रहे हैं, और ये दोनों लीडर ने जो सिखाया था हम लोग की कॉम्बो का जो उसका जो यूनिक फीचर दिखाए थे, तो
तो वो यूनिक फीचर पार्टी के सामने हमने रखे कि सर इतना पैसा मिलेगा, 25-25 लाख दोनों भाइयों के लिए मैंने समझाया, तो पार्टी रेडी हो गई। 18,20,000 प्रीमियम मेरे को वहां से मिला, लेकिन मेन कंसेप्ट यही था कि घूमने के लिए मैंने जो पॉलिसी बेची थी फैमिली को कि हर साल घूमने के लिए, वो पॉलिसी को करीबन 8-9 साल हो गए। तो मैं लास्ट टाइम फरवरी में उसका रिन्यूअल प्रीमियम आता है, तो मैं रिन्यूअल प्रीमियम का चेक लेने के लिए वो घर पे गए थे मैं, तो सेठ घर पे थे तो बोले कि घर पे आ जाओ। मैं घर पे गए तो उस टाइम भाभी जी ने मेरे को बोला कि भद्रेश भाई वो अपना यूरोप टूर वाला कब आता है। मैं बोला कि भाभी जी आधा तो हो गया है, लेकिन अभी आपको जाना है ना तो भी हम दे सकते। बोले कैसे? मैं बोला कि उसके अंदर पैसा भरा है, हम लोन ले लेंगे। बोले कि वो भी बात बढ़िया। वो मेरे को पार्टी ने बोला कि तू ऐसा मत सिखा यार, मेरे को अगले साल ही लेके जाएंगे फैमिली वाले। तो मेरे को एक यही लगा कि जब हम फैमिली प्लानिंग दे रहे हैं पार्टी को तो घर पे जाके देते हैं ना तो बहुत बढ़िया सेल होता है। मेरे को यही मेरे वहां से मिला था। बढ़िया, जबरदस्त। फ्रेंड्स, हम बेसिक कोर्स में बताते हैं ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। सो ये बात करके भद्रेश भाई ने घूमने की बात करके ये कंसेप्ट के थ्रू ये पॉलिसी लिया। यस, हमारे किसी दोस्त ने यहाँ पर लिखा था देवीलाल क्या होता है, जब भूपेंद्र भाई ने, यही देवीलाल होता है। देने की बात करो देवीलाल, मांगने की बात करो तो मांगीलाल है। ये हम लोग बेसिक कोर्स में बहुत डिटेल में सिखाते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ और एक ऐसे ही दोस्त है जो पहले साथ में ले लूंगा मैं, राजेश सामंत जी। क्या राजेश सामंत, ओपन योर वीडियो। हाँ सर, नमस्कार। कॉल हो जाएगा। राजेश सामंत जी, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर। दोस्तों, टाटा जैसे एथिकल इंडस्ट्री में 16 साल से जॉब कर रहे थे। पहली एजेंसी 2003 में ली जो वाइफ के नाम पे थी, बता रहे। देन आईओई में 2005 से मैं ज्वाइंट हुए और फिर सभी कोर्सेज से जुड़ते गए। पता चला इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या है, LIC क्या है। वैसे ही खुद के नाम पे भी एजेंसी ले ली उन्होंने 2010 में। फिर फुल टाइम जॉब करने लगे, हस्बैंड एंड दोनों साथ में काम करते हैं। जब से शुरू किया अभी से 2008 से, फ्रॉम 2008, आज 12 साल से कंटिन्यूस दोस्तों MDRD कर रहे हैं, रिजल्ट सिस्टम में रहने का। आज 2 साल से डबल MDRD कर रहे हैं। सोशल एक्टिविटी बहुत होती है, जैसे रोटरी क्लब के चेयरमैन खुद भी रहे, उनकी वाइफ भी रही है। दोस्तों खुद एक फार्मर भी है, कल भी मैं बात कर रहा था उनसे तो बोले अभी तो खेती से आया हूँ, अभी सब धान बीन लगाया हूँ, बारिश बहुत है। एक फार्मर भी है दोस्तों, देखो एक मैकेनिकल इंजीनियर, फार्मर एंड सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, बराबर है। खुद का ऑफिस है और कॉर्पोरेट कोर्स का बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और 5 लोगों का स्टाफ है। सो राजेश जी, आपका स्वागत है। आपकी इस जर्नी में आपने जो अच्छी अच्छी पॉलिसीज बेची थी, जो सेलिंग आइडिया से हमारे उपस्थित ऑडियंस को लाभ हो, फिगर हो सके तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना। ओवर टू राजेश साहब। यस सर, थैंक यू अमल सर और सभी IOE के लीडर्स और आप सुनने वालों को मेरा नमस्कार। थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए अमल सर। सर, आपने जैसा कहा वैसा कि मैं रूरल में रहता हूँ और सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। मुझे बहुत से पहले से इंटरेस्ट है सोशल एक्टिविटी में काम करने का। रोटरी जैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैं 16 साल से हूँ और पास्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, वाइफ भी प्रेसिडेंट है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे होता है, तो सेलिंग आइडिया देने के पहले मैं थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करूँ, चलेगा सर? मैं कैसे प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ शॉर्ट में, आपके पास जो 10 मिनट है उसमें मैक्सिमम देना। यस यस यस, थैंक यू सर। सो भगत जी वापस आ गए तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। यस यस, सो बचपन में जैसा कहा कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ, इंजीनियरिंग किया है, लेकिन बचपन में जो एक आदत थी चलते चलते हाथ में लकड़ी लेके इधर उधर मारना, चलते चलते पेड़ पौधों को मारने का बचपन की आदत थी, वो इंश्योरेंस में अभी काम आ रही है। मैं जहां पर भी जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, ऑटो रिक्शा में जाता हूँ, टैक्सी में जाता हूँ, खुद की कार में जाता हूँ, तो किसी को लिफ्ट देते हैं हम लोग, वहां पर मैं उनको पूछ लेता हूँ कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन में नाम डाल दिया क्या, आपको इसके बारे में पता है क्या। ये मेरा हमेशा का डायलॉग सभी के लिए होता है। फिर एक इंटरेक्शन शुरू होता है कि आप बिजनेस में है कि जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है कि गवर्नमेंट जॉब में, और तुरंत कार्ड एक्सचेंज या तो कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज हो जाता है और उस व्यक्ति को मैं कॉन्टेक्ट में रहता हूँ और फ्यूचर में फोन करके अपॉइंटमेंट लेके मैं उनके साथ में सामने बैठ के एक प्रेजेंटेशन देता हूँ। ये एक मेरा रेगुलर स्टाइल है प्रोस्पेक्टिंग का। आज मेरे पास करीब 7-8 हजार ऐसे मामले है। अच्छा, दूसरा इसमें प्रोस्पेक्टिंग में सोशल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में रहने की वजह से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं स्टेज पे जाऊं और कुछ ना कुछ हेल्प करूं, सो दैट ना बाकी जो बैठे हुए लोग है ना, तो हम आम आदमी में मैं नहीं रहता हूँ जनरली, आई अवॉइड टू डू दैट। मैं सोचता हूँ मैं स्टेज पे रहूं, वहां से अपने को 100-200-500 लोग देखते हैं और इसका एडवांटेज मुझे होता है, मैं उसी व्यक्ति के किसी के सामने बैठता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए तो बोलता है कि सर मैं तो आपको जानता हूँ, मैंने वहां देखा। तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है ना कन्वे अपना कन्विंस कर अपना कनेक्ट करने का, वो ऑलरेडी मेरा हो चुका होता है, ये मुझे सबसे एडवांटेज होता है। दूसरा, हम लोग छोटे छोटे फंक्शंस करते हैं, हल्दी कुमकुम जो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा एक फंक्शन है कि लेडीज लोगों को बुला के एक अपना स्पेसिफिक मंथ है, उस मंथ में हम लोग ये करते हैं, सबको बुला के सबको हल्दी कुमकुम लगाते हैं, छोटा सा गिफ्ट देते हैं। ऐसा हम लोग हॉल बुक करके अपने एरिया की 100-200-300-500 लेडीज को बुला के कोई एक अच्छी लेडीज स्पीकर जो फाइनेंस के ऊपर बात करे कि लेडीज में सेविंग हैबिट्स के सेविंग हैबिट से घर में कैसा इफेक्ट होता है, कैसा फायदा होता है, उसके ऊपर हम लोग स्पीच रखते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उसमें से वो लोग अपने घरों में ले जाते हैं और वहां से हमको ये लीड्स मिलती है। छोटी छोटी कंपनियों में या बड़ी कंपनियों में आज इतने साल से इस कॉरपोरेट में रहने की वजह से बहुत से कंपनियों में टॉप लेवल के जो लोग है, डायरेक्टर है या मैनेजर्स है, एचआर हेड्स है, वो आज हमारे बहुत से क्लाइंट है, उनके पास जाके हम बोलते हैं कि सर यंग जनरेशन सेविंग करने में मानता नहीं है, दे बिलीव इन टू स्पेंडिंग, उनको खर्चा करने में मजा आता है, उनको सेविंग हैबिट्स कैसे लगाना है, शॉर्ट टर्म सेविंग क्या होता है और लॉन्ग टर्म सेविंग क्या होता है, उस पर 20 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है मुझे, ऐसा करके एक स्लाइड शो हम लोग वहां पे करते हैं और इस तरीके से ये सब एक्टिविटी से प्रोस्पेक्ट मैं जनरेट करता हूँ। अब मैं सेल्स पे आता हूँ, ये जनरली मेरा प्रोस्पेक्टिंग का हैबिट है और वो रेगुलर चलते रहता है। वेरी गुड। और सेल्स में अगर देखे तो एक बहुत बढ़िया सेल जो है मेरे लाइफ का बड़ा सेल है, वो मैं पहले आपके साथ शेयर करता हूँ, बाकी भी सेल शेयर करूंगा। आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस का एक कॉर्पोरेट कोर्स आता है जिसमें कॉर्पोरेट में कैसा एंट्री करने का, कॉर्पोरेट में जाने से लोग हमें कैसे बुलाएंगे, नॉर्मल पॉलिसी बेचने के लिए हमें उनके पीछे पड़ना पड़ता है, लेकिन वो हमें लाइक वो रेड कार्पेट जैसा कि वो हमको बुला के रिस्पेक्ट से सामने बिठाए। और इस केस में उन्होंने कॉर्पोरेट में सिखाया था कि आप ऐसा कोई ईमेल्स भेजो कि आपके एम्प्लॉई आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो जब रिटायर होंगे तो उनको एक लमसम फंड, जैसे हमारा डिवीजन ऑफिस होता है उसमें पीएनजीएस डिपार्टमेंट है, वहां पर ग्रुप ग्रेच्युटी है, ग्रुप इंश्योरेंस है, ये सब प्रोडक्ट छोटे छोटे प्रोडक्ट है जिससे हमें बहुत बड़ा इनकम नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा प्रीमियम आएगा तो मिलता है लेकिन ज्यादा इनकम हमारे लिए नहीं है, लेकिन डायरेक्टर के सामने बैठने का अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है। और वो जब मैंने फर्स्ट कोर्स किया ना तो मैंने सबसे पहले एक काम किया, एक स्टाफ को अपॉइंट किया, उसको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि आपका जिम्मेदारी है सभी कंपनियों को ईमेल भेजना कि ये सब में हम लोग डील करते हैं, आपको कोई भी तकलीफ है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे विदाउट एनी चार्जेस। ऐसा ईमेल हर दिन भेजते गए, 5-6 दिन हो गया, 300-300 मेल जा रहे, कुछ नहीं रिप्लाई आ रहे, तो मैं सोचा कि कुछ काम नहीं होगा, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि सर एक रिप्लाई आया है और उन्होंने बोला कि यस वी आर इंटरेस्टेड इन ग्रुप ग्रेजी, तो मैं गया तो मालूम पड़ा उनके पास करीब 17-18 लोग है और 2 यूनिट अलग अलग जगह पर, एक बॉम्बे में है और एक बॉम्बे से 120 किलोमीटर बाहर है, और उनके साथ ग्रुप ग्रेजुएटी की बात भी डायरेक्ट जो उसके डायरेक्टर थे, मेन डायरेक्टर वही सामने बैठे थे, उनका एज ऑलमोस्ट 53 एज था और उन्होंने ग्रुप ग्रेजुएटी का इमीडिएट बोला कि ठीक है कोटेशन दे के करवाओ, वो हम लोग ने कर दिया। अच्छा, वो करते करते वहां पर मैंने उनको ये भी पूछा कि सर आपके पास जो लोग है इसमें से कितने लोग हर बार छोड़ के जाते हैं, तो बोले कि अरे राजेश भाई ये फील्ड में इंजीनियरिंग फील्ड है ना, इसमें हमेशा लोग बदली होते रहते, बड़ा तकलीफ है। तो अपना एक प्रोडक्ट है जो मेरे दिमाग में इमीडिएट आ गया, जो हमें सिखाया था एम्प्लॉयर एम्प्लॉई करके एक प्रोडक्ट था जो एम्प्लॉय को रिटेनमेंट करने के लिए एक अच्छा टूल था, कंपनी के लिए भी अच्छा है और उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा है, ऐसा टूल था कि कंपनी उसके लिए कुछ सेविंग करे और उसके बाद उसको पैसा मिले। ये मैंने ग्रुप ग्रेच्युटी का बात करते करते ये समझाया और ये पहले हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का, ग्रुप ग्रेजुएटी बाद में हुआ और उसमें करीब ऑलमोस्ट 40,000 रुपया क्वार्टरली प्रीमियम, मतलब 1,60,000 प्रीमियम एक ईमेल था उससे आ गया, उसके बाद ग्रेजुएटी आज भी चल रहा है उनका। लेकिन ये सब करते करते करीब बीच में 1-2 महीने का समय चल रहा था, आना जाना था, उनको मिलता था और वहां पर एक दिन उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि राजेश भाई आप हमारा एक LIC का पॉलिसी है, क्या आप उसको जरा बताएंगे हमको क्या है करके, तो मैंने बोला हाँ बताऊंगा सर। तो उन्होंने नंबर भेजा, मैंने चेक किया, वो पॉलिसी लैप्स था, तो मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, ये डेट से पॉलिसी बंद है, इतना प्रीमियम भरना पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्म है, हेल्थ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है आप मेरे ऑफिस में किसी को भेजो और करवा लो, तो वो करना प्रोसेस चालू था। 1-2-4 दिन वापस उन्होंने एक बार फोन किया,
कि राजेश जी थोड़ा तकलीफ देता हूँ और एक पॉलिसी का काम है। मैंने बोला सर भेज दीजिए, लेकिन फिर वहां पर मैंने उनको बोला कि सर आपके फैमिली में आप है, वाइफ है, दो बच्चे है, आपके पास जितना भी लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी होगा वो अगर आप पूरा वो बैग उठा के लेके आएंगे, क्योंकि वो बॉम्बे में रहते और 120 किलोमीटर इंडस्ट्री है तो हर दिन वो आते थे, मैं बोला अगर वो ले आएंगे तो मैं आपके सामने बैठ के आधा घंटा बैठ के उसका सब डिटेल लूंगा और प्रॉपर कौन सा पॉलिसी में क्या है, बेनिफिट्स है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब करके आपको एक फर्स्ट क्लास कॉम्प्रहेंसिव चार्ट बना के मैं देता हूँ। फ्रेंड्स सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऑलमोस्ट 37 पॉलिसीज थी उसमें, फटी हुई ऐसी वैसी सब पॉलिसीज थी और वो सब मैंने डिटेल लिया आके देखा, जो भी बंद थी वो जो करना था, जो सिंगल प्रीमियम थी वो सरेंडर करना था, ये सब करके लास्ट में 17 पॉलिसीज बची और ये करते करते करीब एक डेढ़ महीने का टाइम हो गया, क्योंकि ब्रांच में ये काम फटाफट तो होता नहीं है, अदर ब्रांच का टाइम लगता है, तो वो सब हो गया। और मैं हमेशा एक मेरा सिस्टम है कि मैं मेरे ऑफिस का खुद का एक प्रिंटेड HDPE जैसा फाइल है, 20 फोल्डर का फाइल है, वो मैं सभी क्लाइंट को देता हूँ और उसमें उनका नाम लिख के वो सब पॉलिसीज उसमें डाल के एक दिन में अपॉइंटमेंट लेके उनको देने के लिए गया। और मैंने जैसा खड़ा होकर उनके हाथ में हैंड ओवर करने के लिए गया तो वो भी खड़े हो गए और उन्होंने वो फाइल लिया और फर्स्ट पेज खोला और वो देख के मेरी तरफ देखते रह गए थे। मुझे लगा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह स्टाफ ने किया, क्या किया। फिर वो बोले कि राजेश भाई आपको मानना पड़ेगा कि बॉम्बे में इतने अच्छे अच्छे एजेंट पुलिस है, मेरे पास थे इसमें करीब 4 एजेंट है, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा मिला नहीं कि ऐसा सिस्टमेटिक वर्क करके देने वाला कोई व्यक्ति मिला नहीं। तो उन्होंने ये सब बात अप्रिशिएट करने के बाद मुझे बोला आप ये काम करते हो फिर आपने अभी तक मुझे इंश्योरेंस के बारे में पूछा नहीं, क्योंकि हर एजेंट आता है ना उसका इंटरेस्ट तो पॉलिसी में होता है और आपने आज तक बोला नहीं। मैं बोला वो तो बाद में सर, पहले ये सब काम होगा, आपको पता चलेगा हमारा काम का स्टाइल क्या है और आपको लगे कि यस दिस इज अ राइट पर्सन टू डील विद फिर हम लोग बात कर सकते हैं। बोले आ जाओ ना कभी बॉम्बे के ऑफिस में आ जाओ। और उन्होंने बॉम्बे के ऑफिस में इसलिए बुलाया कि उनका बेटा वहां पर था जो MBA फाइनेंस करके ऑफिस में ऑफिस संभालता था, दो ऑफिस है, एक बॉम्बे में और एक यहाँ पर मतलब बॉम्बे से 120 किलोमीटर दूर, और दूसरा बेटा इंजीनियरिंग में था। तो उन्होंने मुझे बॉम्बे का अपॉइंटमेंट दिया और बेटा आने के पहले मैं पहले पहुंच गया था 10-15 मिनट पहले, तो सर के साथ बात चल रही थी और मैंने उनको पूछा कि सर आपके पास जितने लोग हैं उनको तो रिटायरमेंट का आपने प्रोविजन कर दिया, आपने उनका प्रोविडेंट बना दिया, आपने उनको ग्रेच्युटी बना दिया, आपने उनको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिटायरमेंट में वो भी एक लमसम फंड मिलेगा, ये सब किया, ये 17 एम्प्लॉय का आपने किया, लेकिन सर आप भी तो एक दिन रिटायर हो जाएंगे, आपने अपने बारे में क्या सोचा। और सर दूसरी एक बात कहता हूँ और ये बात मैंने उनके आंख में आंख डाल के कही कि सर आपको दो बेटे हैं और मैं समझता हूँ अभी तक मुझे जितना मालूम है आपके पास दो इंडस्ट्री है, हो सकता है दूसरा बेटा इंजीनियरिंग करके आएगा तो डेफिनेटली एक यूनिट आप एक बेटे को दोगे, दूसरा दूसरे को दोगे। आज सर ना चेक पर आप साइन कर रहे हैं, जो चाहिए वो डिसीजन आप ले रहे, लेकिन सर एक दिन ये साइन को अथॉरिटी ना बच्चों को देना पड़ेगा। मैंने इतना बोला और वो एकदम हिप्नोटाइज जैसे हो गए और मेरी तरफ कंटिन्यू देखते रह गए। बोले सर क्या हो गया। मैं भी रुका और बोला सर क्या हो गया। बोलता है कि राजेश जी एक वॉच लेके उन्होंने बोला कि कल एक्चुअली मेरा बेटा जो है मुझे यही कहता था कि पापा आप बॉम्बे से 120 किलोमीटर दूर जाते हो उस इंडस्ट्री में, हर दिन शाम को आते हो, मुझे एक भी चेक साइन करना है ना तो मुझे आपके लिए वेट करना पड़ता है, घर पे रात को साइन करना पड़ता है, आप मुझे अथॉरिटी दे दो। बोलता है मैं रात को सोया ही नहीं हूँ कल। और ये जो पॉइंट था और इसके ऊपर उनका लिसनिंग ग्रेट हो गया। फिर बेटा आ गया, बेटा बैठा, फिर उनको मैंने कहा कि सर रिटायरमेंट में आपके पास फंड होना चाहिए, फिर वो कंसेप्ट बताया अपना रिटायरमेंट का कंसेप्ट बताया, कॉर्पोरेट लेवल में एक बड़ा संघ का ऐसा बताया कि हर बार फाइनेंशियल अथॉरिटी अपने हाथ में होना चाहिए, इस तरीके से सब बताया। और वो बोले कि राजेश जी कोई बात नहीं आप मेरे लिए प्रपोजल लाओ, लेकिन प्रपोजल जो भी लाएंगे ना वो एक बार CA को पूछना पड़ेगा और मैं CA के साथ बात करूंगा। और इस सेल में CA का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था, क्यों ऑब्जेक्शन ये था कि 17 साल से वो CA उनको सर्विंग कर रहा था और 37 पॉलिसी में करीब 90% पॉलिसी उसी CA का था और वो CA क्या करते थे कि ATC का प्लानिंग करने के लिए मार्च महीने में सिंगल प्रीमियम डालते थे और उससे इनका कोई पर्पज सॉल्व होता नहीं था, 2 लाख 3 लाख 5 लाख वो लोग डालते थे और ऐसा करके वो करता था, लेकिन CA का ऑब्जेक्शन उन्होंने बोला और अपना जो ऑब्जेक्शन का समय है उसमें मैं वो CA ने CA के साथ एग्जैक्टली क्या बात किया। यस वेरी फैंटास्टिक राजेश जी, बहुत 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 डिटेल में पूरा अपने जैसे ना विजुलाइज कर डाला, एक सामने जैसे अपॉइंटमेंट आपकी चली रही है और सभी लोग देख रहे हैं। सो पर्टिकुलर राजेश जी कॉर्पोरेट कोर्स के बिजनेस इंश्योरेंस में फोकस करते हैं, ईमेल का यूज करते हैं और ईमेल का यूज कैसे करना, फेसबुक का कैसे करना। दोस्तों देखो एक ईमेल आपको कितने का प्रीमियम देता है,
तो अगर ऐसी सभी सोशल मीडिया की चीजें अगर यूज करें, ईमेल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, लेकिन उसके लिए हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं जो अगले परफॉर्मर है जो हमारे आसाम से बिलोंग करते हैं हेमंत अग्रवाल जी, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। दोस्तों हेमंत अग्रवाल जी आसाम से एक छोटे से गांव बोकाखाट, आपने काजीरंगा नेशनल पार्क का तो नाम सुना ही होगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क से जस्ट 20-25 किलोमीटर दूरी पे उनका एक छोटा सा गांव है बोकाखाट, वहां की ब्रांच से वो बिलोंग करते हैं जोहरा डिवीजन से। दोस्तों एजेंसी उनकी 2001 से है और 19 साल की इस एजेंसी में 13 टाइम्स एमडीआरटी क्वालिफाई हो चुके हैं और ये साल का एमडीआरटी भी उनका कंप्लीट हो चुका है। आप सोच सकते हो कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी उन्होंने एमडीआरटी क्वालिफाई किया और ये लॉकडाउन में भी उन्होंने स्पेशली 30 लैक्स प्रीमियम का पॉलिसी बेचा है। सो अभी हम लोग हेमंत जी से ही सुनेंगे। हेमंत जी वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। हेमंत जी बताइए हमारे दोस्तों को। हेमंत भाई हाँ नमस्कार पारस भाई। हाँ जी नमस्कार, वेलकम। नमस्कार सभी लीडर्स को। सबसे पहले मैं आयुई को, दीपक भाई को, मुकेश भाई को और पारस भाई जो मेरे गुरु हैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातें पूरे भारत के अपने अभिकर्ता बंधु के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि आज जहां भी हम पहुंचे हैं, एजेंसी तो 2001 से थी बट 2005-06 तक इतना मजा नहीं आ रहा था, बट जब भी आयुई का साथ मिला उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और जो गुरुजनों का आशीर्वाद रहा उससे अभी काम करने में मजा आ रहा है बहुत ही, और काम भी बहुत आसानी से होता है। तो मैं सबसे पहले सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगा ताकि उनका आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बना रहे। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों अभी लॉकडाउन में काफी सारे कोर्सेज हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हम भी अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं। तो एक चीज मैंने रियलाइज की कि किसका जो कई लोगों का काम बहुत अच्छा होता है बट कई लोगों का नहीं होता है, तो कई लोगों का काम अच्छा क्यों होता है। मैंने जो 30 लाख की सेल की बात बोली पारस भाई ने, वैसा ही एक मैं किस्सा आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक एसएमएस मेरे पास मिला था, मुझे छोटा सा एसएमएस था, कोई ज्यादा बड़ी उसमें टेक्निक की बात नहीं थी, बट मैसेज ऐसा था कि सेव रुपीज 5000 फॉर 12 ईयर्स एंड गेट रुपीज 25 लैक्स एंड ए लाइफ फंड ऑफ रुपीज 12 लैक्स फ्री फॉर द फैमिली। एक छोटा सा एसएमएस आया था मेरे पास और मैंने मेरे एक दोस्त के साथ शेयर किया था वो एसएमएस। तो मुझे एसएमएस मुझे बहुत पसंद आया और मैंने मेरे क्लाइंट्स को सबको फॉरवर्ड कर दिया था वो मैसेज, और मैंने मेरे दोस्त को भी बोला कि तू भी अपने क्लाइंट्स को सारे को फॉरवर्ड कर दे, बट उसको उस पे उस मैसेज पे इतना विश्वास नहीं हुआ और उसने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया। जब एक महीना बीत गया तो हमने देखा कि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 30 लाख से ऊपर का एनुअल प्रीमियम उस मैसेज के थ्रू आया, लोगों ने काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और मेरी 30 लाख से ऊपर की पॉलिसी कंप्लीट हुई, यानी एक एमडीआरटी मेरा सिर्फ एक महीने में एक एसएमएस की बदौलत हुआ। क्या बात है। इसे कि आइडिया हमें बहुत सारी मिलती है, कोर्सेज करते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो, बट उस आइडिया पे जब तक हमको बिलीफ नहीं होता है तब तक वो एक्शन काम नहीं करता। तो बिलीफ होना बहुत जरूरी है, तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी एक आइडिया को हम अगर बिलीव करके उस पर एक्शन ले तो काम जरूर होगा। तो ये एक अच्छा सेल मेरा हुआ एक्सपीरियंस। एक और जैसे बात बताना चाहूंगा इसमें कि मैं कैसे सेल करता हूँ। जनरली मेरी जितनी भी पॉलिसी होती है उसमें से 90% पॉलिसी मेरी ऑफिस पे होती है। मुझे घूम घूम के पॉलिसी बेचना थोड़ा कम पसंद है, मैं कम जाना चाहता हूँ, और कहीं किसी को बाहर अगर अप्रोच भी किया तो ऐसा चाहता हूँ कि वो मेरी पॉलिसी में ऑफिस में आके प्रपोजल साइन करे, और वैसा ही अभी हो रहा है। मतलब लॉकडाउन में भी जो मेरी सेल हुई है मैंने लोगों को बोला कि आप एक बार ऑफिस में आइए, तो जब ऑफिस में आते हैं तो उससे काफी फर्क पड़ता है उनका, 50% सेल तो ऐसे ही क्लोज हो जाती है। तो जैसे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप नई पॉलिसी लेंगे क्या, आप नई पॉलिसी जब भी कोई पॉलिसी होल्डर आता है मेरे पास वैसे ही ऑफिस में दूसरी सर्विसिंग इशू के लिए, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपकी जो पॉलिसी है इसमें अगर आप मैच्योरिटी को बढ़ा के लेना चाहेंगे क्या, तो लोग बोलते हैं कि ऐसा भी होता है क्या, मैं मैच्योरिटी को बढ़ा सकता हूँ क्या। जैसे समझ लीजिए उन्होंने कोई पॉलिसी ली हुई है चाइल्ड एजुकेशन के लिए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि इसमें जो पैसे मिलेंगे आपको 4 या 5 लाख रुपया उससे आपको चाइल्ड एजुकेशन का पर्पज फुलफिल हो जाएगा क्या, तो बोलते हैं कि उतने में तो नहीं होगा, तो आप इसको बढ़ा के लेना चाहेंगे क्या, तो जनरली लोग बोलते हैं कि हाँ बढ़ाना चाहेंगे। तो ठीक है हम इसको आप थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो आपको थोड़ा सा पैसा और ज्यादा देना पड़ेगा इस महीने से।
तो बोलते वो मुझे जनरली पूछते हैं कि पॉलिसी अलग होगी या यही बढ़ेगी। मुझे नहीं, पॉलिसी अलग होगी बट आपको पैसे एक साथ ही मिल जाएंगे, जो मैच्योरिटी आएगी आपकी वो एक साथ आएंगे। तो लोगों को नई पॉलिसी करने में जो हमको ऑब्जेक्शन आते थे बट मैच्योरिटी बढ़ा के लोग होने से वो ऑब्जेक्शन कम आते हैं। एक दूसरा मेरा ऐसा है, मुझे काफी सेल होती है मेरी। तीसरा एक जो हेल्थ इंश्योरेंस, आज का जो अभी करेंट सिनेरियो में हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बहुत बड़ी है, अवेयरनेस लोगों में बढ़ा है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, बट कुछ ऑब्जेक्शन हमको मिलते रहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में जनरली दो ऑब्जेक्शन आते हैं। एक तो बोलते हैं कि भैया पैसा वापस नहीं मिलेगा, जनरली लोगों का रहता है कि पैसा वापस नहीं मिलेगा। दूसरा ऑब्जेक्शन रहता है कि मुझे तो लाइफ टाइम देना पड़ेगा पैसा, कि भाई मैं जब तक रहूंगा तब तक देना पड़ेगा क्या? क्योंकि जनरली इंश्योरेंस का माइंड सेट ऐसा होता है कि आपको 10 साल 15 साल या 20 साल, या लोग पूछते हैं कितने साल देना है, हम बोलते हैं कि लाइफ टाइम रिन्यूअल है, तो बोलते हैं लाइफ टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला। मैं मेरे कस्टमर्स को बोलता हूँ, अगर हेल्थ इंश्योरेंस की जिससे बात करता हूँ, कि अगर आप कभी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी और आपने अपना ट्रीटमेंट लिया, तो डॉक्टर को समझ लो 4 या 5 लाख का बिल आया, आपने डॉक्टर को पेमेंट कर दिया, तो वो डॉक्टर आपको वापस पैसे कब देता है? तो बोलते हैं ये क्या सवाल पूछ रहे हो, डॉक्टर तो कभी भी पैसा वापस नहीं देता, उसको तो जो दे दिया वो गए। तो मैं कहता हूँ अच्छा आप ऐसा कर सकते हो क्या कि एक पैसा आप ऐसा मेडिकल फंड के लिए मेरे पास रख दो, से 5 लाख रुपए आपने रख दिए, आपको जिंदगी भर और कभी पैसा नहीं देना है, आपको पैसा मेरे पास सुरक्षित रहेगा और आपको जिंदगी में जब भी हेल्थ की इश्यू आएगी या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी वो आपको फ्री में मिलेगा, और आपके बाद ये 5 लाख रुपए भी आपकी फैमिली को वापस मिल जाएंगे, तो कैसा रहेगा? तो जनरली लोग कन्वर्ट हो जाते हैं कि जी चलो एक बार अगर एक फंड अलग से रख दिया तो मुझे हर साल प्रीमियम देने के भी चक्कर नहीं है और मुझे वो पैसा वापस भी मिल जाएगा। तो उसी के इंटरेस्ट से या उसी की पेंशन से जो अच्छे में अगर कुछ पैसे डालते हैं या कहीं पे एफडी में डाल देते हैं तो उस पैसे से वो हेल्थ इंश्योरेंस उनका चलते रहता है। तो ये एक मैं सेल करता हूँ ऐसे, मतलब काफी लोग। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन अक्षय, जीवन शांति, सिंगल प्रीमियम और उसी के पेंशन से उसका हेल्थ इंश्योरेंस का, बहुत बढ़िया। हेमंत भाई, आपने लास्ट टाइम गुवाहाटी के एडवांस कोर्स में एक शेयर किया था एप्स के बारे में, ये जो LIC का ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम है उसके बारे में, तो वो बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट था, तो वो हमारे दोस्तों को बताइए ताकि सबका फायदा। हाँ हाँ, मुझे ये जो आपने अच्छा याद दिलाया पारस भाई, धन्यवाद। मुझे ये एप्स जो सिस्टम है मुझे बहुत ही पसंद आया था ये, क्योंकि मैंने एक इकोनॉमिक टाइम्स में एड देखा था कि LIC ने LIC म्यूचुअल फंड के साथ मिलके एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें प्रीमियम अपने आप ही कट जाती है, अपने आप एडजस्ट होगा। मुझे ये बहुत ही पसंद आया और आज के डेट में मेरे 70% क्लाइंट्स का प्रीमियम ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम से कटता है। एप्स मतलब APPS, ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम, बहुत ही लाजवाब सिस्टम है दोस्तों। काफी लोग इसको यूज कर भी रहे होंगे बट जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इसे कर सकते हैं। बहुत ही आपको ये जो कल हमने एडवांस में भी देखा टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम, कि हम अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं, हमारी समय भी बचेगा और हमारे क्लाइंट्स को भी बहुत सुविधा होगी। ये एक ऐसा सिस्टम है, समझ लीजिए कोई भी मेरे पास जब पार्टी आता है, मेरे पास प्रीमियम पॉइंट भी है, प्रीमियम पॉइंट में कोई भी प्रीमियम देने आता है तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपकी कितनी पॉलिसीज हैं, तो जनरली 3, 4, 5 पॉलिसी की सीखी होती है। अच्छा, कोई पॉलिसी क्वार्टरली मोड में होती है, कोई हाफ ईयरली, कोई ईयरली, ऐसे अलग अलग मोड में होती है। किसी का DOC दिसंबर पे होता है, किसी का जनवरी, किसी का मार्च, ऐसे अलग अलग टाइम में उनका प्रीमियम रहता है। तो कस्टमर को ये एक ऐसा होता है कि प्रीमियम याद रखनी पड़ती है कि प्रीमियम कब देना है, कितना देना है, वो चक्कर आता है। एक दूसरी कस्टमर प्रॉब्लम फेस करता है, बहुत सारे कस्टमर्स की पॉलिसीज मार्च महीने में होती है या दिसंबर के महीने में होती है, क्योंकि उस समय एजेंट लोग बाहर ज्यादा निकलते हैं हम लोग और हम ज्यादा पॉलिसी सेल करते हैं, तो उनका प्रीमियम का लोड जो है इन कुछ महीनों में ज्यादा होता है, जबकि अप्रैल मई जून वगैरह में प्रीमियम की लायबिलिटी नहीं आती। तो एक ऐसा सिस्टम है कि आपकी अगर 10 पॉलिसीज हैं और 10 का टोटल एनुअलाइज प्रीमियम अगर 60,000 रुपए है, 60,000 रुपए आपने सालाना प्रीमियम दे रखा है, देना है आपको, तो उसमें डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 5,000 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक टेम्पररी अकाउंट में कट जाएंगे। ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम बोल के अकाउंट एक है, उसमें आपके 5,000 रुपए हर महीने जमा हो जाएंगे और उस अकाउंट में जो पैसे रहेंगे उसमें जितनी भी पॉलिसी उनकी रहेगी वो रजिस्टर्ड रहेगी। जब भी उसका प्रीमियम ड्यू आएगा वो उसी डेट पे प्रीमियम एडजस्टमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट होने के बाद विद इन 2 डेज उनको रसीद भी मेल में आ जाती है।
तो अभी लॉकडाउन के पीरियड में मैंने बहुत बड़ा फायदा देखा कि मुझे मार्च 28 की प्रीमियम, अप्रैल की प्रीमियम, मई की प्रीमियम, इवन जून की प्रीमियम, मुझे किसी को इंटीमेशन भी नहीं देना है क्लाइंट्स को, मुझे मंगवाना भी नहीं है कैश या चेक, और मुझे उनको रिसीट भी डिलीवरी नहीं करनी है। तो ये घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से प्रीमियम कलेक्शन का काम हो जाता है और हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। एक और बहुत सारे दोस्तों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि ट्रस्टेड एम्प्लॉय नहीं मिलते, पैसे लेके कभी भाग जाते हैं या वैसा करते हैं, तो उससे वो भी एक सुविधा मिल जाती है। और कस्टमर को ये आराम होता है कि उनको एक हैबिट हो जाती है कि हर महीने इक्वल पेमेंट देना है, ईएमआई बन जाती है। तो एक ही काम को जब ये बार बार होता है वो, तो उनको 6-7 महीने में एक आदत हो जाती है कि ये पैसा मेरा इतनी तारीख को ये पैसा कटेगा और प्रीमियम का उनको झमेला नहीं रहता। तो इस तरह से उनको भी बहुत, कस्टमर्स को आराम होता है और हमें भी बहुत सारा टाइम बच जाता है और हमारा आराम होता है। और एक चीज करते हूँ मैं कि समझ लीजिए उनका 60,000 रुपया प्रीमियम है तो 5,000 रुपया आ रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई साहब आप थोड़ा सा इसको 6,000 करके कर दे क्या, कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा जमा होते रहेगा, या 7,000 कर दे क्या। तो एक तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ था, एक पार्टी का 12-13,000 रुपया महीने का किस्ती आ रही थी, तो रिस्क क्लाइंट था, तो मैंने बोला कि इसको मैं 20,000 कर देता हूँ महीने का डिडक्शन। तो बोले कि हाँ ठीक है कर दो। मैं बोला काम करते हैं ना 25 ही कर देते हैं, तो वो 25 में भी एग्री हो गए और जो एक्स्ट्रा पैसा जमा हो रहा था उसकी मैंने नई पॉलिसी बना दी थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो 2-4-5,000 रुपया एक्स्ट्रा जमा करवाने के लिए कभी हेजिटेट नहीं करते, मतलब उनको आरडी या ईएमआई बोलेंगे तो करवा लेते हैं, पॉलिसी बोले तो थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी यार नहीं नहीं, नहीं अभी रन तो बहुत है। तो इससे भी मेरा काफी मुझे आराम होता है काम करने के लिए। अच्छा हेमंत भाई, ये एप्स किसके पास रजिस्टर्ड होता है आपका? LIC म्यूचुअल फंड के पास। हाँ, LIC म्यूचुअल फंड में फोलियो खुलता है। यस। और जो क्लाइंट का बैंक अकाउंट है उससे उस लिक्विड फंड में पैसा जाता रहता है हर महीने, और वहां से फिर पॉलिसी प्रीमियम अपने आप एडजस्ट हो जाता है। यस, तो लिक्विड फंड होने की वजह से ज्यादा रिस्की फंड भी नहीं है वो। रिस्की फंड भी नहीं है, और कभी कभी उसमें भी आता है ना 7%, 6% उस लिक्विड फंड में। हाँ, सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट उनको मिलता है उसमें। यस, वो भी एक फायदा उनको होता है। पैसों के ऊपर इंटरेस्ट भी आ गया, आम के आम गुटली के दाम। बिल्कुल, तो प्रीमियम कट के भी गया और कुछ बैलेंस भी बढ़ती है, तो वो धीरे धीरे एक अच्छा फंड भी बढ़ता है उनका वहां पर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और जो ज्यादा बड़ा है उसके ऊपर और एक नया पॉलिसी आप निकाल लेते हो, जैसे वो 25,000 वाले का निकाल लिया। हाँ, वैसे करता हूँ। एक चीज और करता हूँ मैं। यस, जैसे पहले ऐसा होता था कि कोई भी लोन जब लेने आता था मेरे पास, तो हम लोग जैसे लोन के लिए पूछते हैं लोग कि आप पेमेंट कैसे करोगे, तो हम बोलते हैं कि 6 महीने आपको इंटरेस्ट 6-6 महीने में देना है और प्रिंसिपल जैसे आपको सुविधा हो वैसा दीजिए। बट अब मैंने ऐसा बोलना छोड़ दिया है जब से मैंने ऐप शुरू किया है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप रीपेमेंट कैसे करोगे, सबसे पहले मुझे ये बताओ आप कितना रीपेमेंट करोगे और कैसे करोगे। तो समझ लीजिए पार्टी ने 1,00,000 का लोन लिया है, तो मैं बोलता हूँ कितना करोगे, बोले 5,000 रुपये हर महीने पेमेंट करेंगे। क्योंकि जब भी क्लाइंट बैंक से या कहीं और से लोन लेता है तो वो लोग ईएमआई हाथों हाथ बांध ही देते हैं, तो मैं LIC के लोन के लिए भी ईएमआई हाथों हाथ बांध देता हूँ कि 5,000 रुपये का ईएमआई। तो बहुत सारे क्लाइंट्स का ऐसा हो रहा है मेरा भी कि उनकी ईएमआई खत्म हो गई है, लोन रीपेमेंट हो गया है, बट वो सेविंग चल रही है, उनको हैबिट हो गई है, बोलते कि नहीं जलने दो, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, अभी आदत हो गई है इसको, तो वो लोन से भी फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है पैसा। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया हेमंत भाई, थैंक यू वेरी मच। दो क्लाइंट्स का जब मार्च में मार्केट फॉल हुआ था तो मैंने देखा 10,00,000 से ऊपर उनका लिक्विड फंड में पैसा पड़ा हुआ था और वो कन्वर्ट करवा दिया, जो अभी 3 महीने में 25% का रिटर्न भी मिल गया उनको। बढ़िया। कस्टमर को लिक्विड फंड वहां पे रहता है, तो जो पैसे नहीं है बोलते थे कस्टमर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि आपको तो पैसा पड़ा हुआ है, आपको देना नहीं है, प्रीमियम देना ही नहीं। गुड हेमंत भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्पीकर जो है जिनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, अहमदाबाद से है और मयूर शाह नाम है उनका। 2006 से एजेंसी लिया है और 2006 से बेसिक, फिर बाद में 2008 में IOE कंटिन्यू ज्वाइन किया और 2009 से नॉन स्टॉप MDRT कर रहे हैं। 2 बार उन्होंने COT इंट्रोड्यूस किया है और कॉरपोरेट ऑफिस लेके आज की तारीख में अहमदाबाद में बहुत ही बढ़िया अच्छा स्टाफ, यूनिफॉर्म, आई कार्ड और ISO सर्टिफिकेट के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे मयूर शाह जी को मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा। मयूर शाह जी, अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग यहाँ पे प्रस्तुत कीजिए प्लीज। मयूर शाह जी, थैंक यू सर, थैंक यू।
बस सेलिंग टूल्स यहाँ पे बताने हैं मयूर शाह जी। हाँ जी, एक मेरा लास्ट में जो मैंने सेल किया मार्च एंडिंग के पहले की बात है, तो मेरे अच्छे क्लाइंट है, अननोन क्लाइंट है, कोल्ड कॉलिंग से वो कनेक्ट हुए थे, लेकिन 3-4 साल थे, साल से कनेक्ट थे, तो लास्ट में मैंने उनको इनकम कंटिन्यू के हिसाब से जीवन उमंग प्लान प्रपोज किया। अच्छा, वो विस्तृत से समझाइए, पर्टिकुलरली कोई कंसेप्ट जो है ना, वो कंसेप्ट आपको बताना है, क्या बात हुई है शॉर्ट में। मैंने उनको सर बताया कि देखिए सर, जीवन की 3 वास्तविकता है, जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा। जन्म और मृत्यु में तो हम लाचार हैं, लेकिन बुढ़ापे को हम सुरक्षित कर सकते हैं इनकम कंटिन्यूटी प्लान के द्वारा। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया कि बताइए क्या है, किस तरह है। तो मैंने उनको बोला कि सर देखिए, जैसे एक दिन ऐसा आएगा कि हम काम नहीं कर पाएंगे। अब जिस बुढ़ापे के जंगल में, जिस बुढ़ापे के जंगल में हमें सारी जिंदगी रहना है, उसको हम सुंदर बगीचा यानी उपवन भी बना सकते हैं, डिपेंड है हमारे ऊपर। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे करेंगे। मैंने उनको बोला कि सर अगर आप खाली हर महीने 50,000 मुझे हर महीने 50,000 दे दिया करे, 15 साल के बाद आप जियोगे तब तक मैं हर महीने 50,000 आपको देता रहूंगा। तो उनको थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं, बात तो सही है। तो लेकिन मयूर भाई, हर महीने 50,000 बचाना थोड़ा ज्यादा लग रहा है। मैंने बोला सर आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन LIC को भी मौका दो कि वो आपको दे रही है कि नहीं दे रही है। शायद उनको भी ज्यादा लगे कि इनको इतना बीमा नहीं देना चाहिए, इनको इतना बड़ा प्लानिंग नहीं करवाना चाहिए। आपके रिटर्न, 3 साल के रिटर्न लगेंगे, हेल्थ, एज, सब फैक्टर काम करते हैं, और उसके साथ आपका नसीब भी होना चाहिए। तो उनको लगा कि नहीं, शायद मिले नहीं मिले, लाओ एक बार ट्राई करते हैं। तो हुआ ऐसा कि सही में कम पास हुआ। तो फिर कम पास हुआ तो पैसे तो पड़े थे, तो मैंने उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां थी, तो मैंने उनको समझाया कि देखिए सर, आपने 35,000 ही मंथली पास हुआ है। सोचिए, मैंने पहले ही दिन आपको बोला था कि आपके एज, आपका इनकम प्रूफ और आपकी हेल्थ, ये 3 मैच होनी चाहिए, और उसके साथ आपका नसीब भी होना चाहिए। तो अगर कम पास हुआ है तो उसके पीछे भी कुछ वजह होगी। तो बोले कि ऐसी क्या वजह होगी सर, देखिए आपकी 2 बेटी है, आप इतना पैसा कमा रहे हो, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन बेटी जब ससुराल जाएगी, दोनों बेटी, तो लाइफ टाइम उनको क्या मिलेगा। तो बोले कुछ नहीं। तो मैंने बोला सर एक प्लानिंग ऐसा कर लीजिए कि हर महीने 10,000 दोनों को मिलता रहे जिंदगी भर। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप बोलते हो तो कर लेते हैं। तो फिर उस तरह से दोनों बेटी का भी 10,000 महीने लाइफ टाइम गिफ्ट मिलते ही रहे हर बर्थडे पे, उस तरह का प्लानिंग करवाया। बढ़िया, ग्रेट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कम पास हुआ है तो वो रिफंड नहीं करना है। वहां पे घर में जितने भी दूसरे सदस्य है, जितने भी पढ़के या लड़की या लड़का, उनके आयोजन के लिए उनका प्लानिंग लेके वहां से दूसरा प्रीमियम निकाल सकते हैं। बढ़िया मयूर जी, दूसरा कोई सेलिंग टूल्स आपने लॉकडाउन में भी अच्छा काम किया है, और रिसेंटली आपने MDRT भी कंप्लीट किया है इस साल का। यस, नेक्स्ट शेयरिंग सर। ये जो MDRT होता है, MDRT होता है, या COT प्रपोज होता है, तो कहीं ना कहीं आप सब जानते हो कि कंटिन्यूस एजुकेशन और ट्रेनिंग का ही प्रभाव रहता है, और सालों से LIC में तो जन्म लिया, लेकिन वो मुकेश सर बोला करते थे कि एक होते हैं गार्डियन और एक होते हैं माता। तो हमने जन्म तो ले लिया, लेकिन IOE का रोल तब से शुरू हो गया कि हमको भी किसी ने हाथ खींच के यहाँ पे बुला लिया। तो उसी वजह से ये सब काम हो रहा है। तो एक दूसरा सेलिंग जो है, आगे वाला सेलिंग एक बता रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट ने उनके फ्रेंड को मस्कत में, दुबई में फोन करके बोला था कि तू जब भी आए तब मयूर शाह से मिल लेना। तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, नंबर लेके वहां से ही उन्होंने मुझे फोन किया कि सर आपका नंबर आपके क्लाइंट ने मुझे दिया है और मैं इंडिया आ रहा हूं, तो आप कब मिलेंगे, कौन से टाइम पे मिलेंगे, तो हम बैठ के कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करें।
तो हम दोनों ने प्रॉपर समय पसंद करके एक मीटिंग की। तो मीटिंग में उन्होंने मुझे पहले ही बताया कि देखिए मेरा मकसद है कि हर महीने 1-1.5 लाख रुपया मुझे SIP में डालना है। तो मैंने उनको बताया कि सर कोई वादा नहीं, कर देंगे, फिर आगे बोलिए। तो उन्होंने बोला कि सर और एक अच्छा टर्म प्लान लेना है। मैंने बोला कि सर ओके सर वो भी हो जाएगा। अब आगे फिर एक मेडिक्लेम लेना है। मैंने बोला हो जाएगा सर आगे। तो उन्होंने बोला सर आगे अब आप बताइए। मैंने बोला सर देखिए मैं डॉक्टर हूँ, आप दर्दी हो, और ये जितने भी प्लान है, फिर मेडिक्लेम हो, SIP हो, लाइफ इंश्योरेंस है, सब दवाई है। अब दर्दी ही डॉक्टर को बोलेगा कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो ये कितनी कितनी रिजनेबल बात होगी। तो बोले नहीं बात आपकी सही है, तो फिर मुझे मौका दीजिए मैं कुछ सजेस्ट करूँ। तो उन्होंने बोला बोलिए सर क्या आप क्या बोलते हो। मैंने कहा कि सर देखो SIP में अगर आप 1-1.5 लाख, 2 लाख डालोगे तो ठीक है, मैं भी करता हूँ, SIP नहीं करता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन उसका एक स्टेप आता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फाइनेंशियल स्टेप के हिसाब से आपको ऊपर जाना चाहिए। तो जैसे SIP में आप इसलिए इंटरेस्टेड हो कि 2 पैसा मुझे ज्यादा मिलेगा। तो सर 2 पैसा ज्यादा कैसे मिलेगा वो बिजनेसमैन को समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हो कि बिजनेस में कैसे 2 पैसा ज्यादा कमा लिया जाए। लेकिन मेरी बात यह है सर कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप काम नहीं कर पाओगे, तब SIP में कितना पैसा होगा, कितना कम होगा, कितना बढ़ेगा, आपको और मुझे पता नहीं है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले ही दिन से पता चल जाए कि जब मैं काम नहीं करूंगा तो हर महीने मुझे 1.5-2 लाख आएगा आएगा और आएगा ही, और जब नहीं रहूंगा तो 5-10-15 करोड़ वारसदार को मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई हो सकता है। मैंने कहा सर श्योर हो सकता है। बस उसी बात से मैंने उनको जीवन उमंग प्लान प्रपोज किया कि हर साल आप 2 लाख रुपया भरो, हर महीने आप 2 लाख रुपया सेविंग करो, हर महीने 2 लाख रुपया आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो ऐसे करके उन्होंने 22.5 लाख रुपया मुझे प्रीमियम दिया और वो पास भी हो गया। वाह ग्रेट, 22 लाख, 22.5 लाख प्रीमियम SIP के साथ में बात करके रेगुलर बेस पे, बढ़िया। सो थैंक यू मयूर जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। हमारे पास बेंगलोर से सुबोध पंडित जी है और उनको उनके डेवलपमेंट अभी चंदन कुमार ने IUA में इंट्रोड्यूस किया था। 13 टाइम MDRT है, 2 टाइम MDRT है एंड क्वालिफाई MDRT दिस ईयर। ये साल का COT ऑलरेडी उन्होंने प्रपोज कर दिया है दोस्तों, हाईएस्ट पॉलिसी सोल्ड एक ही साल में उनको 781 पॉलिसी, दोस्तों 781 पॉलिसी किया एक ही साल में। 3 ODC, 3 ODC का मतलब 1 day centurion, एक ही दिन में 100 पॉलिसी, ऐसा उन्होंने 3 दफे किया है। इंस्पायरिंग सेल्स सुबह जी खुद बताएंगे। सो पहले प्रणाम गुरुजनों को, और ये सौभाग्य है कि बहुत दिनों की सपना आज पूरा हो रहा है। सर मैं 2009 से IUA में जुड़ा हूँ और जब से जुड़ा हूँ एक छोटी सी कहूंगा, और दीपक सर, मुकेश सर, अमोल सर तो साथ में ही है, कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, कॉम्बिनेशन प्लान से आज बहुत कुछ कर रहा हूँ। सर मैं 2009 में IUA को जुटा हूँ और तब से तो मैं उससे पहले ये बताता हूँ, IUA रास्ता दिखाने वाले हमारे गुरु भाई, बड़े भाई के रूप में हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं चंदन कुमार, उनको पहले नमन करता हूं, और उनकी थोड़ा हेल्थ भी अच्छा नहीं है, इसलिए वो आप लोग का भी आशीर्वाद चाहिए ताकि वो अच्छे हो जाए। सर 2009 से मैं IUA जुटा हूं। एक छोटी सी बात बताऊंगा, जब से मैं IUA में जुटा हूं हर साल मेरी ग्रोथ हो रही है, और मुझे एक CC में दीपक सर का बहुत अच्छा लगा, बोला कि पहले कुछ डिजायर है तो ले लो, इसके बाद उसको सोचो। जब पहले मुझे मोटरसाइकिल था, इसके बाद में मारुति लिया था, उसी समय सर से कनेक्ट हुए थे, और इसके बाद डिजायर लिया था 5 मिनट में, और 3 मिनट में ब्रिजा कार लिया था। और जिस फ्लैट में अभी मैं इस फ्लैट में हूँ सर, 30 सेकंड में 40 लाख का फ्लैट भी लिया हूँ। ये सब आप लोगों का कृपा है, देन है, बहुत अच्छा चल रहा है सर, आप लोगों का ब्लेसिंग है। सर मैं अब कुछ शेयरिंग की बातें करता हूँ। मैं आज के दिन में एक बेंगलोर में जाना जाता हूँ 199 में करोड़पति,
ये शेयरिंग बहुत ही इम्प्रेसिव है। मैं बहुत सारे सोशल में जुटा हूँ और जहां मुझे वक्त आता है तो 199 यू सेव मिलियन में क्यों करोड़पति, ये डायलॉग से आज लोग जो है बोलता है करोड़पति आ गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं और ये सक्सेस स्टोरी इसका है कि मैं जहां जहां इस चीज को दिया हूं, मैं हाईएस्ट प्रीमियम 27,000 रुपया पर मंथ भी लिया हूं। ये है सर, ये जो मैं आईओसी से सीखा हूं, दो चेक का फंडा है, एक में 1 करोड़ लिखता हूं और एक में प्रीमियम लिखता हूं 200, 300, 500 पर डे का। लाइव देता हूं क्लाइंट के हाथ में, उस पहले उसको आंख बंद करवाता हूं और इसके बाद बोलता हूं कि आप बंद करो, मैं आपको कुछ आपके हाथ में गिफ्ट देने जा रहा हूं। तो बोलेगा क्या है, मैं बोलता हूं ये दो चेक उसके हाथ में, बोलता हूं इसे करो, फिर हाथ में देता हूं और इसके बाद ओपन करता है। तो मैं बोलता हूं आप पढ़ो क्या लिखा है, तो सर एक में 1 करोड़ है, उसको फ्रंट में रखता हूं और दूसरा है 500 रुपया का पर डे, ये नीचे लिखता हूं। सर आपको अगर ऑप्शन दे कि आपको एक सा चेक रखना है और बिना साइन किया हुआ है और बिना नाम का है, तो आप कौन सा रखेंगे, तो बोलते हैं कि नहीं मैं तो 1 करोड़ का रखूंगा। सर ये आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, ये मेरे लिए। और ऐसे कॉन्सेप्ट में दोस्तों मैंने बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट पे सेल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा यूज हो रहा है सर। ग्रेट सुबोध, सो फैंटास्टिक, थैंक यू सर। करोड़ की पॉलिसी कैसे बेचना, फैंटास्टिक। यस सर, यस सर। सर दूसरा और एक है जो बहुत सारे हमारे भाई सरों को ये हेल्प होगा, फॉलो। मैं फॉलो के नाम से भी अच्छे तरह जाना जाता हूँ सर। जैसे अगर मीटिंग किया, वो बोलता है कि नहीं मुझे इस महीने में मिलो, तो उस महीने में वो डेट में मैं डेट भी पूछ लेता हूँ और उसी दिन उनको कॉल करता हूँ। आज से पहले गूगल कैलेंडर नहीं था तो मैंने इस कैलेंडर को यूज करता था और आज भी करता हूँ। ये पॉकेट डायरी है सर, उसके सामने लिखने से उसको एक कमिटमेंट होता था और उसको मैं फॉलो करता था। और आज गूगल के कारण उससे भी मुझे बहुत सारे क्लोज हुए हैं सर, क्योंकि हम पक्के हैं, वादे हैं, तो उनको सामने वाले को मिलना पड़ता है। दूसरा है सर, उसको भी लगता है सिंसियर एजेंट है, कमिटेड एजेंट, और हम भूल भी नहीं जाते। यस, वेरी प्रैक्टिकल थिंग। यस, आपके मोबाइल पे भी रख सकते हैं, लेकिन जो भी यूज करो, बट वी हैव टू शो सिंसियरिटी। तो हम दोस्तों को कुछ देना चाह रहे हैं। दूसरा है सर कि मैं बात करता हूँ मंथली में, प्रेजेंट करता हूँ ईयरली में, और उसी दिन क्लोज करता हूँ ईसीएस में। वाओ, ये टेक्निक मैं देना चाहता हूँ। मैं बेंगलोर में हाईएस्ट ईसीएस का क्लाइंट मेरे पास है सर। गुड गुड। तो ये कैसे होता है, देने के बाद उनको बोलते हैं देखो सर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, ये प्लान अच्छा लगा, तो आपको 4 ऑप्शन है पे करने का। अगर आप ईयरली पे करते हैं तो कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट अच्छा लगता है सुनने में, लोग ले लेते हैं। दूसरा नहीं है तो 6 मंथ्स में कीजिए, नहीं है तो क्वार्टरली कीजिए, नहीं है तो मंथली में स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 2 महीना का देना है और आज से आपका लाइफ कवरेज चालू होगा। एंड इट्स फैंटास्टिक गोइंग वन सर, मेट्रो सिटी में ईसीएस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक और सेलिंग का आइडिया बनाना चाहता हूँ सर। रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत बड़े हम लोगों के इंडस्ट्री में काम करता है। और एक हमारे क्लाइंट थे जो पिछले 9 ईयर से मुझे मिल रहे थे और उनको मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, और 9 ईयर्स के बाद उन्होंने 3 लाख का प्रीमियम घर बुला के दिए। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। कभी कभी हम लोग को क्या लगता है कि नहीं यार इतना दिन से मिल रहे हैं, वही देवीलाल जो ऑलरेडी मैं आईएसी से सीखा हूँ सर, जो भी सीखता हूँ थोड़ा थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, अच्छा हो रहा है। और एक गुड न्यूज अभी का बताता हूँ सर, अभी फर्स्ट इनिंग के बाद सेकंड में 3 लाख का प्रेजेंटेशन 2 बच्ची के लिए दे के आया हूँ 1 घंटा में, एंड इट विल बी हैपन। अरे वाओ, थैंक यू सर, ये आप लोगों का आशीर्वाद है सर। अभी आपने इमीडिएटली कुछ 8 लाख का प्रीमियम लाया ये हफ्ते में? आ रहे हैं सर। पहले मैंने सर्विसिंग में MWP एक्ट सुना हूँ डिटेल, उससे पहले सुना था लेकिन डिटेल नहीं हुआ था। तो बिल्डर और डेवलपर को सबसे ज्यादा वरीड है, तो इंसान को उसी को ज्यादा वरीड है। ये वो ऑलरेडी 5 ईयर से फॉलोअप चल रहा था, क्या इंश्योरेंस बिड़ोपा ऐसे। मैं गया कि सर आज कुछ सीरियस आपसे बात करना चाहता हूँ, बिड़ोपा या नहीं दे। मैं बोला अकेला नहीं बोलूंगा, चूंकि 5 साल का रिलेशन बन गया था तो अकेला नहीं बोलूंगा, एक काम कीजिए आप मिसेस को बुलाइए, और उसका एक राइट हैंड है पर्सन, वो सीए का काम करता है उसके घर पे, उसको भी बुलाइए। तीनों को बुलाए बैठे, हम बोले सर ये जो आज मैं बता रहा हूँ ये यूनिक चीज है और शायद आपको पसंद लगेगा, आप परमिट करें तो मैं बोलता हूँ। बोले बोलो
सर आपको पता है कि बहुत सारे जो है सीजेस होता है, बैंक सीलिंग कर देता है, उसमें परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन हम ऐसे पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो कोई भी कानून ने अभी तक बनी है इंडिया में जो आपके ये पॉलिसी को सीज कर सकता है और वो बेनिफिट आपके फैमिली को मिलेगा। बोलो बोलो क्या है? एंड 5,09,000 की मैंने वो भुला करके चेक दिए सर, जिसे थैंक्स गो टू आईओई कि आज इतना कॉन्फिडेंस और ये सब बातें करने की हिम्मत आ रहा है सर, आप लोगों से सीख रहा हूँ। ये हुआ है सर, क्लोज हो गया है, अभी प्रोसेस चल रहा है, हो जाएगा सर। दूसरा एक और टाइम मैनेजमेंट का मैंने कल सीखा हूँ और मैं सोचा कि थोड़ा सा जो मैं यूज करता हूँ, मुकेश सर कल बताए थे एडवांस कोर्स में, तो लोगों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। फ्रेंड्स, कितने लोगों की वाइफ जो है आप दिन रात करते हैं लेकिन वाइफ को नहीं पता है कि वो आपको क्या सपोर्ट कर सकता है, और टाइम मैनेजमेंट में अगर बैकअप ऑफिस की काम अगर उनको सिखा दें और उनको ये बोलें कि या अगर हम ये काम दूसरे से करवाएंगे, अगर यही काम आप कर देते हो 2 घंटा 1 घंटा लगेगा तो मैं आपको सैलरी भी दूंगा। फ्रेंड्स, फैंटास्टिक इज रनिंग टूडे, आई एम गिविंग माई वाइफ टू 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी क्रेडिटिंग टू हर अकाउंट। ऑफकोर्स हम ही लोग यूज करते हैं, बट यू कैन यूज योर स्ट्रेंथ। क्या फायदा होता है मैं आप ये बताता हूँ सर। कोई भी पॉलिसी कोई भी क्लाइंट के पास बैठा होता हूँ तो अगर वो पॉलिसी की डिटेल जाननी है तो क्या बोलता है कि सर ये पॉलिसी देखिए। मैं बोला एक काम करते हैं, आप पॉलिसी डिटेल दीजिए, जब तक हम लोग बात करेंगे तब तक आपका डिटेल्स आ जाएगा, और मैं मिसेज को सब ट्रेनिंग दे चुका हूँ और आयु भी दिया हूँ, आयु में भी गया है तो वहाँ कन्वेंशनल में भी गया है, जानती है अच्छी तरह, तो वो हमको बताती है, तब तक मैं पार्टी से बात करके और बता देता हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस फ्रेंड को आ जाता है कि रात 8 बजे 10 बजे ये कहाँ से निकाल के दिया है। सो दिस विल हेल्प यू इन वंडरफुल टू डेवलप द मोर रिलेशन एंड यू कैन सेल द मोर पॉलिसी। सो दिस आर ऑल्सो ओवर सर, थैंक यू सर। सुबोध जी, आपने जो अच्छी बात की बिल्डर और डेवलपर, मैं आपको और एक बात बताऊं, ये रेरा आने के बाद सभी बिल्डर और डेवलपर को कार पॉलिसी एकदम कंपलसरी हो गया, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी, और कोई भी बिल्डर और डेवलपर के पास अगर आपको घुसना है ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर अभी मैंडेटरी कर दिया है, और उसका 5-5 लाख प्रीमियम आता है हर एक बिल्डर को, कि हम लोग MDRT करते हैं और हमारे पास कोई लेडी स्पीकर होना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास सोनाली खरोटे है, इन्होंने फ्रॉम वेरी नॉर्मल फैमिली से कमिंग, 2006 में एजेंसी लिया और IOE ज्वाइन किया, CC ज्वाइन किया 2015 में, जैसा कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया 2016 से वो MDRT करने लगे, और अभी उन्होंने बहुत एक अच्छा फ्लैट खरीदा LIC की इनकम से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सी द मास्टर ऑफ कोल कैनवासिंग। सो सोनाली को मैं बताऊंगा कि जरा अपना माइक अनम्यूट करिए और अपना शेयरिंग करिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार, मैं सोनाली खरोटे दादर मुंबई से, रिस्पेक्टेड डीओ मिस्टर आशीष बुराड़े सर जी है। सबसे पहले आयोग के सभी गुरुजनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे शेयरिंग करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए। एक्चुअली जैसे अभी सर रिस्पेक्टेड दीपक सर ने कहा ना कि मैं हाउसवाइफ होने के बावजूद भी एक्चुअली कंटिन्यू 4 साल से MDRT कर रही हूँ, इसका पूरा श्रेय मैं IOE को ही देना चाहूंगी क्योंकि कंटिन्यू एजुकेशन में हूँ उसके वजह से मैं ये कर पाई। दूसरा तो मैं एक्चुअली फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ और पार्ट टाइम में मैं LIC का काम करती हूँ। सुबह 11 से 2 बजे तक मेरा LIC का काम चलता है। जैसे कि मैं मुंबई के कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेट हूँ, उसमें कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन करने के बाद हमको मास्टरमाइंड मीटिंग दिया जाता है, टीम दिया जाता है, और उसका रूल होता है कि डेली 20 फोन कॉल करना, वीकली 18 मीटिंग करना, ये रूल सिर्फ मैं फॉलो करती हूँ। यही एक रूल की वजह से, CC की वजह से एक्चुअली मेरा हर साल, दीपक भाई को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि CC की वजह से, आपकी वजह से कंटिन्यू मैं MDRT कर पा रही हूँ क्योंकि ये रूल है और मैं सिस्टम में हूँ इसलिए। भले पार्ट टाइम में मैं काम करती हूँ तो पार्ट टाइम में मैं 11 से 2 बजे तक LIC का अपना काम करती हूँ, उसमें मैं कॉलिंग करती हूँ। ये जो 20 फोन कॉल जैसे ना, उसमें मैं बर्थडे और एनिवर्सरी विश करना, न्यू मीटिंग जनरेट करना, ये काम करती हूँ। और हफ्ते में 2 बार मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों भी वीक हफ्ते में 2 बार कॉल कैनवासिंग करते हैं, सुबह के टाइम ऑफिसेस में और शॉप्स में। उसके बाद में दोपहर को 2 से लेके 6 बजे तक मैं ब्रेक लेती हूँ।
घर में जाके खाना खाना, शाम का खाना बनाना, घर के सब काम निपटा के मैं 6 बजे मैं और मेरे हस्बैंड वापस एनबी काम के लिए निकलते हैं। उसमें हम लोग 100% कोल कैनवासिंग करते हैं, क्योंकि 2012 में मैंने अपने आईओए का एडवांस कोर्स किया था। उसमें मुझे 2 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लगे, एक तो कोल्ड कैनवासिंग जो ऑलरेडी मैं करती थी, लेकिन उसमें मास्टरी आ गई। एक्चुअली उसमें जो फॉर्म मिले अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ना, तो उसके कारण मुझे वो पता चला और फिर मैं वो कर सकी। एडवांस कोर्स का मैं मुकेश सर को सच में धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि वो रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट और कोल्ड कैनवासिंग, वो दोनों की वजह से बहुत अच्छा मेरा काम होता है। आज के तारीख में भी 100% 2012 से लेके आज तक 100% मेरा काम जो होता है वो कोल्ड कैनवासिंग के फॉर्म के ऊपर ही होता है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ एक दो सेल बताने चाहूंगी जो कोल्ड कैनवासिंग में मैंने किए हैं, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में कुछ सेल आए या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसे सेल लेकिन कोल्ड कैनवासिंग से मुझे आए, ऐसे एक दो सेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट तो जैसे मैंने अभी कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक्टिव ये कोल्ड कैनवासिंग करने जाते हैं, तो शाम के टाइम पे हम लोग एक बिल्डिंग में एक्टिविटी करने गए थे। तो जो अपना एडवांस कोर्स का जो कोल्ड कैनवासिंग का फॉर्म मिला है, तो वही फॉर्म लेके हम लोग पार्टी के पास बिल्डिंग में जाके सर्वे करते हैं। जब हम लोग क्लाइंट के पास गए थे तो वो फॉर्म दिखा के उनका फैक्ट फाइंडिंग करके फिर वो सर्वे कम्प्लीट करते, उनका नाम नंबर लेते। ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड फ्लोर पे हम जब गए तभी एक डॉक्टर पार्टी हमको मिली, उनका भी हमने सेम एडवांस कोर्स का अपना कोल्ड कैनवासिंग का फॉर्म फिल किया। उसके बाद में फिर हमने उनका फैक्ट फाइंडिंग किया, तो पता चला उसमें कि उनकी ऑलरेडी एक ही पॉलिसी थी और एक पॉलिसी जो थी वो 3 महीना पहला मैच्योर हुई थी। तो मैच्योरिटी का जो प्रोसेस होता है वो हमने उनसे उनको बताया, और उसके बाद हस्बैंड वाइफ दोनों भी डॉक्टर थे, दोनों प्रेजेंट थे, इसलिए दोनों को सामने बिठा के हमने उनको प्रेजेंटेशन दिया। डॉक्टर थे इसलिए उनको हमने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम ये प्रेजेंटेशन दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। और तभी डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट मीटिंग में ही 2,30,000 का ईयरली चेक दे दिया। तो थैंक्स टू एडवांस कोर्स मुकेश सर, थैंक्स। दूसरा जो मेरा सेल है ना, वो एक ऑफिस में मैं जाती हूँ हमेशा, तो वो ऑफिस में बहुत अच्छा मेरा यानी अभी रेपो बन गया है, वहां से मुझे अच्छा प्रीमियम आता है, अच्छे नए नए पॉलिसीज आते हैं। तो उसके एग्जैक्ट जो सामने ऑफिस है ना, वहां पे मैं हमेशा जाती हूँ। जब ये ऑफिस में जाती हूँ तो सामने वो ऑफिस में भी जाती हूँ, मैं इंक्वायरी करती हूँ, लेकिन वो सर कभी अवेलेबल थे नहीं। और मेरा था कि एक फ्लोर जैसे मैं बिल्डिंग कम्प्लीट करती हूँ ना, वैसे वो ऑफिस के जो बिल्डिंग थे वो भी मैं कम्प्लीट करती हूँ, लेकिन वो सामने वाले ऑफिस के सर मिलते नहीं थे, उनके असिस्टेंट थी, उनको मैं हर टाइम पूछती थी, बात करती थी, लेकिन वो जो सर थे ना उनके साथ बात नहीं हुआ था मेरा कभी। तो ये ऑफिस में जब भी काम के लिए जाती थी, जब नहीं बोले तो मैं 1-2 साल वो ऑफिस के सामने जो सर थे ना उनके फॉलोअप में थी, उनका मीटिंग मिलने के लिए। और लकीली एक दिन उनका मीटिंग मुझे मिला, वो सर से मैंने बात किया तो उनका भी फैक्ट फाइंडिंग किया, सेम अपना जो फॉर्म है वो फिल किया। उसके बाद में क्या नीड है, क्या उनके पास है, वो सब मैं चेक कर रही थी, और फिर उसमें पता चला कि ऑलरेडी उनके 2 पॉलिसी है, उसमें सर्विसिंग का काम है, तो उनका जो सर्विसिंग का काम था वो सर्विसिंग का काम के वो ले लिया मैंने, उसके बारे में भी उनको बताया। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों बाद इन्होंने मीटिंग दिया, इसके बाद में वो मीटिंग देंगे नहीं देंगे, आज मिले तो बात कर लेते, ऐसे सोच के मैंने उनसे वो बात कर लिया। उनको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, जब फैक्ट फाइंडिंग किया तब पता चला उनके 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटे के लिए मैंने प्रेजेंटेशन दिया अपना FD ऑन EMI, तो उनको वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, जो हमने CC में दीपक सर ने एक बार बताया था, तो बहुत अच्छा लगा वो। तो वो पार्टी ने वो ले लिया और उन्होंने भी हाफ ईयरली मुझे 1,30,000 का दोनों बेटे लोगों का चेक दे दिया। तो थैंक्स दीपक सर वो FD ऑन EMI कंसेप्ट के लिए। थर्ड सेल मेरा ऐसा था ना, ये 2 सेल थे, एक शॉप बिल्डिंग में हुआ था और एक ऑफिस में हुआ था। और थर्ड सेल में जो बताने चाह रही हूँ, फर्स्ट मीटिंग में डन नहीं हुआ लेकिन अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। वो थर्ड सेल जो ऐसा था ना कि जैसे हम लोग डेली हस्बैंड और मैं जाते हैं बिल्डिंग में सर्वे करते हैं, और एक वीक ऐसा हुआ ना कि पूरे वीक हमने एफर्ट्स लिया, 20 फोन कॉल्स भी किए, 18 मीटिंग्स भी किए, लेकिन पूरे वीक में मुझे एक भी सेल नहीं आया। और सेकेंड डे मंगलवार था वो, क्योंकि सेकेंड डे बुधवार के दिन में हमारा CC कमेंटमेंट कोर्स होता है और उसके बाद हमारी MM होती है। तो
तो अपने आईओए का जो रूल है सीसी का और एमएम का कि हमको पर डे तो रिपोर्टिंग एमएम में करते हैं लेकिन सीसी में वीकली रिपोर्टिंग करना है, शेयरिंग करना है और उसके बाद में एमएम में भी शेयरिंग करना है। तो ऐसा लगा कि पूरे वीक में हमने मीटिंग्स किए, कॉलिंग किया, एफर्ट्स लिया लेकिन सेल नहीं आया। तो सेकेंड डे जाके हम लोग कैसा क्या रिपोर्टिंग देंगे, पूरा वीक नील गया, वो अच्छा नहीं लगा। और रात भी हो गई थी, जैसे मैंने आपको कहा हाउसवाइफ हूँ, टाइम टू टाइम घर पे जाना है आना है, भले निकलने का घर से टाइम नहीं रहता लेकिन घर में आने का टाइम फिक्स है। तो फिर वो 6 से 9 जो काम करती हूँ 9 बज चुका था, घर में जाना था, दूसरे दिन सीसी में भी जाना था, इसलिए घर में निकल रहे थे लेकिन दिल राजी नहीं था कि पूरा वीक मेरा नील जा रहा है, सीसी में एमएम में मुझे रिपोर्टिंग देने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर वही बात करते करते मैं और हस्बैंड निकले, तो हस्बैंड से कहा कि एक बार मुकेश सर का मैंने फिलहाल एफटीएस किया, तो एफटीएस में ना सर ने एक बहुत अच्छी बात शेयर की थी कि हमको डिमोटिवेट नहीं होना है, कभी भी नाराज नहीं होना है। अगर हम लोग एफर्ट्स काम जो करते ना, एफर्ट्स ज्यादा ले देंगे ना, एफर्ट्स इतने लेने कि रिजल्ट जितना काम हुए, रिजल्ट एक्सपेक्ट करते लेकिन एफर्ट्स अगर इक्वल नहीं हुए ना तो वो दोनों जब तक मैच नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो सोचा कहाँ पे अपना काम कम हो रहा है, कुछ तो भी है, सोचा एक बार लास्ट जाते जाते एक ट्रायल मारे। और फिर सामने ना बिल्डिंग के सामने एक शॉप था, वो शॉप वाले अंकल से हमने बात किया, उनसे हमने एलआईसी के बारे में बात किया। तो फिर वो अंकल घर जाने के मूड में थे, टाइम भी नहीं था, तो बोले कि नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं है, आप बाद में कभी आइए बताइएगा। पर मेरा था कि मीटिंग तो करना है, क्योंकि सुना है हमने बहुत सारे कोर्सेस में ना कि एफर्ट्स लेना है, जब हम लोग एफर्ट्स लेना छोड़ देते हैं ना तो शायद एक कदम पे ही हमारी मंजिल रहती है। तो सोचा चलो इतना काम किया है, एक 10 मिनट और ड्राइव मारे। तो वो सर के साथ हमने बात किया, वो शॉपकीपर ने एलआईसी के लिए तो ना कहा, फिर मैंने सोचा चलो शॉपकीपर है तो शॉप के इंश्योरेंस के बारे में बात करूं। तो वो सर से मैंने शॉप के इंश्योरेंस के बारे में बात किया, उन्होंने तभी हाँ कहा, वो बोले ठीक है सुबह आ जाइए, मुझे शॉप का इंश्योरेंस करना ही था, मैं देख रहा था एजेंट ऐसे। तो फिर सेकेंड डे हम लोग उनके पास गए, उनका शॉप का इंश्योरेंस किया, उसके बाद में उनका मेडिक्लेम का भी काम मुझे आया, और उसके बाद में उनका कंटिन्यू फॉलोअप था क्योंकि शॉप का इंश्योरेंस हुआ था, मेडिक्लेम का काम आया था, तो उनको पता चला था, तो उसमें पता चला था ना कि यानी रेपो बन गया था, पहचान हो गई थी। तो फिर वो दोनों काम आने के बाद फिर मैंने उनको एलआईसी के लिए अप्रोच किया, और फिर उनको हमने ये अपना उमंग प्लान उनको भी दो बेटे हैं, एक जॉब पे है और एक बिजनेस का है, उनकी शॉप चलाता है। तो उनके लिए क्योंकि ये सर जो शॉपकीपर थे उनका हल्का इशू था, उनको नहीं मिल सकता था प्लान, तो इसके लिए फिर उनके दोनों बेटे के लिए मैंने उनको उमंग एक्सप्लेन किया, उन्होंने दोनों बेटे का मुझे 1.5 लाख के हिसाब से हाफ ईयरली चेक दे दिया। तो थैंक यू मैं कहूंगी सिस्टम के लिए, थैंक यू मैं कहूंगी आईओए में मैं हूँ उसके लिए, तो मुझे ये सिस्टम मिला। सीसी और एमएम में रिपोर्टिंग सिस्टम है ना, वो सिर्फ रिपोर्टिंग के कारण मैंने वो सर से बात करना चाहा, रिपोर्टिंग नहीं होता तो मैं मेरा मीटिंग चलाती, पर रिपोर्टिंग देना कंपलसरी है इसके लिए, और मेरा वीक नील ना जावे ना, तो मैं वो रिपोर्टिंग के लिए सीसी के लिए दीपक सर को सच में धन्यवाद कहूंगी, मेरे मास्टरमाइंड टीम को धन्यवाद कहूंगी, सर ने वो इतना अच्छा सिस्टम बनाया ना इसके लिए मैं वो तीनों सेल कर पाई, धन्यवाद। ग्रेट सोनाली, मैं देख रहा था कन्वेंशन में भी आप रेगुलर हो, और कन्वेंशन में जब आप मुझे मिलते थे तो आप यही बोलते मुझे एमडीआरटी करना है, मुझे एमडीआरटी करना है, लेकिन जैसे आपने कमिटमेंट को ज्वाइन किया पहले साल की एमडीआरटी हो गया, मतलब अभी आपने जो बताया ना रिपोर्टिंग फॉलो अप एफटीएस, सभी के लिए हमने गुड न्यूज ये लाया है कि आपको जो कमिटमेंट कोर्स में मिल रहा है वैसे कुछ फॉलो अप्स वगैरह बाकी चीजें हम लोग लेके अभी मेंटरिंग प्रोग्राम में ला रहे हैं। तो क्या है ना, बाकी लोगों का हम उनको एमडीआरटी तक पहुंचा सके ऐसा इंश्योरेंस मेंटरिंग प्रोग्राम ला रहे हैं हम लोग। सो जो मतलब जिसकी वजह से लोगों को एक मेंटरिंग मिले और उनका काम अच्छा हो जाए। सो सोनाली बहुत अच्छा लगा, सभी पार्टिसिपेंट के तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि ये सिस्टम हर एक कोर्स में लाओ तो सबका डेफिनेटली बहुत अच्छा काम बनेगा। ऑल इंडिया के लिए भी ला दिया है इंश्योरेंस मेंटरिंग प्रोग्राम, तो सभी एजेंट कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद, सभी लोग का एनालिसिस होगा। जैसे आपने शॉपकीपर का बात किया तो ऐसे छोटे छोटे इतने इंश्योरेंस सोनाली कि हम लोग जीआईसी का कोर्स ला रहे हैं कि जिसके अंदर लोगों को पता नहीं है पॉलिटिकल रिस्क क्या है, इवन जहां भी घुसना है प्रोफेशनल लायबिलिटी क्या है, लोगों को जेल हो सकती है, ऐसा ऐसा मामला है लेकिन लोगों को पता नहीं, तो हम घुस सकते हैं। सो वेरी गुड फैंटास्टिक सोनाली, बहुत अच्छा लगा, और आप एक घर भी संभालते हैं
और मैंने देखा आपका कमिटमेंट कि काम होना ही चाहिए, नहीं है तो सर के पीछे पड़ो, नहीं है तो फॉलोअप करो, नहीं है तो मेंटर के पास जाओ। रियली इसकी वजह से आपने प्रोग्रेस किया, अच्छा किया, फैंटास्टिक, गॉड ब्लेस यू। चलिए दोस्तों, नोट पेन लेके बैठिए, कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं और बड़े शांति से धीरे धीरे दूंगा, राइट, कोई जल्दी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, जो अपकमिंग हमारे सेशंस है वो मैं आपको बताऊं, 18 और 19 को, अभी अगले हफ्ते में, मतलब इसी हफ्ते में, सैटरडे एंड संडे को सोशल मीडिया के ऊपर 2 दिन का हिरेन भाई का सेशन है और सिर्फ 2000 रुपया चार्ज है, ओनली 2000 रुपीज, राइट, 2 फुल डेज, मतलब 3 आवर्स 3 आवर्स, मॉर्निंग 9 to 12 एंड 3 to 6। आफ्टरवर्ड 23 जुलाई को सर्विस मंत्रा 2, जो 6 मंथ का सेशन रहेगा, एवरी मंथ 2 आवर सेशन, जिसके अंदर दीपक सर, मैं, अमोल सर और हनुमान भाई, हम चारों लोग मिलके सर्विसिंग के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, एवरी मंथ 2 आवर, अलग अलग हमारे जो सर्कुलर आते हैं, बहुत सारी डिटेल की हमको जानकारी होती है, लेनी पड़ती है, वो सारी चीजें सर्विस मास्टर के अंदर में आएगा। सर्विस मास्टर 1 हो चुका है, अभी 2 हो रहा है। प्राइस इज आई थिंक, अभी एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई थिंक 1200 के अंदर है, राइट। सो नोट डाउन करते जाइए, जो प्रोग्राम आपको रिलेवेंट लग रहा है आप जरूर कीजिए, सभी कर पाए, भगवान आपको शक्ति दे वो करने के लिए। 26 जुलाई को इंश्योरेंस मेंटरिंग प्रोग्राम, यहाँ पर हमारे कोई दोस्त लिख रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से बहुत सारे हमारे सारे पार्टिसिपेंट है, कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट है, तो ये लोग लिख रहे हैं आप लोग कि सर ये कमिटमेंट कोर्स क्या है, डायरेक्टली मत आइए, मैं खुद बोलूंगा, भारी कोर्स है। क्या है, जब तक आप क्यूरिकुलम कंप्लीट नहीं किया है, सीबी छेत्री साहब ने क्या बोला, आईओई एक ऐसा संस्था है कि पूरा सिस्टमेटिक क्यूरिकुलम है, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, उस तरह से। तो कमिटमेंट कोर्स के लिए आप अभी कैंडिडेट नहीं है, अगर आप पहली बार यहां पर आए हैं, अगर आपने हमारे सारे कोर्सेस कर लिए, देन यू आर बेस्ट कैंडिडेट फॉर कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट। उसके पहले आप 26 जुलाई को जो इंश्योरेंस मेंटरिंग, इट इज पैरेलल, मैं कह सकता हूं एक मिनी कमिटमेंट कोर्स की आपको झांकी मिलेगी, और ये प्रोग्राम सिर्फ 8000 रुपीज में, एक्चुअली कमिटमेंट कोर्स फीस इज फॉर 3 इयर्स 1,50,000, राइट। इसीलिए मैंने कहा कि पहले कमाओ, अच्छे पैसे कमाओ और क्यूरिकुलम में आओ, सिस्टमेटिक आओ और फिर बाद में आगे बढ़ो। सो 26 जुलाई से डोंट मिस, अगर कमिटमेंट कोर्स आपको करना है तो समझ लीजिए ये आपका एक मिनी कमिटमेंट आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कम से कम बेसिक कोर्स किया हुआ होना चाहिए, एडवांस किया है तो वेल एंड गुड, राइट। सो बेसिक कोर्स, और बेसिक कोर्स की एंट्री आप अभी ले लेंगे तो 14, 15, 16 को जो बेसिक कोर्स है, जून का बेसिक कोर्स का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो इफेक्ट वही मिलेगा, एंड देन 26 को आप संडे अगेन इंश्योरेंस मेंटरिंग प्रोग्राम में आ सकते हैं, इट इज फॉर 6 मंथ। उसके बाद 27 को प्रीमियम मेंटरिंग प्रोग्राम, ये उन लोगों के लिए जो लोग 10 लैक्स एंड अबव कमीशन अर्न कर रहे हैं, जो लोग 10 लैक्स एंड अबव कमीशन अर्न कर रहे हैं उनके लिए प्रीमियम मेंटरिंग प्रोग्राम। अगर आपका कमीशन स्ट्रक्चर 10 लैक्स से नीचे, ये प्रोग्राम के लिए आपको सोचना भी नहीं है, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज स्पेशली मेड फॉर COT एंड TOT लेवल को क्रॉस कैसे करना। और आपका अगर लेवल MDRT से नीचे है तो मुझे लग रहा है कि पहले बाकी के सारे कोर्स कर लो, फिर उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, राइट। फर्स्ट एंड सेकेंड अगस्त को दीपक सर ने जैसे बताया GIC कोर्स है और हम 5 फैकल्टी उसके अंदर है, 5 फैकल्टीज, दीपक भाई, मुकेश जोशी, विजय बेलसरे, मिस्टर वेंकट रामन एंड रमेश दमानी, जिनको मैं कहता हूं GIC के किंग है वो, राइट। सो ऐसे 5 फैकल्टी के साथ 4 दिन का हमारा सेशन रहेगा, 1st, 2nd अगस्त को एंड 17, 18 अगस्त को। सो 2 दिन एक साथ होंगे, बाद में थोड़ा वर्किंग के लिए 10-15 दिन दिया जाएगा, फिर अगेन 2 दिन होंगे। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है इस 3,500 रुपीज, 3,500 रुपया, आशा करता हूं आप नोट डाउन कर रहे होंगे। और ये सभी के लिंक है ना, आपको हमारे असिस्टेंट से डिमांड करने,
जो भी कोर्स आपको करना है ना, हमारे असिस्टेंट आपको इसका लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप पेमेंट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन देखिए हमारे थ्रू भी हम भी भेज सकते हैं, लेकिन क्या है मालूम है, असिस्टेंट के थ्रू करोगे तो उसका ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप के अंदर में सिस्टमेटिक आपकी एंट्री होगी। आप डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हो, बट असिस्टेंट के थ्रू कीजिए ताकि आप एक चैनल के साथ में जुड़े रहो और कोई भी दिक्कत है तो वो सॉल्यूशन उसका मिल सकता है। 14, 15 एंड 16 अगस्त को मेरा बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है, जिसके अंदर में 2999 डिटेल्स ऑफ प्रीमियम मेंटरिंग प्रोग्राम, 10 लाख अबव आप अर्न कर रहे हो तो उसके अंदर में एवरी मंथ 2 आवर सेशन, राइट, एवरी 15 डेज 2 आवर सेशन, सो एवरी मंथ 2 सेशन, 2 आवर्स के, और उसमें हम आपको HNI के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। HNI प्रेजेंटेशन और HNI पार्टियों के लिए हम एक कस्टमर मीट भी करेंगे। शायद आपके जाने माने जाने पहचाने CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो आपकी बहुत अच्छी अथॉरिटी बन सकते हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल मीटिंग हम लोग करेंगे, जूम मीटिंग करेंगे हम लोग। सो वो सारी चीजें प्रीमियम मेंटरिंग के अंदर में आएगा। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ लोगों ने लिखा कि सर एडवांस कोर्स कब से शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो गया, आप गाड़ी चुक गए, बट बेसिक किया है तो ही एडवांस कोर्स में आपको एंट्री है। सो बेसिक किया है और आप एडवांस कोर्स की गाड़ी छूट गए, फिकर ना कीजिए, आप रिकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं रिबेट कोर्स का, परसों के दिन का और कल का, एक ही दिन का एडवांस कोर्स है, दोनों दिन की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। प्राइस पे करना पड़ेगा 12,000 रुपीज, एंड फिर हर महीने में दो दो दिन के सेशन फॉर 4 डेज, ये 4 दिन तक, 4 महीने तक चलेगा, राइट। सो टोटल 6 डेज प्लस 1 डे रिबेट कोर्स, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, भले कल से शुरू हो गया बट आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वन अभी आखिरी इंफॉर्मेशन आपको दे दू, बीमा कनेक्ट हमारी एप्लीकेशन है जिसमें हमारे ऑल प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग है वो उसमें है, आप परचेस करना चाहे आप उसको परचेस कर सकते हैं। एंड इनकम मल्टीप्लाई प्रोग्राम में हमारे 100 सीरीज एंड डीवीडीज अवेलेबल है, जिसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, सो अभी हम जो राउंड चलाएंगे वो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, हाउ टू फाइंड आउट प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट को कैसे ढूंढते हो। चलो पैनल पे जो भी दोस्त है सभी अभी लाइव आ जाइए, आप लोग अपने वीडियो ऑन करके रखिए और आप मेरे को इशारा दे सकते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाए तो उसके बारे में आप यहाँ पर हमको शेयर कर सकते हैं, राइट। चलो आप प्रोस्पेक्ट फाइंड आउट कैसे करते हो, कौन कहना चाहेगा इसका जवाब, कौन देना चाहेगा, प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढते हो? अल्पेश भाई मुझे लग रहा है कि आप इसमें मास्टर हो, ढूंढ लेते हो आप, तो जरा बताएंगे प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढते हो। नमस्ते सर, प्रोस्पेक्ट के लिए क्या क्या होता है कि हम लोग जनरली है ना ढूंढना नहीं पड़ता, प्रोस्पेक्ट हमने को सामने से मिलते हैं। मतलब मैं क्या करता हूँ कि जनरली जिसको भी मैं पैसा देता हूँ ना उसको मैं कार्ड देता हूँ और बात करता हूँ, तो वैसे जिसको भी हम लोग दिन में कम से कम 15-20 लोगों को तो हम लोग पेमेंट करते ही है, तो उनके साथ हम लोग बात कर सकते हैं, तो उस तरह से एक प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है। दूसरा, हम लोग कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट जनरेट कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग सर्वे फॉर्म भरते हैं, जो हम लोग का एडवांस कोर्स का प्रोजेक्ट है, वो सर्वे फॉर्म लेके किसको भी जाके बोलेंगे कि सर आपके पास गवर्नमेंट पेंशन है क्या, आपको अगर मिलेगा तो आपको इंटरेस्ट है क्या, तो उस तरह से हम लोग उनसे बात करके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, राइट। मतलब कॉल कैनवासिंग के माध्यम से हो सकता है, देन अप्रोच के माध्यम से हो सकता है और बहुत सारी चीजों से हो सकता है। यहाँ पर हमारे किसी दोस्त ने पूछा भी था कि बेसिक कोर्स में मैं पूरा 2 घंटे का प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर पूरा टॉपिक चलता है, बहुत ही बढ़िया शानदार टॉपिक चलता है बेसिक कोर्स। यस, हमने डिसाइड किया हुआ है 14, 15, 16 अगस्त को, 14, 15 एंड 16 अगस्त को बेसिक कोर्स होने जा रहा है। एक बार हो चुका मेरा जून में, और एक ऑफर अभी ये चल रहा है कि अगर अभी आप परचेस करते हैं बेसिक कोर्स, उसकी प्राइस है 2999, तो आपको जून मंथ का जो बेसिक कोर्स मेरा हो गया था उसका रिकॉर्डिंग आपको 10 दिन के लिए मिलेगा, फॉर 10 डेज। तो क्या हो गया, डबल बार आप उसको इस्तेमाल करोगे, राइट। सो बेसिक कोर्स जून का भी मिलेगा और साथ में अगस्त का लाइव भी मिलेगा। यस, क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर। टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट के बारे में हमारे दोस्त पूछ रहे हैं, सो कोई बता सकता है यहाँ पर टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट, आप अपॉइंटमेंट्स लेते हैं तो आप क्या बात करते हैं? इसमें एग्जैक्ट तो कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, बट फिर भी आप कुछ बात अगर बता सकते हैं। टेलीकॉलिंग में जनरली
फोन रिसीव यानी समझ लो कि येलो पेजेस है या कोई भी पेपर के कटिंग्स है या कोई भी अपने जो बिल्डिंग है कॉमर्शियल बिल्डिंग है उसके सब ऑफिस के नंबर है तो फोन लगा के वही बात शुरू करते हैं कि सर मैं कुबेर इन्वेस्ट से मयूर सर के यहाँ से बोल रही हूँ और एक गवर्नमेंट ने जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी को पेंशन मिलता है वैसे आप एक आम आदमी भी सैलरी पर्सन भी सैलराइड पर्सन या बिजनेसमैन वो भी पेंशन उसी तरह ले सकते हैं क्या आप इंटरेस्टेड हो ऐसे अलग अलग दो तीन एक चाइल्ड के ऊपर है एक चाइल्ड मैरिज के ऊपर है एक बुढ़ापे के ऊपर है तो इस तरह पूछना होता है जो इंटरेस्टेड होता है वो आगे बात करता है तो ऐसे छोटी छोटी अलग अलग स्क्रिप्ट बना के हम अपने टेलीकॉलर को देते हैं बढ़िया अच्छा अभी कोविड सिचुएशन में बहुत लोगों के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोरोना है पैसा नहीं है और ये कोविड सिचुएशन है तो उस विषय में आप लोग कहे क्योंकि आप सभी ने मैंने देखा है आप सभी ने ऑलमोस्ट एक एमडीआरटी इस साल का इंट्रोड्यूस कर दिया है तो आप जरा बताएंगे कि इस सिचुएशन को आप किस तरह से टैकल करते हैं मुकेश भाई मुझे हेमंत अग्रवाल जो गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने स्पेशली इसी के ऊपर कोविड 19 में पैसा नहीं है पार्टी ने बोला और उसको कैसे सेल किया तो हेमंत जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सेलिंग आइडिया बताइए हेमंत जी धन्यवाद परस भाई ऐसा हुआ था जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो एक पार्टी से बात हुई थी जैसे आप लोगों के प्रोग्राम वगैरह करने के बाद कॉलिंग चल रही थी तो जनरली पार्टी ने बोला कि यार एक एक्चुअली उनको इन्वेस्टमेंट करना था 20,000 रुपए महीने का पॉलिसी उनसे बात हुई थी बट उन्होंने नहीं किया था वो तो कोरोना के पीरियड में उन्होंने बोला कि देखो अच्छा हुआ हेमंत हमने ये प्लान नहीं किया नहीं तो अगर करते तो हम लोग अभी तो लास्ट 6 महीने से क्योंकि आसाम में कोरोना का तो इफेक्ट मार्च में आया बट सीए का जो इफेक्ट था वो दिसंबर से शुरू हो गया था ऑलमोस्ट दिसंबर से यहाँ पे डिस्टर्बेंस है हमारे यहाँ तो बोले कि अभी देखो दिसंबर और उनका टूरिज्म का बिजनेस है काजीरंगा में तो बोले कि दिसंबर से तो सारे टूरिस्ट बंद है और ये साल तो पूरा ऐसे ही जाने वाला है तो अच्छा हुआ मैंने वो 20,000 जो महीने का प्लान आपको चेक दिया था बट नहीं करवाया तो मैं बोला कि ये तो बात अच्छी है आपने नहीं करवाया बट ये आपने जो मना किया था पेमेंट देने का और ऐसी ये तो 6 महीने या साल भर की सिचुएशन है जो कोरोना की बट रिटायरमेंट के बाद या ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम बहुत लंबी चलने वाली है जनरली पार्टी के पास पैसा था ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं है उनके पास प्रॉपर्टीज रहती है पैसे रहते हैं बट बहुत लोग बोलते हैं कि इनकम बंद हो गई इसलिए हमको करने की हम दिक्कत है तो फिर मैंने बोला कि अगर ये लंबा रिटायरमेंट का जो पीरियड है ये कितना लंबा चलेगा इसकी पता नहीं है तो अभी तो आप 6 महीने साल भर में आपको दिक्कत आ रही है तो आप आगे की सोचो तो पार्टी ने थोड़ा सोच के बताया कि नहीं तब ठीक है आप कर लेना ही ठीक है आप क्या बोलते हो कर लेना चाहिए अभी जरूर करना चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन ज्यादा दिन नहीं चलेगी है 6 महीने या मैक्सिमम साल भर तो फिर पार्टी ने कंसेंट दिया तो 20,000 महीने का पॉलिसी मेरा एक्सेल हुआ इस बार थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट आप अपने लिखते जाइए लिख रहे हम लोग उसमें से पकड़ के बात करें हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे लिखा कि गणेश जी ने लिखा है कि सर क्या हम इंश्योरेंस मेंटरिंग प्रोग्राम में लीडर्स या जोन सिलेक्ट कर सकते हैं क्या ये अलग नहीं है एक बात समझ लो ये सब चीजें ना कोई डिफरेंट नहीं है सभी के सभी लीडर्स पैनल पे रहने वाले हैं हर प्रोग्राम में पैनल पे रहने वाले हर एक का गाइडेंस मिलेगा क्योंकि क्या है देखो डिस्टेंस खत्म हो गया ना तो अभी हम सभी लोग अवेलेबल है सो सभी के सभी लीडर हर प्रोग्राम में अवेलेबल रहेंगे सिर्फ क्या है मालूम है जोन वाइज हमने इसके लिए अलग किया हुआ है ताकि एक बड़े ग्रुप को हम एक साथ टैकल नहीं कर पाए इसके लिए हमने इसको डिवाइड किया हुआ है नथिंग एल्स अदरवाइज वैल्यू विल रिमेन सेम राइट दूसरी बात किसी ने पूछी यहां पर बेसिक कोर्स रिपीट का क्या चार्ज है सेम चार्ज है बिकॉज ऑलरेडी 12,000 का प्रोडक्ट आपको सिर्फ 3,000 में मिल रहा है सो देयर इज नो डिस्काउंट एट ऑल राइट यही डिस्काउंट है सबसे बड़ा डिस्काउंट है डिस्काउंट में चल रहा है समझ लीजिए आप यस रिटर्न कम है यहाँ पर हमारे साथ रिटर्न कम है इसका कौन आंसर देगा LIC में रिटर्न कम है मुझे लग रहा है MP जोईसर साहब ने मेरे को कहा था यस एक बहुत अच्छा शेयरिंग है आपके पास आपके LIC में रिटर्न बहुत कम है और भाई यही क्वेश्चन है ना ये ऑब्जेक्शन है और हमें म्यूचुअल फंड
और इक्विटी शेयर, सम बॉन्ड्स, डिबेंचर, इसमें उसमें प्रॉपर्टी में बहुत सारे इंटरेस्ट आ रहे हैं, हम बहुत रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं। तो मोस्टली तो अभी सबको आंसर मिल गया, अभी सिचुएशन ने आंसर दे दिया। बोलो अभी फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, रिटर्न ज्यादा आ रहा है, तो मैं इतना बात करता हूँ कि बहुत ज्यादा आ रहा है तो कितना आ रहा है, मतलब तो कोई परसेंटेज नहीं बताते हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। फिर भी मैं सामने से बोलता हूँ चलो 10% आता है, 12% आता है, 15% आता है, तो ये इतना रिटर्न ज्यादा आता है तो भी जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो लोगों से क्यों ऐसा इन्वेस्टमेंट कराते हैं और उनको अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और स्पेशली जो खुद का पैसा डाल के वो क्यों नहीं कर सकता है, और दूसरा क्या है कि बाकी बिजनेस क्यों करना जरूरी है अपने, इतना रिटर्न ज्यादा आया सब पैसा म्यूचुअल फंड डालना चाहिए अपने को। और जो CFO होते हैं म्यूचुअल फंड के वो तो सब LIC में पॉलिसी निकालते, खुद की पॉलिसी, तो ऐसा क्यों करते हैं मुझे वो कोई समझ नहीं आ रहा है। तो रिटर्न की बात नहीं है, आज आप देखोगे ना कोरोना समय में तो डेट फंड में भी पैसा आधा हो गया है, म्यूचुअल फंड में डेट फंड में पैसा आधा हो गया, क्यों हो गया मुझे मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम। तो रिटर्न की बात नहीं होती है, और रिटर्न कितना ज्यादा आता है कितना आता है वो अपने को पॉलिसी चलने के बाद ही मालूम पड़ता है कि कितना परसेंट छूटा हूं, कितना परसेंट आया उनको। राइट, बहुत बढ़िया। और कोई इस विषय में? यस, मयूर भाई कहना चाहते हैं, रिटर्न कम है। मयूर भाई, सर ज्यादातर क्लाइंट को मैं ये बताता हूँ कि सर अब कार नहीं परचेस करते हो 15 लाख की तो क्या रिटर्न मिलता है, आप फॉरेन टूर करने जाते हो फैमिली के साथ तो क्या रिटर्न मिलता है, आप हर 15 दिन महीने में 2-5-10 हजार रुपया होटल और थिएटर के पीछे डाल देते हो क्या रिटर्न मिलता है। तो ऐसी कई बातें होती है कि क्लाइंट को बताने से वो उनके ध्यान में आ जाता है कि नहीं बात सही है, ये रिटर्न वाली प्रोडक्ट ही नहीं है, ये बस ये करनी है आपको, ये आपके लिए जरूरी है, इसमें रिटर्न नहीं देखना होता है। राइट, मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि LIC में इंश्योरेंस पार्ट को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। राइट, सो रिटर्न की जहां तक सवाल है, अगर 3 साल पैसे भरे और अगर उसको कुछ हो गया तो जरा रिटर्न कैलकुलेट करना कितना आएगा, इट कैन बी नियर अबाउट 50% या 45%। राइट, सो बहुत अच्छी बात बताई। यस, गुड। यस पारस भाई, आप कुछ कह रहे थे? ये जैसे रिटर्न कम है लेकिन कम या ज्यादा किसी के कंपैरिजन से पता चलता है ना, तो किसी को ये लगता है कि भी म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में ज्यादा रिटर्न है। तो हमारे सूरत के जो एजेंट भाई है भूपेंद्र पटेल जी, वो बहुत ही अलग यूनिक तरीके से पार्टियों को प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्शन को है। तो भूपेंद्र भाई आपसे के आपके आइडियाज हमारे दोस्तों को बताइए, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी को कैसे आप हैंडल करते हो ताकि उनको रिटर्न का पता चले। यस सर, नॉर्मली मैंने क्या किया है कि ये LIC इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेन आदमी अर्निंग करता है फिर एक्सपेंस करता है फिर पैसा बचता है वो बचाता है, तो जो पैसा सेविंग करना है इन्वेस्ट करना है उसके 3 टाइप के सेविंग होते हैं। सबसे पहला रहता है लग्जरी। लग्जरी मतलब क्या है? फॉरेन टूर, जैसे अभी इन्होंने बोला फॉरेन टूर है, अपनी हैबिट है, हॉबीज है, बड़ी गाड़ी लेना, दूसरा मकान लेना, ये इसमें रिटर्न नहीं आता है, लेकिन लोग क्यों लेते हैं? ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ईगो सेटिस्फेक्शन ऐसा है कि ये लग्जरी में बाय डिफॉल्ट आदमी चला जाता है क्योंकि लोगों को दिखा देना होता है कि मैं इतना कमाया करके, उसके बाद भी पैसा बचा तो लोग हाई रिस्क में आ जाते हैं जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, वहां पे लोग बताते हैं कि 12-60% रिटर्न आता है, लेकिन लोग प्लस ही समझते हैं, माइनस तो ये सिचुएशन में समझ आया कि भाई माइनस भी हो सकता है। तो लोग भूपेंद्र भाई, कल के मेरे एडवांस कोर्स के अंदर मैंने एक बात कही थी, हाँ जी, कि मैं भी कुछ शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो रखता हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने के लिए। ओके। और जब भी मोतीलाल ओसवाल वाले से बात हुई मेरी तो मैंने उनको पूछा कि मेरे पोर्टफोलियो में अभी यील्ड क्या आ रहा है, तो उसने मेरे को बोला 12% सर अभी यील्ड आ रहा है, -12% आ रहा है। अच्छा, मतलब जो कैपिटल था उसका 12% टूट गया है। राइट, सो जब भी मैंने उनसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा था तो उनका ये कहना था कि हम एन्युअली आपको 12% का अश्योरेंस दे सकते हैं। तो मैंने हंस के बोला कि आपने 12% बोला था, आपने शब्द बराबर निभाया, 12% प्लस या माइनस इसका शायद डिस्कशन अपना नहीं हुआ होगा। तो वो मुझे आश्वासन दे रहा था
कि मुकेश भाई देखो ऐसे ओवरऑल पोर्टफोलियो देखे ना तो 25% माइनस हुआ है, बट आपका सिर्फ 12% माइनस हुआ है। कल ही मैंने एडवांस कोर्स के अंदर में बहुत डिटेल में इस विषय पे लिया हुआ था। आप प्लीज आप आगे बढ़िए। तो मैं समझाता हूँ कि लग्जरी वाला इन्वेस्टमेंट है वहां रिटर्न नहीं आता, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, तो वहां लोग प्रिंसिपल भी रिस्क में डाल देते हैं, उसके बाद भी पैसा मिला तो ये टीम मतलब ये सब मीडिया देख के लोग बाय डिफॉल्ट हाई रिस्क में चला जाता है, जो मैंने टूल बताया SIP म्यूचुअल फंड प्रॉपर्टी फिर अपना जैसे रियल एस्टेट, उसमें लोग 12-60% प्लस समझते लेकिन माइनस भी होता है, और आज है ही प्रिंसिपल जैसे सर ने बोला है 25% माइनस। तो ये इसके बाद अपने जैसे कोई लोग जाए तो सिक्योरिटी करता है, सिक्योरिटी कितनी चाहिए, सिंपल रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। तो जब तक रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम कंसेप्ट फैमिली के लिए नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं होता है, सिक्योरिटी किसको चाहिए, फैमिली को, और अथॉरिटी किसके पास है, की पर्सन के पास। तो की पर्सन का इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ज्यादा लेना, लेकिन फैमिली का इंटरेस्ट है सिक्योरिटी लेना, लेकिन अथॉरिटी अपने पास है। तो सिक्योरिटी जब तक मानो कि आज किसी का 1,00,000 इनकम है, 12,00,000 इंटरेस्ट है, तो 2 करोड़ का FD अगर कर देता है तो 12,00,000 इंटरेस्ट आएगा, वो फ्यूचर में आएगा कि नहीं पता, लेकिन आज समझ लो कि आएगा। तो अगर जिसका इंटरेस्ट इनकम 1,00,000 रुपया है, वो 2 करोड़ का FD कब कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। 100% अमाउंट चाहिए और वाइड चाहिए। तो यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन देता हूँ कि वो काम मैं खाली 5% में कर दूंगा, मेंटेनेंस के भाव में प्रॉपर्टी, कि आपको कुछ हुआ 2 करोड़ में दूंगा, तो वो लोगों को मन में आ जाता है कि नहीं नहीं 100% तो पॉसिबल नहीं है, 5% वाला तो करे। तो जब तक 2 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं होता है तब तक प्रिंसिपल रिस्क में नहीं डालना है, कहाँ पे, हाई रिस्क और लग्जरी में, क्योंकि अपनी एब्सेंस में पूरी दुनिया सलाह देगी, पैसा कोई नहीं देता, तो उसकी अरेंजमेंट पहले करो, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम अगर वो हो जाए तो उसके बाद हाई रिस्क में जाओ। अगर पैसा फंड नहीं बचता है तो 3 साल के बाद मैं दूंगा एज ए लोन, जो अपने LIC पॉलिसी में मिलता है, लोन 9% का लेके 18% हाई रिस्क में डालो, नहीं आया तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी ऑलरेडी 2 करोड़ का हो चुका है। लेकिन प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में डाल के माइनस होगा तो अपना प्रिंसिपल भी जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। अगर मैंने 9% का लोन दिया, 18% आया म्यूचुअल फंड में, तो वो लेके लग्जरी में जाओ, प्रिंसिपल मत डालो, प्रिंसिपल को सिक्योर रखो। तो एक मैं स्लाइड आपको मैंने रेडी रखा है, जस्ट आपको बताता हूँ, एक ही 5 सेकंड लगेगा ये ऑलरेडी। हाँ, ये मैंने टूल डाला है, आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन जैसे ये सिक्योरिटी मैंने बताया है, ये सिक्योरिटी बताया है, सॉरी ये लग्जरी है जिसमें न्यू फ्लैट न्यू कार, उसके बाद लोग हाई रिस्क में आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड SIP शेयर मार्केट, फिर अपने जैसा कोई मिलेगा तो सिक्योरिटी में आएगा। तो यहाँ पे मैंने वो सिक्वेंस डाला है कि जो पहले लग्जरी में से हाई रिस्क में आएगा, फिर सिक्योरिटी में जाएगा, वो लूजर रहेगा, और पहले सिक्योरिटी करके हाई रिस्क में आएगा, फिर लग्जरी में जाएगा, वो विनर रहेगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट गलत नहीं है, खाली सिक्वेंस अलग है। म्यूचुअल फंड भी वो मानो कि कोई पैसा अपना एक्स्ट्रा पैसा डाल दे, जो डालने से फर्क नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म गोल वाला मर्सिडीज लेना है वो इन्वेस्ट किया, 1 साल लेट मर्सिडीज लेंगे चलेगा, लेकिन जो नेसेसिटी वाला पैसा है वो मत डाल, वो पहले सिक्योरिटी कर लो फैमिली का, फिर हाई रिस्क में जाओ, नहीं है तो हम देंगे वो लेके जाओ, और कमा लिया तो फिर लग्जरी में जाओ। तो इस सिक्वेंस में समझाता हूँ, तो ये सिक्वेंस में म्यूचुअल फंड SIP का पैसा में ये अपने LIC की प्रीमियम के लिए मैं ले आता हूँ। थैंक यू। देखिए जी, अभी यहाँ पे किसी पार्टिसिपेंट ने भी रिबेट का जिक्र किया था, और यहाँ पे DK पटेल जो है, अभी 2 दिन पहले ही मुकेश सर ने रिबेट कोर्स में एग्जांपल दिया था, DK पटेल का पाकिट वाला एग्जांपल। तो DK जी, वो पाकिट वाला आपका रिबेट, जब भी कहाँ पे भी रिबेट की कुछ बात आने की तैयारी होती है, उस टाइम पे आप वो पाकिट वाला क्या रिबेट में करते हो, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, ऑब्जेक्शन कैसे ओवरकम करते हो। पहले मेरा एक ही टारगेट रहता है कि रिबेट कैसे बचाना है, बस जब तक मेरे को परफेक्ट पता नहीं चलेगा, अब उसके मांगने की कोई औकात नहीं है रिबेट, तभी मैं इंश्योरेंस प्रपोज करता हूँ। समझ लो, जल्दबाजी मत करो, एक बार अगर पार्टी से कनेक्ट रहो, उससे स्पिरिचुअल बातें करो, उससे पूछो भाई यहाँ तक आप कैसे आए, तो बोले ईमानदारी, फिर बोले ईमानदारी से, या कुछ गलत किया नहीं, आज तक जो भी किया है सब टोटल ईमानदारी से किया है, किसी का गलत रुपया नहीं लिया है, कभी अनीति नहीं किया है, बराबर।
अगर मेरा हक्का है वो मैं ही लिया है, दूसरे का हक की कभी कुछ लिया नहीं है, तो ये सब पॉइंट से पहले दो तीन मीटिंगों में चर्चा करो। बस उन्हीं के उन्हीं जब पार्टी के मुंह से एक बार निकल गया ना नीतिमत्ता की बात है, कसाला कभी गलत नहीं करने का, उसके बाद आप प्रपोज करो, किसी की ताकत नहीं है आपसे रिबेट मांगे। और जिसने रिबेट भी मेरे से मांगा है ना एक दो जो नई नई जब पार्टी थी, तो मैं बोलता था देख भाई ये बात गलत है, रिबेट लेना है तू तेरा ही जो एजेंट है उनको ही दे तू, लेकिन उससे रिबेट मत लेना। और उन्होंने रिबेट नहीं भी लिया है, भले मैं नहीं हूँ, मेरा वो भी मेरा भाई है ना, दूसरा जो एजेंट है तो उनके पास भी अगर ज्यादा पैसा रहेगा, वो पहले रिबेट देता था क्या, वो पूरा दे जाता है। मैंने बोला तू यार देख एक बार तेरा दिल क्या खुश होती है, पार्टी को मैं बोलता हूँ तेरा दिल में इतनी खुशी जाएगी ना तू रिबेट छोड़ेगा। तो वो पॉकेट वाला एग्जांपल बताइए, पॉकेट वाला आप क्या करते थे? हाँ बस पार्ट अब अगर मेरे को लगता है कि भाई ये स्पिरिचुअल में नहीं मानने वाला है बराबर, तो कभी कभी क्या करता हूँ 5-6 हजार वाला मेरा पर्स रहता है ना, वो ऐसे ढीला रखता हूँ, फिर वहां निकल छोड़ के मेरी बैग लेके निकल जाता हूँ, तो पर्स वहां रह जाता है। अगर फिर पार्टी की नजर पड़ेगी तो वो देखेगा कि भाई ये पर्स किसका रह गया, अगर देखेगा तो अपना तो इन्विटेशन कार्ड रहता है धर्मेंद्र के पटेल बराबर, तो पार्टी ने वहां से पर्स उठाया होगा ये पर्स किसका है, तो वो टाइम पे पार्टी ने फिर मेरे को फोन किया कि भैया धर्मेंद्र तेरा पर्स रह गया है यार, तू पर्स छोड़ के चला गया। मैंने बोला सर निकल गया होगा, सो ये पेंट का थोड़ा सीटिंग की व्यवस्था ऐसा है तो निकल गया होगा कल ले। नहीं नहीं तू अभी आके ले जा यार ये पर्स तेरा ले जा, मैं नहीं रखू तेरा पर्स बोले। मैंने बोला कल ले लूंगा उसमें क्या कम होने वाला है कुछ, अरे नहीं नहीं तू अभी आ वापिस और एक पर्स पहले ले जा, मेरे को शांति नहीं होगी तब तक बोले, किसी का कुछ यहाँ रह गया और लिए बिगड़ गया, बोला अच्छा अच्छा आता हूँ चलो। तो वो आए, उसके बाद जब अपने इंश्योरेंस बेचते हैं बराबर, इंश्योरेंस हो गया कंप्लीट हो गया, रिबेट की जब बात आती है, अगर उसने बोला कि उसमें साथ दूसरे लोग देते हैं तो आपका कुछ उसमें, मैंने बोला तो ये पर्स मेरा क्यों रख वापिस दे दिया, वो पर्स है वही मेरा कमीशन है, बोले चल जा 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 साला कुछ नहीं चाहिए। बढ़िया फ्रेंड्स, यानी कि धर्मेंद्र भाई क्या बोलते हैं कि ये पर्स जो है, ये पर्स यहाँ पे भूल गया था, वो पर्स में जो पैसे है ना वो भी मेरे हैं और ये कमीशन में जो पैसे है वो भी मेरे हैं, अगर ये पर्स आपने वापस दिया तो ये कमीशन क्यों ले रहे हो आप, ऐसा करके वो ओवरकम करते हैं। बढ़िया, सो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। थैंक यू डीके पटेल जी, थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू, जय अंबे। बस जो भी पार्टिसिपेट है सभी का MDRT COT TOT होवे ऐसी मेरी अम्बा माँ के प्रार्थना, और आज तक मैंने कुछ मेरे लिए नहीं मांगा है, बस दूसरों के लिए ही मांगता हूँ, जिसकी भी फरियाद हो मेरे थैले में डाल दे, टपाली बन के जाता हूँ वहां छोड़ के आ जाता हूँ। जय अम्बे, आप सबका MDRT हो ऐसी मेरी माता जी को प्रार्थना। बहुत बढ़िया। अच्छा अभी हमारे यहाँ पर एक दोस्त लिख रहे है, जयंत जी लिख रहे है कि हम तो लिक्विडिटी में मानते हैं, इसके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और टर्म इंश्योरेंस लेंगे, तो इस विषय में किसी ने टैकल किया है तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन टैकल कर सकते हैं। यस म्यूचुअल हाँ म्यूचुअल फंड और लिक्विड फंड उन लोगों के लिए एक बढ़िया पॉइंट है कि जब ऑल टाइम हाई होता है ना तो मैं मेरी जितनी पार्टियां हूँ ना उसके घर पर जा जाके बोलता हूँ बेट डालो बेट डालो। ये दफे भी 42 हुआ ना, 41 से मैंने स्टार्ट किया था 42 तक, बेट डालो मिलेगा सस्ते में, बेट डालो ऐसा 2-3 बार हो गया ना फिर पार्टी आपको पहचान जाएगी, नहीं साला ये बोलता है ना वो होता है। ऑल टाइम हाई पे बोलने का बेट डालो और जब माइनस हो जाए 40% या 50% बाजार माइनस हो, वो टाइम पे बोलना लोन लेके मार्केट में से शेयर ले लो या लोन लेके म्यूचुअल फंड में डालो, बस इतना करते रहो तो पार्टी एक बार सब भूल के वो आपका ही फिर सुनेगी। वो लिक्विडिटी में अभी बोलता है तो बोलने तो कहा भाई मेरे को टर्म प्लान लेना है तो अच्छा चुन ले, जब बाजार हाई हो ना तो वो टाइम पे जाओ तो अभी थोड़ा बेच के टर्म प्लान में डाल दो, जब अब नया हाई बने तब, अब जब मार्केट टूटे तो बोलना कि भाई आप यहाँ से लोन लेके म्यूचुअल फंड में डालो, तो क्या एक तरफ ही नहीं दिखेगा आप लोगों को, ये साला आता है ना खाली LIC की बात करता है म्यूचुअल फंड की ना ही बोलता है, और जब बाजार टूटता है ना तब कितना भी प्रेशर करके बोलेंगे ना म्यूचुअल फंड ये म्यूचुअल फंड में ले लो शेयर ले लो,
तो साला कोई नहीं लेता, इतनी घबरा गई होती है ना पार्टी, अखबार में सुसाइड का ना हो, कितने ब्रोकर छूट गए वो टाइम पे ही बोलने का, अभी माल ले लो, बोला सब अपघात कर रहे हैं अभी कहाँ माल लेने जाए, तो बोला मैं तो बोलता ही था ना, वो राइट टाइम था ना, नहीं बोला सच्चा पक्का राइट टाइम था, पक्का राइट टाइम था, अपना बोलने में क्या जाता है, अपना जो मूडी है ना सब साली बोलने में ही है, बस वो पॉइंट ये सब सेक्टर देख के वो टाइम पे इतना खाली बोलने तो जाओ। यस, अभी हमारे हमारे एक दोस्त लिखे कि समझ में नहीं आया, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं, डीके पटेल क्या करते मालूम है, जब भी शेयर मार्केट अप होता है ना तभी वो शांत बैठते हैं, और जब भी डाउन होता है तो कितना लॉस किया, इतना लॉस किया, इतना लाख लॉस किया, इतना करोड़ लॉस किया, तो बोलो बेस्ट क्या है, पार्टी बोलती है LIC बेस्ट है, बोले करा लो फिर, और इसीलिए अभी ये मार्केट डाउन हुआ, इसीलिए धर्मेंद्र भाई आपका 2 MDRT हो गया इस साल। चलिए बढ़िया, मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि जो म्यूचुअल फंड है और LIC है, देखो उनको हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ टू गोल, हमारे जिंदगी के एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म गोल है ना उसके पैसे आप बैंक में रखो, FD करो, शेयर्स में डालो, म्यूचुअल फंड लो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल आपका सिक्योर्ड होना चाहिए, राइट, आपका कैपिटल गारंटेड होना चाहिए। तो इस विषय में हम बात कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं दूं आपको SIP एंड LIC के बारे में, हम ये बोल सकते हैं व्हाट इज SIP, SIP इज अ डिप्लोमा कोर्स, किसी का भी डिप्लोमा, 1 साल 2 साल डिप्लोमा, फटाफट आओ फटाफट सीखो निकलो यहां से। एंड व्हाट इज LIC, इट इज अ डिग्री कोर्स, लगता है टाइम लगता है, 7 साल लगता है, 8 साल लगता है, 5 साल लगता है, हाँ, बट उसके बाद जो आपकी कमाई शुरू होगी दैट इज मार्वेलस, राइट। सो हम ये अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बता सकते हैं। यस, ये एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, इतने साल प्रीमियम कैसे भर पाएंगे, सो यहाँ पर अल्पेश भाई मेरे को लग रहा है इसका जवाब देना चाहेंगे, राइट। सो अल्पेश भाई ने जहां लॉन्ग टर्म की बात आती है तो इतना साल मैं प्रीमियम 20 साल 25 साल में कैसे भर पाऊंगा। मुझे सर ये ऑब्जेक्शन आया था कि मैं इतने आगे, अभी तो मैं पैसा भर दूंगा लेकिन आगे 15-20 साल अगर नहीं भर पाया तो क्या करूंगा, तो मैंने उनको यही बोला कि सर आपके पास कार है, राइट, अभी समझो कि आप गोरीवली रहते हो, आपको अंधेरी जाना है और आप घर से निकले हो, सिग्नल पे अटके हो और सिग्नल पे आप सोच रहे हो कि ये सिग्नल अभी ग्रीन है, रेड है, अभी ग्रीन होएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन अंधेरी तक के जितने भी सिग्नल ग्रीन रहेंगे ना सब ग्रीन रहेंगे साथ में, तो ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो मैं पहुंचूंगा क्या, मतलब आप सबको फोन करके पूछोगे भाई आगे का सिग्नल ग्रीन है कि रेड है, आगे का ग्रीन है कि रेड है, आपको ऐसा पता चलेगा कि सभी सिग्नल ग्रीन है तो ही मैं जाऊंगा, तो कभी आप पहुंच पाओगे क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, नेक्स्ट सिग्नल पे जाना पड़ेगा, वहां जाओगे थोड़ा रुकोगे तो वो रेड होगा, तो दो दिन एक दो मिनट में वापस ग्रीन होगा तो आप आगे जा पाओगे, लेकिन आपने शुरुआत ही नहीं की तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, तो इस तरह से मैं उनको हैंडल करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यस, इस विषय में और कौन कहना चाहेगा? यस, पूजा। सर यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन जब भी आता है लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे भी बहुत बार, तो यहाँ पे 20-15 साल लोग प्रीमियम भरने के लिए डरते हैं, बोलते कि कुछ हो जाएगा बीच में, जॉब का प्रॉब्लम या कुछ, तो हम लोग भर पाएंगे या नहीं, ये ऑब्जेक्शन हमेशा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे टेकल करती हूँ कि देखिये सर, हम लोग से अपने पूरे लाइफ में ऐसी कितनी सारी जिम्मेदारियां है, हम लोग को पता नहीं वो कितने साल मुझे लेनी है फिर भी ले लेते, जैसे कि हम लोग शादी करते हैं तो जो नया पार्टनर हम लोग लेके आते तो उसकी जिम्मेदारी लाइफ की पूरी ले लेते, ऐसे मैं उनको पूछती हूँ। फिर सर मैं उनको पूछती हूँ सर आपको कितने बच्चे है, तो 2 है, तो मैं बोलती हूँ सर यहाँ पे देखिए, एक जिम्मेदारी ने यहाँ पे अपने और 2 जिम्मेदारी ली है और वो भी उनका 25 साल कंप्लीट होने तक, ठीक है, तो ये भी जिम्मेदारी अपने लॉन्ग टर्म के लिए ली है। फिर थर्ड जिम्मेदारी आती है, हर एक का घर लोन पे होता है सर, EMI की जिम्मेदारी की, वो भी EMI होता है 20-25 सालों का, तो ये भी जिम्मेदारी सर आप 20-25 सालों तक लेते हैं EMI, तभी आप नहीं सोचते कि मेरा जॉब चला जाएगा, बीच में कुछ हो जाएगा तो ये जिम्मेदारी मैं कैसे निभा पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है सर शादी करते हैं तो वो खुशी आ जाती है वो इमिडिएटली आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो भी उनके साथ खुशी आ जाती है वो भी इमिडिएटली आ जाती है, घर भी देते हैं तो हम लोग को सामने दिखता है,
तो जो भी हम लोग वो जिम्मेदारियां लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उससे अपने के खुशी आती है, इसलिए हम लोग लेते हैं। लेकिन LIC की पॉलिसी लेते हैं हम लोग तो 20 साल हम लोग प्रीमियम भरते हैं और 20 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी आती है। लेकिन सर वो 20 साल के बाद जो मैच्योरिटी आती है आपको एट प्रेजेंट भरने के लिए लायबिलिटी दिखेगी, लेकिन 20 साल के बाद वो मैच्योरिटी बड़ा अमाउंट आपको जब ये आ जाएगा तो रिटायरमेंट की जिम्मेदारी रहेगी ना कि मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। ये खुशी सर तभी की बहुत रहेगी सर, और एक रिटायरमेंट फंड आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप कर पाओगे। और यहाँ पे सर और एक भी आ जाता है कि सभी लोग जैसे बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म मुझे 10 साल का दीजिए 15 साल का दीजिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी बता देती हूँ सर, देखिए मैं 15 साल के लिए आपको दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप 30 साल के एज में 15 साल का ही लेते हैं और 45 में जाके आपको कुछ हेल्थ इश्यू आ जाता है तो तभी आप इंश्योरेंस बढ़ा नहीं सकते हो। तो अभी से आप लॉन्ग टर्म के लिए LIC में लेते हो तो आपको कम प्रीमियम में रिटर्न भी ज्यादा आ जाएगा, और आपका जब तक आपका अर्निंग का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, इनकम का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, तभी तक आपका कवर भी रहेगा। ऐसे करके मैं ये करती हूँ। बढ़िया मयूर भाई, आपने भी उंगली उठाया था लॉन्ग टर्म के आंसर में, प्लीज। सर ज्यादातर क्लाइंट को मैं कहता हूँ कि देखिए सर, आज कमा रहे हो फिर भी आप डर रहे हो, तो फ्यूचर में तो आपकी इनकम बंद होने वाली है। दूसरी बात, आपने 15 लाख की कार ली, 40,000 रुपया आपने उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है, मान लो 5 साल बाद आपने वो कार बेच दी तो नई कार लोगे, फिर उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम चालू होगा। तो जब तक जियोगे तब तक कार का प्रीमियम भरोगे, आपके पास मेडिक्लेम है तो मेडिक्लेम का प्रीमियम भरोगे, लाइट बिल, मोबाइल बिल, बच्चों का एजुकेशन, स्कूल की फीस, आप कहाँ कटौती करते हो, किसी खर्चे में आप काप नहीं रख रहे हो, और वो जो सबसे जरूरी है उसमें आप बोल रहे हो कि कैसे भरेंगे, डर रहे हो, तो उस तरह भी हैंडल कर लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस भूपेंद्र भाई। सर ये मैं ये जो ओवरकम करता हूँ तो पार्टी को ही पूछता हूँ कि भाई मानो कि 40 साल की एज है उनका, तो मैं पूछता हूँ कि आपने इनकम स्टार्ट कब किया, तो बोलता है 20-21 साल में, तो सैलरी कितना था, तो 1200-1500, अभी कितना है, मतलब 25 साल में कितना हुआ, 30 साल में कितना हुआ, अभी कितना है, तो हर टाइम ग्राफ ऑफ ही जाता है। तो मैं बोलता हूँ जैसे टाइम जाएगा ना, इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसे की वैल्यू कम होगी और आपकी अर्निंग कैपेसिटी एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ेगी, तो ये अमाउंट छोटी होती चलेगी। आपके पास पुरानी पॉलिसी है मनी बैक 6,000 हफ्ता, तो कैसा लगता था उस टाइम, तो बोलता है वो मेरा 3 महीने का सैलरी जाता है, अभी कितना जाता है, मतलब परसेंटेज वाइज वो 25% था, अभी वो 2% है। तो जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो आपको भर ही नहीं लगे, अभी फ्यूचर में आप 10 बार प्लानिंग करोगे क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई। और मैं बोलता हूँ कि आपका फैमिली में सभी का इनकम का फ्लो देख लीजिए, 0 से स्टार्ट हो गए, ऐसे ही 45 डिग्री ही जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, आपको कभी भारी नहीं पड़ेगा। और भारी पड़ेगा तो मैं बैठा हूँ, 3 साल के बाद पैसा रोटेशन में दूंगा, कभी भी पैसे की लिक्विडिटी की जरूरत है मैं बैठा हूँ, तो एग्री हो जाता है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ प्लीज पारस भाई। हमारे गुवाहाटी से जो दिगंता जी, आपके लिए आपका आवाज दब रहा है बीच बीच में, सुन रहा है ना, कूलिंग ऑफ वाली पॉलिसी कैसे पार्टी को, उसके ऊपर दिगंता जी से। कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन मैंने हैंडल किया था, एक्चुअली पॉलिसी मैंने दे दिया, एक मिल के ही दे दिया था, जस्ट 13 लाख का पॉलिसी, तो नेक्स्ट 3 इयर्स का प्रीमियम भरने का बंदोबस्त भी हुआ, तो बीच में उसको उसका रिश्तेदार कोई LIC का एम्प्लॉई है, तो एक कूलिंग ऑफ पॉलिसी नाम पे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो सब लेके वो चला गया ब्रांच में। ब्रांच मैनेजर मुझे फोन करके बोला जाए यार क्या तुम्हारा आदमी संभालो, मैंने उसको फोन नहीं किया, तो 2 दिन बाद वो मेरा सामने आके बैठ गया। मैंने क्या किया, उसने बोला आके राजवंशी कूलिंग ऑफ करना है, मैंने उसको बिठाया साबानी खिला के, उसको जो जो बातें बोल के उसको मैंने कन्विंस किया था, वो सारे बातें रीटॉक किया मैंने उसके साथ, और उसका फीडबैक लेते गया, सर ये बोला था ये सही है या गलत, उसने बोला सही है, सर ये बोला था ये सही है गलत, बोले सही है, सर कल कुछ जगह तो 13 लाख देंगे ये सही है गलत, बोले सही है, मैंने आपको बोला था कि फाइनेंशियल मैटर में
पर्सन का बात मत चुनो, क्योंकि LIC जो पैसा देगा मैं लाके दूंगा, थर्ड पार्टी आपको लाके नहीं देगा, आपने बोला था उसने ने बोला, अच्छा सही है ना गलत है, वो सारे चीजें जो चीजें बोल बोल के मैंने उसको कन्विंस किया था सारे चीजें मैंने बोल दिया और उसको उसका फीडबैक लेते रहा। तो बाद में उसको बोला मैंने, बोले सर आपको मैं चैलेंज शब्द मुंह से नहीं लिया, लेकिन इसे बोले सर आपने मुझे ये प्रूफ करिए कि आपके साथ मैंने क्या गलत किया, और उसको मैंने बोल दिया पूरा ध्यान पूर्वक आत्मिकता से बोल दिया, बोले देखिए सर मेरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है या कुछ देने का ही है, आज तक कूलिंग ऑफ एक्सपीरियंस मेरे सामने आया नहीं, आपने लिया ठीक है, लेकिन आपने बोलिए मैं क्या करना चाहिए, उसने बोल दिया बोले राजवंशी साहब ठीक है लेकिन मुझे कूलिंग ऑफ करना है, बोले ठीक है सर मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन एक आप एक काम करना होगा, उसने बोला क्या, आप टीचर हो, मान लीजिए कोई स्टूडेंट आके आपको बोला कि पढ़कर कोई होने वाला नहीं, आप जानते हो कि पढ़कर ही सब होता है, तभी भी स्टूडेंट का बात मान के आपने लास्ट टाइम लिख कर दिया उसको, ये लिख कर दिया चलो तुम ही राइट हो, लिख पढ़कर काम नहीं होने वाला, उसका समय पे आपका दिल पे जो बीतेगा, ये पॉलिसी कूलिंग ऑफ करने के समय पे वही चीजें मेरा दिल पे बीतेगी, तो आप रिटर्न करिए, लेकिन ये जो बात मैं बोल रहा हूँ उसी समय पे वो कंसियस हो गया, उसका लगा अरे यार ये तो सही बात है, और एक ऐसे माहौल में उसको मैंने पॉजिटिव कर लिया, और उसको रीटिंग करने के लिए मैंने बोला आप रीटिंग करिए 10 बार करिए 20 बार रीटिंग करिए, लेकिन जो कूलिंग ऑफ जो सब लेकर आया आपने, जिसने आपको ये शब्द सुनाया उसको पूछिए कल आपका कुछ हो गया 13 लाख में ला के दूंगा, और पॉलिसी कूलिंग ऑफ कर लिया तो ये जो रिश्तेदार है आपका वो भी उसका जेब से देगा कि नहीं देगा वो बात उसको पूछ कर लीजिए, बाद में आप आ जाइए, बस उसने चला गया अभी तक आया नहीं। बढ़िया। अच्छा प्रधानमंत्री वय वंदना और जीवन शांति के बारे में यहाँ पर हमारे दोस्त ने किसी ने पूछा है, तो कोई जवाब देगा यहाँ पर? Yes, सिंपल सा जवाब है, चलो एक सेकंड में दे, आज चलो भद्रेश भाई आप दो, क्योंकि आज आपका दिन है ना, तो मैं आपको चांस दे रहा हूँ। Yes, मेरी पार्टी का ऐसा हुआ था कि पार्टी ने 10 लाख वयवंदन में बोल रही थी, मैं बोला कि जीवन शांति में डालो, क्योंकि अभी जो नई वयवंदन आई ना उसके अंदर 1 साल का ही इंटरेस्ट गारंटेड है, उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ चढ़ाव उतार आएंगे तो उसका चेंज होगा, 10 साल के लिए फिक्स नहीं है। मैंने पार्टी को बोला देखो सर इसके अंदर आपको 1.5% कम मिल रहा है लेकिन ये गारंटेड है और वो 10 साल के लिए है, 10 साल के लिए फिक्स नहीं है, पहले वाली जीवन शांति में फिक्स था आप अपने प्रधानमंत्री में, लेकिन अभी फिक्स नहीं है और उसके अंदर चार्ज भी लगने शुरू हो गए हैं। तो पार्टी को मैंने ऑन पेपर दिखाया LIC के सर्कुलर से, बाद में जाके पार्टी मान गई, बोले कि नहीं हमको तो पूरी लाइफ लाइन तक हमको पूरा चाहिए, और पार्टी को बोला कि देखो 2001 में LIC 10.5% दे रही थी तो अभी भी 10.5% दे रही है जीवन अक्षय में, तो इसके अंदर पूरी लाइफ तक देगी आपको जो अभी कमिटमेंट कर रही है, तो पार्टी बोला कि सही है ऐसे जाके आपको दे दिया सर। राइट, एक्चुअली इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है प्रधानमंत्री वय वंदना में। सर मैं रेटिफे करूं? हाँ, प्लीज। एक्चुअली में सर कैसा है कि समझो अभी हमने अप्रैल 2020 से जो अपना चालू हुआ प्रधानमंत्री योजना उसमें समझो अभी 7.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी, तो वो 10 साल तो फिट्स है, वो चेंज नहीं है, फिट्स है। मैं वही कहना चाहता था। हाँ 2021 में जो चालू होगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट नक्की होगा ना वो 21 में 10 साल फिट्स रहेगा, ऐसा रहेगा। यस लेकिन तो हम इसको हम क्या बोल सकते हैं भद्रेश भाई कि 10 साल के लिए सी, आज अगर आपका एज है 55 तो आपको 55 से 65 तक आपको जो या तो 60 से 70 तक चलो गारंटेड रिटर्न मिला, 70 के बाद क्या होगा, लेकिन अगर जीवन शांति आप लेते हैं तो 100 ईयर्स तक की आपको आज जो रिटर्न परसेंटेज लिख के दिए वो 100 साल तक आपको मिलेंगे, एक सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है जो हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा PLI के बारे में हमारे दोस्तों ने यहाँ पर पूछा है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो किसी ने टैकल किया है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस? बहुत सिंपल है, देखो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में पहली बात तो ये है कि उसमें सिर्फ 10 लाख सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 10 लाख मिलता है,
इससे ज्यादा उसमें मिल नहीं पाता है, राइट। दूसरी बात है कि पोस्टल के जो व्यवहार है वो आप देखो, कई बार हम हमारी एफडी मैच्योर हो गई है, हमारे भरे हुए पैसे हमको लेने हैं, तो जैसे भिखारी आया है वैसा व्यवहार होता है, राइट। सो तो कहीं पर भले 1% ज्यादा मिल जाए, लेकिन अगर आजकल लोग है ना सर्विस ओरिएंटेड लोग मानते, आज लोग गंदी चाय 10 रुपए की मिलती है पीना पसंद नहीं करेंगे, जाके रेस्टोरेंट में जाएंगे और 30 रुपीज की चाय पियेंगे। तो 20 रुपीज ज्यादा क्यों उसने दिया, क्योंकि उसको मालूम है उसको सहूलत अच्छी मिलती है। तो 2 पैसे भले कम मिलेंगे लेकिन अच्छी सहूलत मिले, अच्छा व्यवहार हो। आज तक पीएलआई में पैसा नहीं है, मैच्योर हो गई पॉलिसी और पैसा नहीं है, 2 महीना वेट करो, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स आपको मिलेंगे। बट एलआईसी में आज तक एक कस्टमर को कभी एलआईसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, मैच्योरिटी भले हो गई है लेकिन 15 दिन बाद देंगे। मैच्योरिटी जिस दिन है उसके पहले उसके पास में खाते में पैसे खट करके पहुंच जाते हैं, राइट। सो ये सर्विस का डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं। गवर्नमेंट पेंशन के बारे में हमारे दोस्त ने पूछे किसी ने कि गवर्नमेंट पेंशन जो है उनको मिलती है, शायद आपको उतनी प्रॉपर जानकारी नहीं है। 2003 से गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट के पेंशन बंद कर दिए, तो 2003 के बाद लगे हुए जो भी एम्प्लॉई है उनको पेंशन नहीं मिलता है। इनफैक्ट जिनको पेंशन मिलता है उनको भी जाके हम ये समझा सकते हैं कि पेंशन अगर मिलती भी है तो कितनी मिलती है। इफ योर सैलरी जब आप रिटायर्ड हुए 50,000 है, राइट। हाँ मेरी गलती हो गई, 2004 से यस। तो अगर पेंशन मिलती भी है तो 50% मिलती है, 50,000 सैलरी है तो मुझे पेंशन 25,000 मेरे को मिलती है। तो सर अगर आदत है आपको आपके परिवार को 50,000 इनकम की, तो चलो डिफरेंस का हम लोग एक काम करते हैं, पॉलिसी निकाल लेते हैं, इस तरह से बात कर सकते हैं हम लोग। एनीवन वांट टू से समथिंग? चलो हाँ अल्पेश भाई चलो। सर एक पीए का ऑब्जेक्शन बता देता हूँ। हाँ यस 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 बराबर है, आता है आता है, लिखा नहीं लोगों ने लेकिन आता है, बोलिए। जनरली लोगों को सीए का ऑब्जेक्शन आता है तो मैं कैसे हैंडल करता हूँ, मैं कस्टमर को बोलता हूँ बीरबल और बादशाह, बीरबल और बादशाह में दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है? तो कस्टमर बोलता है कि बीरबल है। मैं बोला अगर बीरबल इंटेलिजेंट है तो बीरबल कभी बादशाह क्यों नहीं बना? तो मैं बोला आप है ना अपने बिजनेस के ना बादशाह हो और वो आपका सीए बीरबल है, अगर उसके उसमें अक्कल होती तो वो बादशाह नहीं बनता था। तो सर डिसीजन आपको लेना है, उस तरह से हैंडल करता हूँ मैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, छोटी सी बात बहुत इफेक्टिव बात। यस डीके पटेल कुछ कहना चाहते हैं? अब आया जयम्बे, जयम्बे हाँ सीए सीए मुझे मुझे ध्यान में आ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़िए, मजा आ जाएगा। मेरे भी सीए का ऑब्जेक्शन बहुत आता है, जब बड़ा इंसिडेंट कभी भी आता है तो सीए बीच में आते ही है, ये बात पक्का है बराबर। तो एक पॉइंट जब मेरा बोला, मैंने बोला आएगा या जाएगा, तो वो टाइम पर बोला पार्टी को, मैंने फॉर्च्यून 500 में कौन कौन आदमी है? तो बोला सब बड़ी पार्टी। मैंने बोला उसमें से 80% डील वाले हैं, जो लोगों को देने की भावना रखता है, लोगों को सुखी करने की भावना रखते हैं बराबर। फॉर्च्यून 500 में सब बड़ी पार्टी आई है। अगर सीए का पूछ के अगर वो जाएगा तो फॉर्च्यून 500 में एक भी पार्टी नहीं पहुंची होगी। सीए को और टेक करके जिसने रिस्क लिया है वही फॉर्च्यून 500 में गई, आप किसी को भी पूछ लेना। और सीए भी हो गए फॉर्च्यून 500 में, अगर मेरे को तो ध्यान में है कि नहीं, अगर 5-10 सीए की फॉर्म अगर फॉर्च्यून 500 में हो गए, वो अभी मैंने चेक नहीं किया और पता भी नहीं किया है, लेकिन फॉर्च्यून 500 में सब यही पार्टियां जाती है जो अपने बलबूते पे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जो रिस्क लेते हैं वही लोग आगे जाते हैं। बोला पार्टी बोले नहीं सही है, सही बात है, ये भी आप बता सकते हो। बढ़िया बढ़िया कि एलआईसी का प्रीमियम ज्यादा है, नो डाउट इसका मैं खुद ही जवाब देता था शॉर्ट में। See, there is two type of premium. One is a competitive premium, another is an actual premium. Right? So, आज competition में टिकने के लिए कई बार product के हिसाब से वो लोग काम करते हैं, right? So, competitive and actual premium है, हम लोग बता सकते हैं उसमें, this is actual premium. अगर किसी का भी high premium है कोई भी company का, तो that may be actual premium. किसी ने कम रखा है तो that may be a competitive premium है।
पोस्टपोनमेंट आता है तो पोस्टपोनमेंट के लिए किसी के पास अगर जवाब है हमारे पैनलिस्ट के पास, पोस्टपोन का सामंत बोलता है बाद में कराऊंगा। राजेश सामंत के पास एक राजेश राजेश प्लीज। हाँ जी थैंक यू अमल भाई। ये ऑब्जेक्शन मुझे आया था, मैंने पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा होता है इसका प्रेजेंटेशन हस्बैंड वाइफ को दोनों को बिठा के दिया था और जैसा वो प्रेजेंटेशन चालू हो रहे तो वो पार्टी बोलता है कि आप ये सब प्रेजेंटेशन देने के बाद ना लास्ट में बोलोगे कि कितना पैसा बचा सकते हैं। अभी ये व्यक्ति जो है ना ये एग्रीकल्चरिस्ट था तो बोलता है कि तो अभी अभी नहीं करेंगे, पैसा आएगा मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने क्या किया, तुरंत बुक बिक सब बंद किया, जो नोटबुक के प्रेजेंटेशन A4 साइज का बुक पे मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ और सब लिख के रखता हूँ क्या किसको बताया वो मेरे पास होता है। तो मैंने वो बुक बंद कर दिया, बैग में डाल दिया, चेन बंद कर दिया और फिर उसको लगा कि अभी जाएंगे तो बोले नहीं 2 मिनट रुको, वाइफ को उसने आवाज दिया बोला कि जरा चाय बना ले और वो चाय बना के जैसे लेके आई तो मैंने उनको बिठाया कि दीदी, मैंने बोला दीदी जैसा आप लोगों ने बताया है उस तरीके का एक फैमिली बॉन्डिंग करते हैं तो दीदी आप 2 मिनट बैठिए, आप दोनों को 2 सवाल पूछने हैं। और मैंने उनको पूछा कि क्योंकि तब तक वो सेटल हो गया था कि अब ये जाएगा आप कोई टेंशन नहीं करके, लेकिन 2 सवाल बोला तो बैठ गए। फिर मैंने उनको पूछा कि आपके इधर समर सीजन में पानी कहाँ से आता है, तो बोलता है कि यहाँ पर ना डैम बना है, नदी के ऊपर डैम बना है। मैं बोला कि ये डैम जो है वो समर में बनाते हैं कि नदी पे बनाते हैं, बोलता है नहीं नहीं समर में कैसे बनेगा नदी पे बनता है। बोला क्यों, बोलते समुद्र एक बार समुद्र में गया ना तो वो खारा जाता है, वो कोई यूज का नहीं होता है, इसीलिए नदी के ऊपर वो डैम बनाया जाता है जिससे वो पानी नहाने के लिए एग्रीकल्चर के सब पर्पज के लिए वो पानी काम आता है। मैंने बोला एब्सोल्युटली मैं भी उसके लिए आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी डैम बनाने के लिए आया हूँ। तो वो सरप्राइज हो गया। मैं बोला कि आप जो इनकम करते हैं ना वो पैसा आप खर्चा करते, कोई ना कोई हर रीजन से अपनी जेब से पैसा निकलता है और वो पैसा खर्चा करते, मतलब जो इनकम है वो अगर नदी का पानी है तो एक बार खर्चा हो गया मतलब समुन्द्र में गया तो गया, तो उसको हम लोग बांध बनाएंगे, जितना बचेगा वो हमको आगे काम आएगा क्योंकि बारिश 4 महीना आती है 8 महीना आती नहीं है, ये इनकम आपको आगे काम आएगा। एंड ही गेव मी 60,000 ईयरली प्रीमियम ऑन द स्पॉट, आगे का प्रेजेंटेशन देने का जरूरत है। थैंक यू सर जी। दिख रहे हैं बिजनेस मार्केट में नहीं है, पार्टी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। विनोद जी आपको बताऊं अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने COT किया है, TOT किया है, MDRT किया है, लास्ट सेशन में भी थे पलजी भाई थे उन्होंने भी किया है। सो कहने का पर्पज है मुझे लगता है नजरिया यहाँ भी है दोस्त। मुझे एक ही चीज कहना है, डल रहोगे तो मार्केट डल दिखेगा, आप अगर पावरफुल रहोगे तो मार्केट पावरफुल दिखेगा। आज से ये 20 दोस्तों को हम सुन रहे हैं, ये 20 के 20 दोस्त MDRT इस साल का मैक्सिमम कर चुके हैं और इसके पहले सीजन 2 सीजन 1 सभी MDRT कर चुके हैं, राइट? तो खुद डल में से बाहर निकल जाओ, मार्केट बहुत ही ओपन दिखेगा। सो आई थिंक इनफ टाइम हुआ है एंड थैंक यू सो मच जितने भी पैनल पे हैं हमारे दोस्त, आप लोगों ने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया हम सभी दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।